हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरीशंकर, टीम फिजिक्स, सीएलसी सीकर। ये हम लोगों का बेटा डीसीएम दंगल की टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। और इसका इसमें आपके 15 पेपर होने हैं। इसका फोर्थ पेपर का आज अपन लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी है। जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं उनको आप अच्छे से करते रहिए, फार्मूले सब याद रखिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए, उसको बाद में करिए, उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। दंगल का मतलब ये नहीं कि आप उसमें उस क्वेश्चन को लेकर के आप उसमें फाइट करने लगे तो आपने अपना टाइम बर्बाद कर दिया, ठीक है। दंगल का मतलब है आपको फाइनली आपको विजय प्राप्त करनी है। ओके बेटा, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस। अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है, सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। तो यहीं से हमें क्या कंक्लूजन मिल गया कि दो यूनिट वेक्टर थे और दो यूनिट वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो यूनिट वेक्टर है। तो इसका मतलब दोनों के बीच का जो एंगल हो गया कितना हो गया बेटा, 120। थीटा क्या हो गया, 120। अब अपन लोगों को लिखा लेना है डिफरेंस। तो डिफरेंस हमारे पास क्या हो गया, मान लिया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये था, तो अब इसमें क्या आ जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। ए स्क्वायर मतलब हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू माइनस ये कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस 120। कॉस 120 होता है माइनस 1/2। इसको सॉल्व कर लिया, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये आ जाएगा रूट 3। तो आंसर नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते बेटा अगले क्वेश्चन में, इफ द एनर्जी ई वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज देन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द सरफेस टेंशन। तो देखिए, सरफेस टेंशन का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है एम टी माइनस टू। अब इसको लिखना है अपने को एनर्जी के फॉर्म में। तो एनर्जी के लिए क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए एम एल टू टी माइनस टू। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये हमारे पास वेलोसिटी का लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हमने क्या किया, एल टू का मल्टीप्लाई किया, टी टू का मल्टीप्लाई किया, और अगर हमने क्या कर दिया, एल माइनस टू कर दें, टी प्लस टू कर दें, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। बोलो, ये हमारा हो गया एनर्जी, ये हमारा क्या हो गया एनर्जी, ये क्या हो गया, ये हो गया वेलोसिटी पावर माइनस वन। क्यों, एल टी माइनस वन इज इक्वल टू वी, ये होता है। तो वी माइनस वन क्या आ जाएगा, एल माइनस वन टी वन। तो वी माइनस टू क्या आ जाएगा, एल माइनस टू टी टू। तो एल माइनस टू टी टू हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया वेलोसिटी पावर माइनस टू, और ये टी माइनस टू हमारे पास ये आ गया डायरेक्ट। तो ये आपका आंसर नंबर टू करेक्ट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी है। यूनिफॉर्म मोशन मींस वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी है। तो वेलोसिटी देखो बेटा किसमें कांस्टेंट है, वेलोसिटी हमारा वन नंबर में वेलोसिटी कांस्टेंट है, आंसर नंबर वन। इसके बाद हम लोग आते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद ए स्पीड ऑफ यू मेकिंग एन एंगल टू थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। व्हाट इज द स्पीड व्हेन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो देखो, यहां से हमने किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया और यहां पर एंगल बेटा टू थीटा, कितना है टू थीटा। वेलोसिटी मान लिया हमारे पास है यू, अब ये ऐसे जाकर के ऐसे गिरा, ऐसे
अब मान ली यहां पर वेलोसिटी क्या हो गई, ये हो गया वी, और इस समय ये हॉरिजॉन्टल एंगल क्या बना रहा, थीटा। सो व्हाट बी दिस वैल्यू, ये हमारे पास आ जाएगा यू कॉस टू थीटा, और यहां पर क्या आएगा, ये आ जाएगा वी कॉस थीटा। आपको जैसा कि मालूम है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डज नॉट चेंजेस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डज नॉट चेंजेस, तो क्या आ जाएगा, वी कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा यू कॉस टू थीटा। तो v cos थीटा इज इक्वल टू यू cos 2 थीटा, क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा u, और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा माइनस 1 बाई cos थीटा। ये कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, v इज इक्वल टू आ गया u 2 cos थीटा माइनस sec थीटा। आंसर चेक कर लो कौन सा आएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ए प्लंब लाइन इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए सीलिंग ऑफ ए कार मूविंग विद हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ ए, व्हाट बी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द वर्टिकल। एक गतिमान कार की छत की डोरी से लटकाया गया है एक गोले को, और त्वरण क्या है, त्वरण ए है। तो यहां पर आपको मालूम है tan थीटा इज इक्वल क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल होता है a अपॉन g, तो थीटा इज इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स a बाई g, tan इनवर्स a बाई g, तो आंसर नंबर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, व्हाट शुड बी द एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड इफ इट डज नॉट स्लिप फ्रॉम द सर्फेस। तो देखो यहां पर क्या है, एक ये सर्कुलर पाथ में है, ऐसे है, यहां पर मान लिया कहीं पर ये ऐसा रखा हुआ, अब ये स्लिप ना करे, इसका मतलब क्या हो, ये इधर की तरफ जाएगा, इसको बैलेंस करने के लिए इधर फोर्स होना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स, और ये हो गया हमारे पास एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, और एफ एस क्या हो गया, ये हो गया म्यू एम जी, फ्रिक्शनल फोर्स। तो म्यू एम जी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, स्मॉल एम से स्मॉल एम कटा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी म्यू अपॉन आर, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट ऑफ जी म्यू अपॉन आर, आर कितना है, आर है हमारे पास 10 मीटर। अब वैल्यू देख लो बेटा क्या हो गया, जी का वैल्यू क्या है 9.8, जी का वैल्यू हमारे पास क्या है 9.8, और ये कितना है, ये है 0.5, आर कितना है 10, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 49 आएगा, बोलो 4.9 अपॉन 10, इसको ऐसे कर लिया क्या आ जाएगा 7/10 मींस 0.7, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, इफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाय 100%, मतलब संवेग कितना बढ़ा दिया गया 100%, सो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो देखो k इज इक्वल हमारे पास क्या होता है, k इज इक्वल होता है p स्क्वायर बाई 2m, k इज इक्वल क्या होता है p स्क्वायर बाई 2m, तो k1 अपॉन k2 इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास p1 अपॉन p2 का होल स्क्वायर। 100% बढ़ाया गया, पहले काइनेटिक एनर्जी k थी, अब काइनेटिक एनर्जी K2 है, पहले मोमेंटम P था, अब 100% बढ़ा दिया गया, तो P था, P के साथ 100 और बढ़ा दिया गया, मान लिया पहले हमारे पास P है और 100% और बढ़ा दिया गया, तो कितना हो गया 2P हो गया, क्या हो गया 2P का स्क्वायर। तो यहां पर K2 क्या आ गया, K2 हमारे पास क्या आ गया 4K, तो चेंज कितना हुआ, चेंज हमारे पास आ गया डेल्टा K बराबर 4K माइनस K, कितना आ गया डेल्टा K हमारे पास हो गया 3K। अब परसेंटेज मिले तो डेल्टा के अपॉन के इंटू 100, तो यहां पर क्या आ जाएगा 300%, राइट बेटा, ये हमारे पास आंसर नंबर हो गया 4। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थ्री मासेज आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, 300 ग्राम एट ओरिजिन, 500 ग्राम एट 40 सेंटीमीटर एंड 400 ग्राम एट 70 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए हमने ऐसे इसको बनाया,
ये हमारे पास है ओरिजिन 0.0, एक मास यहां पे रखा हुआ है, ये मास कितना है बेटा 300 ग्राम यहां पर रखा हुआ है और इसको हमने मान लिया M1। फिर 40 सेंटीमीटर पर 400 ग्राम है। फिर दूसरा हमारे पास क्या है, ये 40 सेंटीमीटर पर कितना रखा हुआ है, 40 सेंटीमीटर पर मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये हो गया 40.0। यहां पर कितना रखा गया है 500 ग्राम, यहां पर कितना रखा गया बेटा 500 ग्राम, ये हो गया आपका M2, राइट। फिर 400 ग्राम कहां पर रखा हुआ है, एट 70 पर, यहां से यहां तक 70 है, ये क्या बेटा 70 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 70.0। और यहां पर इसका मास कितना दिया है, मास दिया M3 बराबर 400 ग्राम। तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, देखिए XUM M1X1 प्लस M2X2 प्लस M3X3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो यहां पर 300 ग्राम वाला कहां पर है, ओरिजिन पर है, 500 ग्राम वाला कहां पर है, 40 सेंटीमीटर पर है, और 400 ग्राम वाला कहां पर है, 70 पर है, अपॉन मास टोटल कितना हो गया 300 प्लस 500 प्लस 400, 300 प्लस 500 प्लस 400, यहां पर कितना आ जाएगा, देखिए 1, 2, 3, ये 3 जीरो ले लिया और 5 को 20 प्लस 1, 2, 3, 1, 2, 3 ये लिखा और ये कितना आ गया 28, ठीक है। अब कितना आया 2, 5, 4, 9, 3, 12, 1200 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 48 अपॉन 1200, 1, 2, 1, 2 कितना आ जाएगा 40, आंसर क्या हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन, ये बेटा आपको ध्यान रखना है कि रेडियस ऑफ गायरेशन मास डिस्ट्रीब्यूशन पर और एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, आंसर नंबर 2। नेक्स्ट, द लोअर सरफेस ऑफ द क्यूब इज फिक्स्ड ऑन द अपर सरफेस, फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। तो इसमें चेंज किस टाइप का होगा, यहां पर आप देखिए कि हमने क्या कर रखा है, हमने इसको फिक्स कर रखा है, इसको फिक्स कर रखा है, अब यहां पर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो जब यहां पे फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, कुछ ऐसा चेंज होकर के आएगा ऐसा, तो इसके शेप में चेंज हो जाएगा और साइज में चेंज हो जाएगा, इसी को आप कहते हैं शियर स्ट्रेन। नेक्स्ट, टू स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मर्करी ईच ऑफ रेडियस आर कोलिज टू फॉर्म ए सिंगल लार्ज ड्रॉप, द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द चेंज। तो यहां पर क्या है कि दो मर्करी ड्रॉप को मिला करके एक बड़ी ड्रॉप बनाएगी और बड़ी ड्रॉप बनाने के बाद जो वहां पर एनर्जी आई, अब आपको वो कैलकुलेट करना है। तो मान लिया वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टू स्मॉल ड्रॉप्स, तो यहां पर 4/3 pi R³ इज इक्वल टू 2 × 4/3 pi r³, ये हमारे पास 4π से 4π गया, r इज इक्वल टू क्या हो गया 2^1/3 × r, ये हमारे पास बात बनी। अब एनर्जी की बात करनी है, किसकी एनर्जी की, तो e बिफोर क्या आएगा, दो है 4π इज इक्वल टू w इज इक्वल टू T × Δ होता है, तो T × 4π r² एक के लिए था और इसमें दो हैं तो दो का मल्टीप्लाई हो गया। अब e आफ्टर की बात करें, e आफ्टर यहां पर 1 है तो T × 4π r² ये आया कैपिटल R² सॉरी, तो ये कितना आ गया 4π T, कैपिटल R² की जगह वैल्यू रख दो, क्या रख दिया 2 पावर
वन बाई थ्री का होल स्क्वायर किया तो क्या आ गया, टू बाई थ्री आ गया, और ये आर का आर स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों का रेशियो ले लो, ई बिफोर अपॉन ई आफ्टर, ई बिफोर अपॉन ई आफ्टर क्या आ जाएगा, टू इंटू टी इंटू फोर पाई आर स्क्वायर अपॉन फोर पाई टी इंटू टू पावर टू बाई थ्री इंटू आर स्क्वायर। फोर पाई टी कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, ये गया ऊपर, तो आंसर क्या आ जाएगा, टू पावर वन बाई थ्री रेशियो वन, आंसर सेकंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन, इन दिस फिगर द वेलोसिटी वी थ्री, आपको ये वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करने है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यू नो दैट ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस ए थ्री वी थ्री इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब यहां से जो हमारे पास ए वन वी वन है और वो हमारे पास यहां से इंटर कर और यहां से एग्जिट हो रहा, मीन्स ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू प्लस ए थ्री वी थ्री, ये हमारे पास बना। ए वन क्या है, ए वन है पॉइंट टू, वी वन क्या है, वी वन है फोर इज इक्वल टू, ए टू क्या है बेटा पॉइंट टू, वी टू क्या है टू, प्लस ए थ्री कितना है पॉइंट फोर, वी थ्री आपको कैलकुलेट करना है। ये आ गया बेटा पॉइंट एट, यहां पर आ जाओ, यहां पर आ गया पॉइंट फोर प्लस जीरो पॉइंट फोर वी थ्री, ठीक है, कितना आ गया, ये इधर आया, ये आ गया पॉइंट फोर इज इक्वल टू पॉइंट फोर वी थ्री, तो वी थ्री हमारे पास क्या आ गया, वन मीटर पर सेकंड, आंसर थर्ड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन, द वर्किंग ऑफ वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर की वर्किंग किस पर डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द बर्नौलीज़ थ्योरम, आंसर नंबर थर्ड विल बी करेक्ट। यहां पर क्या कह रहा है, एम्पलीट्यूड कितना है 50 mm, तो ए हमारे पास हो गया 50 mm, 50 mm का मतलब हो गया 0.05 meter। अब टाइम पीरियड क्या दे रहा है, टाइम पीरियड दे रहा है 2 सेकंड, ओमेगा इज इक्वल होता है 2π/T, ओमेगा हमारे पास हो गया 2π/T कितना है 2 सेकंड, क्या आ गया पाई। अब आपको निकालना था वी मैक्सिमम, वी मैक्सिमम क्या हो गया बेटा ए ओमेगा, ए हमारे पास हो गया 0.05 इंटू ओमेगा क्या है पाई, तो 0.05 इंटू पाई कितना हो गया 3.14, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 0.15 मीटर पर सेकंड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था, सॉरी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 15, देखिए व्हाट बी द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग शोन इन द फिगर, देखिए क्या कह रहा है, ये हमारे पास है, ये दोनों किस में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2K1, राइट, और ये इसके साथ किस में है, सीरीज में है, तो 1/K इफेक्टिव क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2K1 प्लस 1/K2। अब के इफेक्टिव अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा सेकंड। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर इंक्रीजेज ऑन द सेल्सियस स्केल इज 1 degree, देन द टेम्परेचर इंक्रीज ऑन केल्विन स्केल, इंक्रीमेंट हमारे पास क्या रहेगा, जो डिफरेंस रहेगा वो अगर सेल्सियस स्केल पर अगर 1 सेल्सियस है तो केल्विन स्केल पर भी हमारे पास क्या रहेगा, 1 केल्विन रहेगा। नेक्स्ट, एट व्हाट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस बिकम्स ट्रिपल एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू, वी वन वी है, वी टू क्या हो जाए, ठीक है वी टू हो गया हमारे पास 3V, टी वन कितना हो गया, टी वन हो गया 273 अपॉन टी टू, वी से वी गया, टी टू हमारे पास क्या आ गया 3 × 273। अब हमें क्या निकालना है, अब टी टू की वैल्यू निकालनी है, तो टी टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 × 273 इसको सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा 546 degree centigrade, आंसर 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस इज वी, स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस इज वी, तो साउंड के लिए क्या होता है, वी इज इक्वल रूट ऑफ गामा
आर टी अपॉन एम ये, और आर एम एस वेलासिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज सी, सी आर एम एस क्या हो गया, सी आर एम एस, ई आई सी को हम लोग सी लिख दें, ये होता है रूट थ्री आर टी अपॉन एम। इन दोनों का रेशियो हम लोग निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ गामा बाई थ्री, आंसर फोर विल बी करेक्ट। ऑन कोलाइडिंग, क्वेश्चन नंबर 19, ऑन कोलाइडिंग इन ए क्लोज्ड कंटेनर द गैस मॉलिक्यूल्स क्या करता है, कंटेनर के अंदर जब गैस मॉलिक्यूल कोलाइड होते हैं तो वो अपना मोमेंटम ट्रांसफर करता है टुवर्ड द वॉल, आंसर फर्स्ट विल बी करेक्ट। इन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द पी क्यू आर एस पी प्रोसेस, द नेटवर्क डन बाय द सिस्टम, नेटवर्क डन बाय द सिस्टम, ये देखिए कैसा है, ये हमारा एंटी क्लॉक वाइज तो निगेटिव आएगा, तो दो तो पहले ही गायब हो गया, अब यहां से देखना है अपने को। अब ये पूरा एरिया निकाल लो, ये एरिया क्या आ जाएगा, ये हमारे पास हो गया 200 और ये हो गया 100, तो 200 इंटू 100 किलो पास्कल है, ये सीसी है, कर लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सेकंड, ठीक है। इसका एरिया निकालोगे ना, इसका ये साइड इंटू ये साइड करोगे, और ये हमारे पास चूंकि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है निगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एफ, ए 50% मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर टू द अदर ऑब्जेक्ट, देन व्हाट बी द न्यू फोर्स, राइट। तो मान लिया हमारे पास इक्वल मासेस का एक, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, जी एम वन एम टू, मतलब जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, नंबर वन। अब क्या कह रहा है, 25% एक से दूसरे में ट्रांसफर कर दिया, तो एक में कितना रह गया, अब एम वन हमारे पास हो गया, एम वन हो गया एम माइनस 25%, मतलब 25 m अपॉन 100, मतलब क्या आ जाएगा, m माइनस m बाई 4, ये हो गया 3 m बाई 4, कितना हो गया बेटा 3 m बाई 4, और m2 क्या हो गया, m2 हमारे पास एक जुड़ गया, तो m प्लस m बाई 4 आ गया, तो कितना हो गया, ये हो गया 5 m बाई 4, अब ये हो गया m1 और ये हो गया m2, ठीक है। अब f डैश निकाल लो बेटा, f डैश क्या हो गया, g m1 m2 3 m बाई 4 इंटू इंटू 5m by r 4 upon r square है, तो f dash कितना हो गया, g m square upon r square into 15 upon 16, ये हमारे पास क्या है, f के बराबर है, तो f into 15 upon 16, तो आंसर क्या आ जाएगा, 15 upon 16 f, आंसर विल बी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड ए स्फेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, किसी भी स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, आंसर फर्स्ट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, एबीसी आर थ्री पॉइंट्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पर जैसे जैसे हम चलते हैं पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है, पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो यहां पर पोटेंशियल बी पॉइंट पर क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, उसके बाद फिर सी पर आएगा, फिर सबसे कम कहां पर रहेगा, ए पर रहेगा, तो मैक्सिमम कहां पर हुआ, मैक्सिमम हमारे पास हुआ कहां पर, बी पर, आंसर नंबर थर्ड विल बी करेक्ट, बी पर अधिकतम होगा। 24, ए हॉलो सिलेंडर हैविंग चार्ज क्यू एंड इट्स सेंटर इफ फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूनिट वोल्टमीटर एसोसिएटेड विद द कर्व्ड सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस के लिए फाई है, तो यहां पर हमारे पास इस सरफेस के लिए हमने मान लिया फाई वन है, और इधर भी हमारे पास क्या हो गया, फाई वन है, क्योंकि एरिया हमारे पास दोनों का सेम है, तो क्या आ गया, टू फाई वन प्लस फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो टू फाई वन क्या आ गया बेटा, ये हमारे पास क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, तो अब फाई वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई वन हमारे पास हो जाएगा 1 बाई टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, आंसर चेक कर लो कौन सा है, आंसर आपका है फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, थ्री
थ्री इक्वल कैपेसिटर ईच हैविंग कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड, देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन। अब यहां पर देखो ये पोटेंशियल वी है तो यहां पर बी होगा, ये पॉइंट हमारे पास ए है तो यहां पर ए होगा, तो हर एक के बीच में क्या आ गया, ए बी ए बी ए बी, तो ये तीनों किस में आ गए बेटा, तीनों हमारे पास हैं पैरेलल में, तीनों किस में बेटा पैरेलल में है। तो जब पैरेलल में है तो कैपेसिटेंस पैरेलल के लिए क्या हो जाता है बेटा, सब ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, थ्री सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, थ्री सी आ जाएगा। 26 देखिए, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम पर मीटर इज बेंट टू कंप्लीट ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी। तो रेडियस क्या बेटा 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरी जो लेंथ हुई ये कितना हो गया, ये हो गया 2πr, ये हो गया 2πr, तो 2π इंटू 0.1 तो कितना आ गया 0.2π। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आया वो क्या आ गया, 12 ओम पर मीटर है 0.2π, तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया 2.4π। अब आधा ये है आधा ये है, आधा ये मतलब क्या हो गया 1.2π ये हो गया, और ये 1.2π ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया R1 और ये हो गया R2, दोनों किस में जुड़े हैं बेटा, ये और ये दोनों किस में जुड़े हैं पैरेलल में, तो जब पैरेलल में जोड़ोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.6π ओम, 1/R = 1/R1 + 1/R2, राइट। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, इन द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट अक्रॉस द 2 ओम, मतलब यहां पर आपको यहां पे करंट आपको कैलकुलेट करना है, तो यहां से आ रही थी 1.4, हमने मान लिया कि यहां पर करंट आ गई I1 और यहां पर करंट आ रही I2, और I1 प्लस I2 बराबर कितना है बेटा, ये है 1.4 एम्पीयर के। अब ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन किस में जुड़ा है, पैरेलल में, इसका मतलब क्या हो गया, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो 10 और 2 कितना हो गया 12I1 = यहां पर आ गया 30I2, ठीक है, तो यहां पर आ गया 6 से कट कर दो, 6 2 जा और 6 5 जा, हमारे पास ये बना ये I1, ये 12 था, तो यहां पर क्या आ गया I2 = हमने क्या लिखा 2/5I1। अब I1 अपने को चाहिए, I2 की जगह वैल्यू रख दो, तो I1 + 2/5I1 = 1.4, तो ये आ गया हमारे पास 7I1/5 = 1.4, ठीक है, ये आ गया 0.2, तो I1 हमारे पास क्या आ गया 5 × 0.2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 एम्पियर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 एम्पियर, आंसर नंबर 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द ओमिक रेजिस्टेंस, ओमिक रेजिस्टेंस के लिए वी प्रोपोर्शनल टू आई होता है, तो वी प्रोपोर्शनल टू आई देख लो कौन सा ग्राफ है, नंबर 1, ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए बेटा, यहां पर आ गया, द इलेक्ट्रिक बल्ब इज डिजाइन टू ड्राइव पावर P0 एंड वोल्टेज V0, तो इसका रेजिस्टेंस निकाल लो, R = P = V² / R होता है, P = V² / R होता है, तो R हमारे पास क्या आ जाएगा, R हमारे पास आ जाएगा V0² / कितना आ गया P, ये हमारे पास आ गया P0। अब कितने वोल्टेज पर लगाया है हमने, V पर लगाया, तो अब हमारे पास जो पावर आएगी P′ = क्या होगा V² / R, तो V² हमारे पास ये रहा और R हमारे पास क्या हो गया V0² / P0, इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया V/V0² × P0, तो V/V0² × P0, ये आंसर आपका सेट होगा। तो ये 29 हो गया आपका, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, टू इनफाइनेटली लॉन्ग पैरेलल वायर कैरीज इक्वल करंट इन द सेम डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन द टू वायर्स, यहां पर ये करंट आई है और ये करंट आई है, हमें इसके ठीक बीच पर निकालना, मतलब ये आर है डिस्टेंस, ये आर है, तो स्वाभाविक सी बात है इसकी वजह से, इस वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगी और इस वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बाहर की तरफ होगी, और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चले बेटा क्वेश्चन नंबर
1 पर. इन द साइक्लोट्रॉन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये बेटा स्पीड पर इंडिपेंडेंट होती है. ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड. नेक्स्ट, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लॉन्ग सोलेनाइड कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय, किसी भी सोलेनाइड का हम इंडक्टेंस करंट को बढ़ा करके नहीं कर सकते. क्या कह रहा है, कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, किसके से वृद्धि नहीं हो सकती, धारा के बढ़ाने से, मतलब इंक्रीजिंग द करंट. ओके बेटा, इसका आ जाते हैं 32 नंबर पे. 32 नंबर देखिए, द प्योर इंडक्टेंस 3 हेनरी आर कनेक्टेड एज बिलो, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी इंडक्टेंस, ये एल है, ये एल है, ये एल है, ये तीनों किस में बेटा, ये पैरेलल में है. तो ये हमारे पास 3 है, ये 3 है, ये 3 है. पैरेलल में क्या होता है, 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 प्लस 1 अपॉन L3. तो यहां पर जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी 1 हेनरी. नेक्स्ट, द प्रोसेस विद विच द एसी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी, एसी का डीसी में कन्वर्जन कौन करता है बेटा, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज द रेक्टिफिकेशन, मतलब दिष्ट करण. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई इन द गिवन सर्किट. यहां पर देखिए, ये हमारे पास एसी सोर्स है, एसी सोर्स है, ये वीएल है, ये वीसी है. तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ वीएल माइनस वीसी, वीएल माइनस वीसी क्या हो गया, 100 माइनस 40 कितना आ जाएगा, 100 माइनस 40 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा. वीएल और वीसी का डिफरेंस कितना आ गया, 60 वोल्ट, और ये कितना है, 80 वोल्ट. तो V इज इक्वल क्या हो गया, आपको ये मालूम है, अंडर रूट VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर. तो ये हो गया हमारे पास 60 का स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास 80 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर. तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 वोल्ट. कितना आ जाएगा बेटा, 100 वोल्ट. आंसर फर्स्ट विल बी करेक्ट. इसके बाद आ गए नेक्स्ट पे. यहां पर द कैपेसिटी ऑफ प्योर कैपेसिटर इज 1 फैराड इन डीसी सर्किट. इन यहां से देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीसी सर्किट, डीसी सर्किट के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है. इफेक्टिव रेजिस्टेंस एक्स इज इक्वल होता है 1 अपॉन ओमेगा सी. ठीक है, एक्स इज इक्वल होता है 1 अपॉन ओमेगा सी. ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ सी. ये होता है 0, ये क्या होता है, 0. तो समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट. तो क्या आ जाएगा, आंसर सेकंड विल बी करेक्ट. इसके बाद आगे, व्हाट बी द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल ऑफ सेम एनर्जी. ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है. क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू, लेमडा इज इक्वल होता है एच अपॉन पी, और एच अपॉन रूट टू एम के लिखते हैं. यहां पर काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट है दोनों में, सेम एनर्जी है. तो सारा कुछ किस पर डिपेंड किया, लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम 2 अपॉन एम 1. अब मान लिया हमने क्या किया, किसका लिए लेना है, लेमडा प्रोटॉन अपॉन लेमडा एल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू अंडर रूट एम 2. एम 2 अब किसका लेंगे, एम एल्फा लेंगे, और यहां पर क्या लेंगे, एम प्रोटॉन लेंगे. ये हमारे पास होता है 4 और ये होता है 1, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 1. तो क्या आ गया, 2/1. आंसर क्या हो गया, 2:1. फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज दिस वन -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो देखिए, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, ये होता है, और ये हमारे पास दिया हुआ है -1.5, और इसको ये कट किया, ये हमारे पास लगभग आ गया 9. तो एन स्क्वायर हमारे पास आ गया 9, तो एन बराबर क्या हो गया, 3. और जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एल इज इक्वल क्या होता है, एन एच अपॉन 2 पाई, एन एच अपॉन 2 पाई. एन कितना हो गया, 3. एच की वैल्यू 6.6 × 10⁻³⁴ अपॉन 2, पाई की वैल्यू 3.14. ठीक है, ये हमारे पास आ गया लगभग 3.3. ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट आपका 3.15 × 10⁻³⁴ आंसर आ जाएगा. ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में.
क्वेश्चन नंबर 39, द सैंपल एक्स एंड वाई कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इफ 1/16 ऑफ एक्स। तो पहले एक्स के लिए देख लें, एक्स के लिए क्या हो गया, हमने फार्मूला क्या लगाया, फार्मूला वही लगाया, एन इज इक्वल टू एन जीरो वन अपॉन टू रेज टू द पावर एन। एन कितना बचा हमारे पास, एन नॉट बाई 16 बचा, और ये हमारे पास है एन जीरो वन अपॉन टू पावर एन, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, वन अपॉन टू पावर फोर इज इक्वल टू वन अपॉन टू और ये एन, तो एन हमारे पास क्या आ गया, फोर। तो ऐसे ही वाई के लिए निकाल लो, फॉर वाई, वाई क्या हो गया बेटा, वाई के लिए ये है एन एन जीरो अपॉन 256 है इज इक्वल टू एन जीरो वन अपॉन टू रेज टू द पावर एन, ये कैंसिल हो गया, इसको वन अपॉन टू रेज टू द पावर एट लिख सकते हो, ये आ गया वन बाई टू पावर एन, तो एन यहां पर आ गया एट। ठीक है, अब हाफ लाइफ हमने को निकालना है, एक्स और वाई का टाइम कितना बेटा, एट आवर्स दिया है, तो टी इज इक्वल टू क्या होता है, एन टी हाफ, एन टी वन मान लिया, इसको टी एक्स मान लिया, ठीक है, टी हमारे पास है एट इज इक्वल टू फोर इंटू टी एक्स, तो टी एक्स क्या आ गया हमारे पास, टू आ गया, और यहां से देखो, यहां से टी इज इक्वल टू एन टी हाफ, मतलब हाफ लाइफ पीरियड ऑफ वाई, तो टी हमारे पास है एट इज इक्वल टू एट इंटू टी वाई, तो टी वाई यहां से क्या आ गया बेटा, वन आ गया, तो यहां पर आया टू, टी एक्स की वैल्यू आई टू और टी वाई की वैल्यू क्या आ गई, वन। किसका पूछ रहा है, एक्स और वाई का रेशियो, तो एक्स के लिए आया वन टू और वाई के लिए आया वन, आंसर वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है, ए पीस ऑफ कॉपर एंड जर्मेनियम इज कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर। अब ये कूल किया गया, कूल करने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है और जो सेमीकंडक्टर होता है उसका इंक्रीज होता है। तो यहां पर ये कंडक्टर है और ये हमारे पास सेमीकंडक्टर है, तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर डिक्रीज होगा व्हाइल दैट ऑफ द जर्मेनियम विल इंक्रीज, आंसर नंबर फोर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 41 पे, ए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर हैविंग वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन मतलब ए वी आपका दिया हुआ है कितना, 50, और ये लोड रेजिस्टेंस का क्या दिया है, आर वी मान लो कितना आ गया बेटा, ये हो गया हमारे पास 200 अपॉन 100, क्या आ गया 200 अपॉन 100, कितना आ गया बेटा 2 आ गया। अब देखो P इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है ना, तो यहां पर वोल्टेज का गेन पावर गेन हमें लेना है, तो वोल्टेज का गेन का स्क्वायर कर दो अपॉन रेजिस्टेंस का गेन, ये हमारे पास आ गया आर वी, कितना आ गया, ये हमारे पास है 50, तो 50 का स्क्वायर किया, 50 इंटू 50 अपॉन 2 कर दिया, तो क्या आ जाएगा 1250 आ जाएगा, कितना हो गया 1250, आंसर नंबर थर्ड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट यहां पर आ गया, देखो बेटा यहां पर ये आउटपुट कह रहा है, द आउटपुट वाई व्हेन ऑल थ्री इनपुट्स आर फर्स्ट एट हाई एंड देन एट लो, देन एट लो, तो पहले है ये हमने हाई पर किया 1 1 1, यहां पर क्या आया, यहां पर आ गया 1 और यहां पर आ गया 1 1, किया 1 आया 1, फिर ये नॉट लगा हुआ है तो आ गया 0, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 1, तो 0 1 1 का क्या आएगा, 0 आएगा, लेकिन फिर यहां पे क्या लगा है 1, तो पहला क्या आया 1 आ गया। ठीक, इसके बाद हमने क्या किया, मतलब पहले जब 1 रखा हमने इनपुट, तो आउटपुट क्या आ गया, 1 आ गया, राइट। अब देखो आगे की बात, अब हमने क्या किया, सेकंड केस में क्या रखा, 0 रखा, इसको 0 रखा, इसको 0 रखा, इसको 0, तो 0 0 रखे 1 आएगा, यहां पर ये 1 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो फिर यहां पर 0 आएगा, 0 को फिर 1 आ गया, तो यहां पर आ गया 1, तो दोनों ही केस में हमारे पास क्या रहा, पहले में भी 1 आया था, वह लास्ट में भी 1 आया, तो आंसर नंबर 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, टू कोरेंट सोर्सेस बीम ऑफ हैविंग इंटेंसिटी आई एंड 4 आई आर सुपर इंपोज द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटीज ऑफ द रिजल्टेंट वेव। तो देखिए यहां से जो एम्पलीट्यूड है
इसका, तो क्या करते हैं, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम बराबर आई टू रूट ऑफ आई टू माइनस रूट ऑफ आई वन प्लस रूट ऑफ आई वन अपॉन रूट ऑफ आई टू माइनस रूट ऑफ आई वन का होल स्क्वायर। ऐसे कर दें डायरेक्ट। तो यहां पर पहला क्या है, फोर आई है, पहला क्या बेटा फोर आई, तो फोर आई, तो रूट ऑफ फोर आई प्लस रूट आई वन का होल स्क्वायर। फिर यहां पर क्या है, फोर आई माइनस रूट ऑफ आई, ऐसा है होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या गया, यहां पर आ गया टू रूट आई और ये वन, तो थ्री आएगा, थ्री तो थ्री का स्क्वायर क्या होगा, नाइन आई, और यहां पर हो जाएगा कितना आएगा आई, तो नाइन आई मैक्सिमम का आएगा और इसका क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो क्या हो गया बेटा, नाइन आई और आई, ये हो गया 43। इसके बाद आगे एक बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए, यहां पर इफ टू वेव रिप्रेजेंटेड बाय वाई वन इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी एंड वाई टू इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 इंटरफियर एट ए पॉइंट देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्ट एंड वेव। तो देखो यहां पर जो ए वन है, ए वन कितना दे दिया बेटा, 4 दे दिया गया, ए टू कितना दे दिया गया, 3 दे दिया गया, फाई कितना दे दिया गया, पाई बाई 3 दिया हुआ है। आपको रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड निकालना है, आर इज इक्वल रूट ऑफ ए वन स्क्वेयर प्लस ए टू स्क्वेयर प्लस 2 ए वन ए टू कॉस फाई करोगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 और कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 मतलब हो गया कॉस 60, कॉस 60 वैल्यू क्या होती है 1/2। अब इस पूरे को सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा 6, आंसर सेकंड विल बी करेक्ट। ये हो गया 44 नंबर क्वेश्चन। फिर आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में 45। इन द स्पेक्ट्रल लाइन 5000 एंगस्ट्रॉम इन द लाइन कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार ऑब्जर्व एज दिस वन, व्हाट बी द रेसेशन वेलोसिटी ऑफ द स्टार। तो देखो यहां से डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू वी अपॉन सी इंटू लेमडा होता है फॉर्मूला। डेल्टा लेमडा क्या हो गया, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस क्या है बेटा जल्दी से बताओ, ये आ गया 200। वी हमारे पास निकालना है, सी कितना है 3 × 10⁸, और ये हमारे पास कितना हो गया, कितना हो गया लेमडा, लेमडा हो गया 5200, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो ये गया, यहां से इसको काटो आ गया 26, ये इधर आया 30 × 10⁷ अपॉन 26 इज इक्वल टू वी। तो क्या आ जाएगा, इसको लगभग 10⁷ वाला देख लो कौन सा रहा, 10⁷ हमारे पास ये है, ठीक है, और ये 1.15 है, तो कितना आ जाएगा बेटा आंसर, आंसर आपके पास आ जाएगा 1.15 × 10⁷ मीटर पर सेकंड। यहां पर ध्यान रखिएगा ये सेंटीमीटर पर सेकंड है, जब गलती से टिक मत कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रॉड इज 200 हर्ट्ज एंड द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज दिस वन। तो आपको वेवलेंथ निकालना है, लेमडा इज इक्वल टू वी बाई एफ फ्रीक्वेंसी, वी कितना है बेटा 340 और ये कितना है 200, इसको कट करो, ये हमारे पास 3.4 अपॉन 2 कितना आ जाएगा बेटा 1.7 मीटर, 1.7 मीटर, आंसर थर्ड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट यहां पे क्या कह रहा है, टू वेव्स आर गिवन बाय वाई वन इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी एंड वाई टू इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स को हम लोग लिख सकते थे ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू। अब देख लो इसमें और इसमें दोनों में ये भी साइन है, यहां पर भी साइन है, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना आ गया पाई बाई टू का, आंसर नंबर फोर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, टू वेव्स हैविंग इक्वेशंस x1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन एंड x2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू, इफ द रिजल्टेंट वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड रिमेन इक्वल टू दोज ऑफ द सुपर इम्पोजिंग वेव। देखिए
यहां पर इसका एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड दोनों सेम है, और जो रिजल्टेंट आया, इफ द रिजल्टेंट वेव ऑफ द फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड रिमेन्स इक्वल, देखो एम्पलीट्यूड भी क्या रहा, रिमेन्स इक्वल, तो उस समय हमारे पास क्या होता है, उस समय जो एंगल आता है वो कितना आता है, 2π/3 आता है। चाहो तो करके देख सकते हो, रिजल्टेंट स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव, टू ए वन ए टू कॉस फाइव। यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कॉस फाइव। इसको सॉल्व कर लो, ये कट गया, ये इधर आएगा, तो माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू कॉस फाइव, कॉस फाइव, तो फाइव हमारे पास क्या आ गया, 120, 120 मतलब 2π/3। ये क्वेश्चन नंबर 48। इसके बाद हम लोग आते हैं बेटा 49 पे। व्हाट बी द हाइट ऑफ द इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 मिलीमीटर इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा दिया है, तो आप पहले फोकल लेंथ निकाल लो। सो व्हाट बी द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमारे पास आ जाएगी एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। फोकल लेंथ कितना हो गया, 40/2, और ये हमारे पास हो गया 20 आ गया। और ये u कितना दिया है, कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा, u इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 20 सेंटीमीटर। 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/v प्लस 1/u होता है फॉर्मूला। तो 1/f कितना हो गया, ध्यान से देखो बेटा, f कितना है 20 इज इक्वल टू 1/v माइनस, ये प्लस था माइनस में हो गया, ये माइनस 1/20, ये इधर गया, तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/20 प्लस 1/20, तो यहां पर आ जाएगा 1/10, तो v हमारे पास क्या आ गया, 10। I upon O इज इक्वल टू v upon u होता है, I upon O इज इक्वल टू v upon u, I upon O इज इक्वल टू v upon u, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, I और O कितना दिया बेटा 2, v कितना दिया है 10, और u कितना दिया है 20। इसको कट करो, I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 मीटर, 1, ये हमारे पास क्या था, 2 मिलीमीटर था, तो हाइट, इमेज की हाइट क्या आ जाएगी, 1 मिलीमीटर, आंसर विल बी 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास एंड द वाटर विद रिस्पेक्ट टू द एयर इज दिस एंड दिस, द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द वाटर। ग्लास का निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू द वाटर, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसको नीचे रखते हैं, और जिसका निकालना होता है उसके ऊपर, तो 3/2 अपॉन कितना हो गया बेटा, 4/3, कितना आ जाएगा, 3 × 9/8, तो आंसर नंबर 2 विल बी करेक्ट। तो इस तरीके से बेटा ये आपका डीसीएम दंगल का 4th पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसमें एक बार आप पूरा अच्छे से देखिएगा, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आ गए होंगे, आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। ओके बेटा, गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट, जय जय सीएलसी। हेलो एवरीवन, सीएलसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हनुमान जंगीड, टीम केमिस्ट्री सीएलसी सीकर। आज अपन सॉल्यूशन करने जा रहे हैं दंगल, दंगल 4 का। टोटल 15 दंगल होने वाले है, उसमें से 4 नंबर का आज अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं। होपफुली आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं वो इस सॉल्यूशन में आप देख ले, और उसके लिए आपको फिर प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए उससे रिलेटेड 3-4 प्रॉब्लम जो है वो कहीं से भी आप अपने मॉड्यूल में से या प्रीवियस पेपर में से या सोल्व कर ले, जिससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा। लास्ट मोमेंट पे ओनली 4 क्वेश्चन सोल्व करें, क्वेश्चन जो टेस्ट में आ रहे हैं, जो रॉन्ग हो रहा है उससे रिलेटेड 3-4 प्रॉब्लम और कर ले, जिससे आपका वो कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम से देखते हैं, 51 नंबर प्रॉब्लम, देखिएगा क्या कह रहा है। 64 ग्राम ऑफ CH4 इज मिक्स्ड विद 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 एंड H2O, द मैक्सिमम मास ऑफ CO2 फॉर्म इज। आपको ये बोला जा रहा है कि 64 ग्राम CH4 को 128 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया गया, ये दहन अभिक्रिया है, कंबशन रिएक्शन है। कार्बन के कंबशन से CO2 बनता है, हाइड्रोजन के कंबशन से H2O बनेगा। तो CH4 का अगर अपन कंबशन की बात करें बैलेंस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, ये होगा
CO2 बनेगा प्लस 2 टाइम्स H2O बनेगा। जब भी दो रिएक्टेंट गिवन हो या फिर मोर देन वन रिएक्टेंट गिवन हो और इंफॉर्मेशन सबकी गिवन हो तो लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट लगेगा। मैं फर्स्ट ऑफ थिंग इनके मोल कैलकुलेट कर लेता हूं। CH4 का मोलर मास जो होता है वो 16 होता है, तो इसके मोल जो आएंगे वो आएगा 64 डिवाइड बाई 16, इट इज इक्वल टू 4। ये 128 ग्राम ऑक्सीजन है, इसका मोल आ जाएगा 128 अपॉन मोलर मास 32, ये भी आएगा 4। ठीक है, अपन मोल अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन होती है उसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो फैक्टर होते हैं कोफिशिएंट होते हैं उन्हीं को स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बोला जाता है, 4/2। जिसके लिए भी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट मिनिमम होगा वही आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट, इट मींस इट इज कंप्लीटली कंज्यूम। तो यहां पे मिनिमम किसके लिए आ रहा है, O2 के लिए, O2 लिमिटिंग रिएजेंट है, इट मींस इट इज कंप्लीटली कंज्यूम इन ए केमिकल रिएक्शन। अगर ये कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है तो n ऑफ दी O2 डिवाइड बाय 2 CO2 का मास कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन इसका स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। तो यहां से CO2 का मोल जो आएगा वो आएगा O2 के मोल गिवन थे 4 डिवाइड बाय 2, इट इज 2। CO2 का मोल अगर 2 आ गया है तो मास ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, 2 मोल है, 2 इंटू मोलर मास 44 होता है, 88 ग्राम आ जाएगा। तो 88 ग्राम थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बात करते हैं। आपको बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, क्वांटम संख्याओं का कौन सा समुच्चय संभव नहीं है। एक सिंपल सी बात करें, एन की वैल्यू जो होती है वो 1 से लेके इंफिनिटी तक हो सकती है, एल की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक होती है, एम की वैल्यू जो होती है वो -L2+L इंक्लूडिंग 0 होती है, और एस की वैल्यू ±½ होती है। चेक करते हैं, फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखिएगा एल की वैल्यू -3 दे रखी है, -3 पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्यों, 0 से स्टार्ट होता है और एन माइनस वन तक जाता है, मीन्स नेगेटिव नहीं होगा, तो फर्स्ट इज द इम्पॉसिबल या नॉट पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर। चलिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, थर्ड नंबर प्रॉब्लम, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, प्रथम आयनन एंथैल्पी का सही क्रम क्या होता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो होना तो ये चाहिए था कि बेरिलियम से अगर आप कार्बन की तरफ जा रहे हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए थी, बट ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, बिकॉज बेरिलियम बोरोन फिर बेरिलियम फिर कार्बन, उसका रीजन देखिएगा, बोरोन में लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है 2p1 में, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है 2s2 में, S का पेनिट्रेशन इफेक्ट भेदन क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए बेरिलियम की आईपी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन से क्या आएगी, ज्यादा आएगी। सिमिलर वे में मैग्नीशियम की भी एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है, तो ये ऑर्डर दिखना चाहिए आपको, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चले आगे नेक्स्ट बात करते, 54 नंबर, पिरामिडल शेप अमंग द फॉलोइंग इज ऑफ, कौन सा पिरामिडीय आकृति का है। अगर अपन BF3 में बात करें तो इसमें हाइब्रिडेशन की बात करें, इसमें हाइब्रिडेशन की अगर अपन बात करेंगे तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 होगा, क्यों, बोरोन जो है वो 3 फ्लोरीन के साथ 3 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, कोई लोन पेयर नहीं है, 3 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, sp2, sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ये लीजिए इट इज द ट्राइगोनल प्लेनर। CH3+ कार्बोकेटाइन, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ट्राइगोनल प्लेनर है। CLF3 क्लोरीन फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, आउटर मोस्ट शेल में क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लोन पेयर रह गए, हाइब्रिडेशन sp3d हो गया, शेप जो होगा वो टी शेप होगा। बात करते हैं S3O+, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आया है, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 रिमूव हो गया, 5 रहने चाहिए, तो इसका मतलब देखिएगा 1 लोन पेयर रहेगा, 3 बॉन्ड पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइज हुआ, 1 लोन पेयर होता है, पिरामिडल शेप होता है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, S3O+ हो जाएगा। ओके, चले आगे
नेक्स्ट 55 नंबर पे पेयर ऑफ स्पीसीज हैविंग आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, किसका बंद क्रम जो होगा वो समान होगा। ठीक है, एक सिंपल सी बात है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं जिनमें, उनका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या रहता है, सेम होता है ऑलवेज। बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आपको और कुछ नहीं करना है इसमें, ओनली फॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिएगा आप। सबसे पहले O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, N2 में 14 है, N2 में 14 है, O2 माइनस में 15 है। अगर अपन बात करें O2 प्लस 15 है, N2 माइनस 15 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 16 है, इस टाइप का दे रखा है। ठीक है, तो अब अपना आंसर जो जाएगा वो थर्ड, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन क्या है, बराबर है। ओके, चले आगे, नेक्स्ट बात करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 56, फॉर टू आइडियल गैसेस ए एंड बी इफ द डेंसिटी ऑफ गैस ए इज थ्राइस ऑफ द गैस बी, ये आपसे बोला जा रहा है, एंड टेम्परेचर ऑफ गैस बी इज ट्वाइस ऑफ गैस ए इन केल्विन। दो सिंपल सी बात है, डेंसिटी ऑफ ए जो है वो थ्री टाइम्स डेंसिटी ऑफ बी है, टेम्परेचर ऑफ बी जो है वो टू टाइम्स टेम्परेचर ऑफ ए है, प्रेशर कहा जा रहा है आपको सेम है, तो उस कंडीशन में मोलर मास का रेशियो पूछा जा रहा है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी, प्रेशर कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, तो इसको हटा दो, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बाई टी आएगा, तो डी ए अपॉन डी बी की अगर अपन बात करें तो वो किसके बराबर आएगा, एम ए अपॉन टी ए अपॉन में एम बी अपॉन टी बी, और ये किसके इक्वल है, थ्री के इक्वल है। ये बन जाएगा अपने पास एम ए अपॉन एम बी टी बी अपॉन टी ए इज इक्वल टू थ्री। आप यहां से देखें टी बी अपॉन टी ए टू के इक्वल आ रहा है, तो एम ए अपॉन एम बी जो आएगा वो आएगा थ्री बाई टू के इक्वल आएगा। ये लो, थ्री बाई टू इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, चले आगे, नेक्स्ट। यूनिट ऑफ वंडरवॉल कांस्टेंट ए इज, वंडरवॉल कांस्टेंट, वंडरवॉल नियतांक ए की यूनिट पूछी गई है। वंडरवॉल गैस इक्वेशन ये होती है, पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। प्रेशर में प्रेशर ही एड होगा, इट मीन्स ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर की जो यूनिट होगी वो प्रेशर के इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो प्रेशर की यूनिट होती है एटीएम लीटर स्क्वायर अपॉन मोल का स्क्वायर। ये कहां पे दिख रहा है, एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा। टू मोल ऑफ आइडियल मोनो एटोमिक गैस एक्सपांड्स रिवर्सिबली आइसोथर्मली, रिवर्सिबली बोला गया है आइसोथर्मली, फ्रॉम 2 लीटर टू 20 लीटर एट 300 केल्विन, एंट्रोपी चेंज। अगर आपको एंट्रोपी का जनरल मीनिंग मालूम है, एंट्रोपी का जनरल मीनिंग ये होता है डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ठीक है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन जो होता है वो होता है माइनस का 2.303 एन आर टी लॉग वी टू बाई वी वन। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो डेल्टा यू जीरो होता है, फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं तो क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू आएगा, तो क्यू की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये लो आपके पास क्यू आ गया, टेम्परेचर टी से डिवाइड करोगे तो डेल्टा एस आ जाएगा, तो डेल्टा एस चाहिएगा, तो डेल्टा एस का फॉर्मूला हो जाएगा 2.303 एन आर लॉग वी टू बाई वी वन। आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा यहाँ पे, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303, 2 मोल है, आर है, लॉग 20 डिवाइड बाई 2 इट इज द 10, लॉग 10 1 होता है 4.606 आर, इट मीन्स फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा 59, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज 04, Br2 गैस जी नहीं, Br2 अगर लिक्विड होता तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती, जीरो। कार्बन डायमंड जी नहीं, यहां पे अगर ग्रेफाइट होता तो इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती, जीरो। H2O लिक्विड इसको तो बनाना ही पड़ेगा, इसकी भी हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो के इक्वल नहीं होगी। सल्फर, रोम्बिक सल्फर जो होता है इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये स्टैंडर्ड स्टेट में मिलता है, इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगी। ओके, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 60 नंबर, यूनिट ऑफ केसी फॉर द इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम के लिए केसी की यूनिट पूछी गई है।
केसी की यूनिट जो होती है वो होती है मोल पर लीटर रेस टू दी पावर डेल्टा एनजी, और केपी की यूनिट जो होती है वो होती है एटीएम मिस प्रेशर रेस टू दी पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी क्या है यहाँ पे, डेल्टा एनजी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के मोल करने हैं, बट ध्यान रहे गैस के होने चाहिए। इक्वेशन चेक करते हैं, प्रोडक्ट के मोल कितने दे रखे हैं गैस की साइड में, 4 प्लस 6 10 माइनस, रिएक्टेंट के मोल कितने हैं 4 प्लस 5 9, डेल्टा एनजी 1 आ गया, डेल्टा एनजी 1 आ गया। अगर डेल्टा एनजी 1 है तो यहां पे मोल पर लीटर यूनिट आ जाएगी, मोल पर लीटर की पावर 1 जिसे अपन मोलारिटी भी बोलते हैं, ये लीजिएगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चले आगे, नेक्स्ट, मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इन 0.01 मोलर NaOH सॉल्यूशन। यहां पे KSP इसका दे रखा है, इसका मतलब ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, कौन, निकल हाइड्रोक्साइड। NaOH का KSP गिवन नहीं है, इट मींस इट इज हाईली सॉल्युबल सॉल्ट। NaOH कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, OH कॉमन में आ रहा है, जब भी कॉमन आयन इफेक्ट लगे तो कॉमन आयन की कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या फिर हाईली सोल्यूबल सॉल्ट से कंसिडर करनी चाहिए। इट मींस OH माइनस जो आएगा वो पूरा का पूरा यहां से आएगा। अगर अपन बात करें निकल हाइड्रोक्साइड की, Ni2+ प्लस 2 टाइम्स OH माइनस, ये लो, अगर इसकी सोल्यूबिलिटी S कंसिडर करे तो यहां पे आएगा 2S+ OH माइनस, वहां से आएगा कितना आएगा 0.01। S नेग्लिजिबल है तो इसको ऑलमोस्ट आप कितना मानोगे, 0.01 ही मानोगे। KSP किसके इक्वल दे रखा है, KSP ये लो, ये किसके इक्वल होगा, Ni2+ इंटू OH माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, ये लीजिएगा, तो Ni2+ जो आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 × 10⁻¹⁵ डिवाइड बाई ये 10⁻²⁻² का स्क्वायर होने वाला है, इट इज द 2 × 10⁻¹⁻ सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, 62 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मिडल कार्बन इन C3O2। C3O2 इज द कार्बन सब ऑक्साइड, ये लीजिएगा, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, मिडल कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट, इंडिविजुअल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, इंडिविजुअल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर को ही अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, मींस यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे, कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो इसका प्लस 2 आया, क्यों, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, इनमें कोई भी ट्रांसफर नहीं हुआ, 0, यहां पे ऑक्सीजन ने लिया प्लस 2, मिडल वाला कार्बन ये है, इट मींस 0, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलाइन हाइड्राइड, ठीक है, सेलाइन हाइड्राइड अमंग द फॉलोइंग इज, कौन सा सेलाइन हाइड्राइड होगा। हाइड्राइड जो होता है बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन होता है, बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन होता है फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप के साथ, मींस आयोनिक हाइड्राइड जो होते हैं फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के जो हाइड्राइड होते हैं वो आयोनिक हाइड्राइड होते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, सेलाइन हाइड्राइड बोलते हैं। तो आप चेक कर ले फर्स्ट ए और सेकंड ए में से यहां पे कौन सा है, थर्ड, सोडियम हाइड्राइड जो है वो फर्स्ट ए ग्रुप का है। लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम के हाइड्राइड में कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट रहेगा, अदरवाइज बाकी सारे फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के जो हाइड्राइड होंगे उनको अपन सेलाइन हाइड्राइड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, 64, मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन अमंग द फॉलोइंग इज, अपन ये बोलते हैं हाइड्रेशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है साइज के, जितना साइज स्मॉल होगा उतना ही हाइड्रेशन ज्यादा होगा, इन चारों में लिथियम जो होता है वो स्मॉलेस्ट साइज का, इसका मतलब इसका हाइड्रेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, 65, फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.5H2O। चले आगे, नेक्स्ट देखें, 66 नंबर, B2H6+ डाइबोरेन की रिएक्शन करवा रहे अमोनिया के साथ, एक कंपाउंड बनाए, इसको हीट करने पर Y+H2 बनता है, जब आप ये रिएक्शन करवाते हो तो पहले एडिटिव कंपाउंड बनता है B2H6.2 टाइम्स अमोनिया, क्योंकि डाइबोरेन जो होता है वो
लुइस एसिड की तरह ट्रीट करने वाला है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, तो एडिटिव कंपाउंड बनाएगा 2 times अमोनिया। इसके 3 मॉलिक्यूल ले लो और अगर इसे हीट करते हैं तो इनऑर्गेनिक बेंजीन बनेगा B3N3H6, ये बनने वाला है, प्लस क्या बनेगा H2 बनेगा, ये लीजिएगा, ये बनने वाला है। तो B3N3H6 ये हो गया X और ये हो गया आपके पास Y, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोराजीन बोराजील बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 67, इन कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन 0.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.188 ग्राम ऑफ AgBr, दी परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन दी कंपाउंड इज, देखिएगा परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 80/188 इंटू मास ऑफ AgBr अपॉन मास ऑफ सैंपल, मास ऑफ सैंपल इंटू क्या करना होता है 100। अच्छा ब्रोमीन की जगह कोई और आ गया तो यहाँ पे ये ब्रोमीन का एटॉमिक मास लिखा हुआ है, अगर सपोज करें क्लोरीन का आ जाए तो क्लोरीन का आ जाए तो यहाँ 35.5 लिखना है, अपॉन में किसका मास लिख रहा है, जैसे ये AgBr दे रहा है तो AgBr का मोलर मास लिख रहा हूं मैं, सपोज करें AgCl बनता तो AgCl का मोलर मास लिख देता 143.5 और यहाँ पे मास ऑफ AgCl आ जाता, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिएगा आप 80/188, AgBr कितना है 0.188, सैंपल कितना है 0.500, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 80/5 कितना आएगा 16% आ जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा 68, ये NCERT में दे रखा है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, ये आपको याद होने चाहिए, मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड कंसेंट्रेशन ऑफ कैडमियम इन ड्रिंकिंग वाटर, ये ड्रिंकिंग वाटर में कैडमियम की अधिकतम निर्धारित सांद्रता कितनी होती है 0.005 ppm होती है, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में से एक प्रॉब्लम पूछी जाती है तो आपको एक टेबल बना के दी रखी है, कैडमियम कॉपर आयरन इनका क्या कंसेंट्रेशन होना चाहिए, ये आपको लर्न रखने चाहिए, ओके चले आगे। नेक्स्ट बात करें 69, इन ए क्यूबिक यूनिट सेल, आपको बोला गया क्यूबिक यूनिट सेल है, द एटम्स ऑफ ए आर एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, ए कॉर्नर पे है तो जेड ऑफ द ए मींस इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होगा, 8 कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, मींस इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना आ गया ए का 1। आगे क्या कह रहा है, एटम्स ऑफ बी आर एट एज सेंटर, एज सेंटर होता है 12, कंट्रीब्यूशन होता है 1/4, इट मींस इट इज द 3। नेक्स्ट बात करें एटम सी आर एट द फेस सेंटर, फेस सेंटर होते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 1/2, इट इज ऑल्सो 3। द पॉसिबल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, पॉसिबल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगा, A1B3C3, इट मींस 4th इज द करेक्ट आंसर, ओके चले आगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 70 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ए सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन तब आता है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है रिजल्टेड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाए, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाए। नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा एच मिक्सर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव के अकॉर्डिंग नेगेटिव याद रख ले, डेल्टा वी मिक्सर नेगेटिव आएगा। कैसा भी डेविएशन हो, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, मिक्सिंग करने पर एंट्रोपी ऑलवेज क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये कह रहा है नॉट ट्रू है, तो डेल्टा एस मिक्सिंग जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव आनी चाहिए, ये गलत दे रखा है, फोर्थ इज द इनकरेक्ट, ये पूछा है अपन से। नेक्स्ट 71, मैक्सिमम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अमंग द फॉलोइंग एट 298 केल्विन इन वाटर इज ऑफ, ठीक है। 298 केल्विन पर जल में निम्न में से अधिकतम सीमांत मोलर चालकता किसकी होगी, आपको ध्यान होना चाहिए कि कैटाइन में जो होती है वो मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो H+ की होती है, और एनाइन में जो होती है OH- की होती है, ये लीजिएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट कैटाइन में H+ से ज्यादा कंडक्टिविटी किसी की नहीं है, एनाइन में जो है वो OH- से कंडक्टिविटी किसी की भी ज्यादा नहीं है, ठीक है चले आगे। नेक्स्ट देखिएगा 72,
मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर 965 सेकंड विथ ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में 10 एम्पियर की धारा से 965 सेकंड तक विद्युत अपघटन द्वारा कॉपर की जमा मात्रा क्या होगी। इलेक्ट्रोलाइसिस में एक फिक्स फॉर्मूला है, क्यू बाई एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई इक्विवेलेंट वेट। इलेक्ट्रोलाइसिस का कैसा भी प्रॉब्लम आए ये फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। क्यू कितना दे रखा है, 965 सेकंड तक 10 एम्पियर की करंट है, आई इंटू टी, ये कूलोम में आया है तो फेराडे की वैल्यू कूलोम में लिख दे, ये लो। डब्ल्यू अपन को मालूम नहीं है कितना है, कॉपर का इक्विवेलेंट वेट 63.5 डिवाइड बाई 2 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉपर जो है वो 2 प्लस में है, जब ये डिपॉजिट होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इट मीन्स इसका एन फैक्टर आ गया 2। और इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर, एटॉमिक वेट 63.5 डिवाइड बाई 2। ओके, यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होने वाला है, 1 जीरो से ये 1 जीरो, 965 से 965, तो यहाँ पे W जो आएगा 63.5 अपॉन 20 आएगा, इसे अगर अपन सॉल्व करते हैं तो 3.175 ग्राम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, 73, हाउ मेनी हाफ लाइफ आर रिक्वायर्ड फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर 93.75% कंप्लीटेशन। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के 93.75% पूर्ण होने में कितने अर्ध आयुकाल की आवश्यकता होगी, ये पूछा जा रहा है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बात कीजिएगा, अगर 93.75 कंप्लीट हो गई है तो ए नोट को अगर मैं 100 लेता हूं तो बचेगा कितना, 80, इतना परसेंट कंप्लीट हो गया तो 6.25 बचेगा फिर तो। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम टी कैलकुलेट कर लेते हैं, 93.75% का इट इज द 1/k ln a नॉट अपॉन 80, ये लीजिएगा, इट इज द 16 हो जाएगा, ये 16 हो गया तो 16 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 4/k ln 2। और आपको मालूम है कि t 50% जो होता है, हाफ लाइफ टाइम जो होती है वो किसके बराबर होता है, ln 2 अपॉन k। आपको यहां से क्लियरली मालूम चल रहा है कि t 93.75% जो आएगा वो 4 टाइम्स t 50% आएगा, इट मींस 4 हाफ लाइफ टाइम्स लग जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, क्या कह रहा है 74, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फिजिक्स ऑप्शन। आपको बोला है भौतिक अधिशोषण से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिएगा, फिजिकल एडसॉर्प्शन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिजिकल एडसॉर्प्शन जो होता है वो वंडर वॉल फोर्स की वजह से होता है, कोई रियलिटी में बॉन्ड नहीं बनता है, तो अराइजेज बिकॉज ऑफ वंडर वॉल फोर्सेज, ये ट्रू है। नॉन स्पेसिफिक होता है नेचर में, बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक होगा, उसका सिंपल सा रीजन है वंडर वॉल फोर्स तो हमेशा प्रेजेंट होता है तो ये नॉन स्पेसिफिक है। रिवर्सिबल होता है, बिल्कुल रिवर्सिबल है, क्यों, केमिकल रिएक्शन तो हुई नहीं, इट इज ए फिजिकल चेंज। और लास्ट में रिजल्ट इनटू यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर नहीं बनता है, कौन सी लेयर का फॉर्मेशन होता है, मल्टीमोलिकुलर लेयर का फॉर्मेशन होगा। अगर मल्टीमोलिकुलर लेयर का फॉर्मेशन होगा तो 4th इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, ये ऑर्गेनिक वाला पार्ट है, फिजिकल इनऑर्गेनिक के इतने क्वेश्चन थे। नेक्स्ट अपन सेकंड सेक्शन में बात करते हैं, जहां पे आपको 15 में से 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करने थे, इनको देखते हैं, लीजिएगा सेक्शन बी, इसमें 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं आपको 15 में से, तो उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना चाहिए जहां आपको लगता है कि आपका 100% क्वेश्चन राइट हो सकता है। 86 नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है, Ni+4Co एक टेम्परेचर दिया 330 से 350 केल्विन पे, ये वाला कंपाउंड बना Ni+CO4, वोलेटाइल कंपाउंड होता है, ये वापस ब्रेक होके Ni+4Co बनाता है, ये निकल के प्यूरिफिकेशन का मेथड है, जो वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं उनके लिए काम में लिया जाता है, निकल हो गया, जर्कोनियम हो गया, इनके लिए इस मेथड का जो नाम है, इस मेथड का नाम है मोंड प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, मोंड प्रोसेस, सिंपल सा मेटलर्जी का क्वेश्चन है। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट 87 नंबर प्रॉब्लम,
करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। जनरली अपन ऐसा बोलते हैं कि मॉलिकुलर वेट इंक्रीज होने पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, तो होना तो ऐसा चाहिए था कि BiS3, फिर SbS3, फिर आर्सेनिक, फिर PS3 और फिर सबसे लास्ट में कौन आना चाहिए था, अमोनिया। बट अमोनिया में जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, इसलिए ये इन दोनों से आगे आ जाएगा और कहां पे आके बैठ जाएगा, यहां पे। अब आप बोलोगे अमोनिया इससे भी आगे क्यों नहीं आया, उसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, फर्स्ट ऑफ थिंग। सेकेंड नंबर इसका मोलिकुलर वेट भी तो ज्यादा है, इट मीन इसमें वंडरवॉल फोर्स भी क्या है, ज्यादा है। तो BiS3 का सबसे ज्यादा, फिर SbS3 का, फिर अमोनिया का, फिर आर्सेनिक का, फिर फॉस्फोरस का आएगा, इट मीन्स थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा 88 कह रहा है XeF2 की PF5 के साथ, PF5 एक हेलोजन को एक्सेप्ट कर लेगा, एक हेलोजन को एक्सेप्ट कर लेगा यहां से, तो XeF प्लस बन जाएगा एंड PF6 माइनस बन जाएगा। अगर ऐसा हुआ इट मीन्स फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ये भी रिएक्शन NCERT में ही दे रखी है, ठीक है ना, XeF2 की, XeF4 की, इस टाइप की रिएक्शन दे रखी है हेलाइड के साथ, मीन्स फ्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे फ्लोराइड जो होगा वो फ्लोरीन एक्सेप्ट करेगा और इस टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। 89 M+2 से M का इज पॉजिटिव 4। 3D सीरीज में एक ही एलिमेंट ऐसा होता है, 3D सीरीज में एक ही एलिमेंट ऐसा होता है कॉपर, जिसका E0 रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो पॉजिटिव होता है 0.34 वोल्ट। ओनली 4 सिंगल एलिमेंट है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी अपन देखते हैं कि कॉपर जो होता है वो हाइड्रोजन से जस्ट नीचे होता है, और डी ब्लॉक में भी अपन देखते हैं कि इसका वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा 90 नंबर, मिनिमम आयोनिक रेडियस अमंग द फॉलोइंग इज, किसकी आयोनिक त्रिज्या न्यूनतम होती है। लेंथेनोइड के कुछ एलिमेंट लिख के दे रखे हैं, इस टाइप से लेंथेनोइड आगे और होते हैं, ये लेंथेनोइड के एलिमेंट दे रखे हैं। अगर आप ऐसे जाते हो लेंथेनोइड में, तो इसके लिए M+3 की जो आयोनिक रेडियस होती है वो डिक्रीज होती है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो देख लीजिएगा यहां पे सीरियम येरा, PR येरा, फिर ठीक है SM येरा, फिर EU आएगा। तो इसकी जो आएगी रेडियस वो क्या आएगी, मिनिमम आएगी। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देखिए लिया लेफ्ट टू राइट जाने पर जो है वो इनकी आयोनिक रेडियस जो होगी वो डिक्रीज होगी ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग CO, यहां पे CO ये है CONH3 होल 6+3। कोबाल्ट दे रखा है, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन आर्गन 3D7 4S2। यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए तो +3 है, +3 ऐसा होगा 3D6 4S0। इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवा देगा, 6 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग ऐसे हो जाएगी, D खाली बच गया, 4S खाली बच गया, 3P पड़े हैं। यहाँ पे अमोनिया अपना लोन पेयर दे सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो D2SP3 होगा फर्स्ट ऑफ थिंग। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी अगर D2SP3 है तो। थर्ड नंबर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेड नहीं है, इट मींस इट इज द डायमैग्नेटिक। इसमें पहले इलेक्ट्रॉन जो थे अनपेड 3D7 में वो 3 थे, अब 0 हो गए, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी होगा, स्पिन कम हुई है, लो स्पिन है, डायमैग्नेटिक है, बिल्कुल सही है। sp3d2 हाइब्रिडाइज है, ये गलत है। ऑक्टाहेड्रल है, ये सही है। लो स्पिन है, बिल्कुल लो स्पिन है, ठीक है। तो इनकरेक्ट पूछा है तो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट 92, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li+ Ni टू द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ Hc+। रेडियस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 0.529 n² / z। यहां से मैं बोलूं रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है n² / z के,
तो रेडियस ऑफ एल आई टू प्लस टू, रेडियस ऑफ एच ई प्लस की अगर आप बात करोगे तो वो क्या आएगा, एन स्क्वायर बाई जेड किसका, लिथियम आयन का, अपॉन एन स्क्वायर बाई जेड किसका, एच ई प्लस आयन का लेना है। ये लो, लिथियम के लिए कौन सा दे रखा है, थर्ड ऑर्बिट दे रखा है, तो थर्ड का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा, नाइन, अपॉन जेड कितना होता है थ्री, टू का स्क्वायर अपॉन टू, ये कितना हो जाएगा थ्री रेस टू टू, थ्री बाई टू, ये लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बहुत सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे, लास्ट टू ईयर का ट्रेंड ऐसा ही रहा है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का। 93, विच अमंग द फॉलोइंग कैन एक्ट एज एसिड एंड बेस बोथ, एम्फीप्रोटिक स्पीसीज पूछ रहा है आपसे अल्टीमेटली, जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करे, इट मींस एच प्लस को एक्सेप्ट भी करे और एच प्लस को क्या करे, लूज भी करे, उसको बोलते हैं एम्फीप्रोटिक। ठीक है, यहाँ पे पहला देखिएगा, H2PO4- दे रखा है, ये एक H+ एक्सेप्ट कर लेगा तो बनाएगा H3PO4, इसके अंदर तीनों के तीनों हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं, इसका मतलब एक हाइड्रोजन रिलीज हुआ है, एक और कर सकता है अभी तो आराम से, अभी तो एक और कर सकता था इसके बाद भी, तो इसका मतलब ये दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, इट मीन्स इट इज द एम्फीप्रोटिक। ठीक है, इसके लिए बात करोगे तो ये स्पीसीज बनी हुई है H3PO2 से, इसमें एक ही एसिडिक हाइड्रोजन होता है, वो लूज कर चुका है, अब नहीं कर पाएगा। H3PO3 ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, यहां पे H3PO3 में दो होते हैं, ये दो रिलीज करने के बाद ये बना है, इसका मतलब अब ये एक और रिलीज नहीं कर पाएगा, एम्फीप्रोटिक नहीं होगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 94, इस पूरे पेपर में अगर मैं बोलूं तो एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम हुआ है, ए सॉल्यूट गेट्स 50% डाइमराइज एंड 50% आयोनाइज इन टू आयंस, द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ सॉल्यूट इज, एक विलेय 50% जो होता है वो द्विलक्कीकृत होता है तथा 50% दो आयनों में आयनीकृत होता है, विलेय का वांट ऑफ गुणांक क्या होगा। मैं सपोज कर लेता हूं कि इनिशियल मोल जो है सॉल्यूट के वो मेरे पास दो मोल है, मैंने मान लिया, इट मीन्स इट इज द थ्योरेटिकल मोल, मैंने लिया है इसको, अब सॉल्यूशन में ऐड कर रहा हूं, ये थ्योरेटिकल मोल है, इसमें से ये कह रहा है 50%, 50% बोले तो इसका मतलब दो मोल का 50% हो गया एक मोल, इधर भी 50% बोले तो एक मोल, ये लो। अब ये कह रहा है डाइमर बन रहा है और डाइमर का एक्सटेंट नहीं दे रखा, तो 100% कंसिडर करेंगे, तो जब ये डाइमर बना लेगा तो एक मोल से कितना मोल बन जाएगा, हाफ मोल बन जाएगा। उधर अगर अपन बात करें, ये दो आयनों में आयनीकृत हो रहा है, इसका मतलब यहां से दो आयन मिलेंगे, इट मींस दो मोल मिलने वाले। वॉन्ट ऑफ फैक्टर आयोटा क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल मोल अपॉन थ्योरेटिकल मोल, ये लीजिएगा, एक्सपेरिमेंटल मोल कितने आपके पास 0.542, कितने 2.5 अपॉन थ्योरेटिकल मोल कितना था, ये इट इज द 1.25। ओके, नेक्स्ट 95 नंबर प्रॉब्लम, सेलेक्ट द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैविंग D4 कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्टाहेड्रल उच्च चक्रण अष्टफल के संकुल D4 विन्यास के लिए, जब स्प्लिटिंग होती है तो T2g ऑर्बिटल ये होते हैं, EG ऑर्बिटल ये होते हैं, ये लीजिएगा, ये एनर्जी लेवल पे 5 डीजनरेट ऑर्बिटल जो होंगे वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएंगे, T2g और EG ऑर्बिटल में। अब आपको कह रहा है हाई स्पिन रखना है D4, हाई स्पिन का मतलब क्या है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आने चाहिए वीक लिगेंड की प्रेजेंस में, तो पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके इसमें आएगा, D4 हाई स्पिन रखना है, तो ये लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, T2g3 Eg1। ओके, ये पार्ट था फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक का जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, बाकी ऑर्गेनिक का पार्ट सर आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, होपफुली पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा, एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप अपना बेस्ट करिएगा, पेपर दीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं होते उससे रिलेटेड आप 3-4 प्रॉब्लम और कीजिएगा जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, मायसेल्फ राजेंद्र वर्मा, टीम केमिस्ट्री। हम लोग आपके DCM दंगल टेस्ट सीरीज के 4th पेपर का ऑर्गेनिक पोर्शन
आज डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। फिर भी कहीं आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो तो आप इस सॉल्यूशन देख करके वो डाउट दूर कर सकते हैं। करते हैं बेटा शुरू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन। आपके पास क्वेश्चन है, इन गिवन कंपाउंड विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, दिए गए योगी के लिए सत्य कथन कौन सा है। ठीक है, आपके पास जो कंपाउंड दिया है आप देखें, यहां डबल बॉन्ड है, इथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप अटैच है, इथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप अटैच है, OHCH3 अटैच है, OHCH3 अटैच है, और आप देखें यहां पर ये दोनों CH3 सेम साइड में है तो ये सिस फॉर्म है, और यहां ये ऑपोजिट साइड में है तो ये यहां पर ट्रांसफॉर्म है। तो ए एंड बी आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ए और बी ज्यामितीय समावेवी है, बिल्कुल सही है, ये ए और बी ज्यामितीय समावेवी हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं बेटा। ए एंड बी आर नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो ये आपके पास सही नहीं हो सकता है, ये आपके पास सही नहीं हो सकता है। ए एंड बी आर डायस्टीरियोमर्स, ए और बी विवरिम समावेवी बिल्कुल सही है, जो ज्यामितीय समावेवी होते हैं, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं वो क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स, विवरिम समावेवी भी होते हैं क्योंकि एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं। तो आपके पास इसमें ए ऑप्शन भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है, तो ऐसा आपको कहां दिया गया है, सेकंड ऑप्शन में दिया गया, कहां दिया गया बेटा ये सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आपका सही आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अबाउट टू मॉलिक्यूल्स आर, उपरोक्त दो यौगिक किस प्रकार के हैं, आपस में इनमें कौन सा रिलेशन है, ये हमें चेक करना है। देखें तो चेक करें तो इसमें यहां पर आप देखें मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा है, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपके पास, CN, कौन सा है बेटा CN, तो यहां से हम नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, यहां देखें 1, 2, 3 और 4, बात समझ में आ रही है। तो कार्बन श्रृंखला बदल रही है, क्या बदल रही है बेटा, कार्बन श्रृंखला बदल रही है, और जब कार्बन श्रृंखला बदलती है तो वो आपस में क्या कहलाते हैं, श्रृंखला समावेवी कहलाते हैं, चेन आइसोमर्स कहलाते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, श्रृंखला समावेवी चेन आइसोमर कहलाएंगे बेटा। आंसर क्या आएगा आपके पास, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट के ए ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, निम्नलिखित यौगिकों के वियोजन स्थिरांक के ए का बढ़ता हुआ क्रम आपसे पूछा गया है। तो हमें देखना है एसिडिक स्ट्रेंथ, हमें पता है कि एसिड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, के ए के होता है, तो जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका के ए उतना ही ज्यादा होगा। तो हम अगर इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखें तो हमें कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड लग रहा है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, थर्ड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो थर्ड के लिए के ए का मान सबसे ज्यादा होगा, तो ये आंसर गलत हो गया। यहां पर थर्ड है, यहां थर्ड है, यहां थर्ड है, तो अभी हमारे पास आंसर नहीं आ रहा है। और आगे चलें, इन तीनों में से आप, हमें पता है कि यहां पर माइनस आई काम कर रहा है, यहां -M -I काम कर रहा है, -M -I काम कर रहा है, तो जो माइनस आई है इसकी वजह से अम्ल सामर्थ्य उतनी नहीं बढ़ पाती है जितनी प्लस माइनस एम के कारण बढ़ जाती है। तो इन तीनों में से फोर्थ की अम्ल सामर्थ्य सबसे कम है, तो फोर्थ का के ए सबसे कम होगा, फोर्थ का के ए सबसे कम होगा, ये भी गलत हो गया, तो ये फोर्थ सबसे कम है। अब अच्छा हमारा फर्स्ट और सेकंड, हमें ये अच्छी तरह से पता है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध बनता है, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की एसिड स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है, किससे, पैरा नाइट्रोफिनोल से थोड़ी कम हो जाती है। तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन सा होगा, इन दोनों में से सेकंड स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, तो आपके पास आंसर क्या चला जाएगा बेटा, फोर्थ आंसर चला जाएगा। कौन सा आंसर चला जाएगा आपके पास, फोर्थ आंसर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हम 78।
इलेक्ट्रोफाइल NO2 अटैक्स द फॉलोइंग NO2 इलेक्ट्रॉन सनेही किस पर मेटा स्थिति पर आक्रमण करेगा. इन विच केस NO2 विल अटैक एट मेटा पोजिशन. मेटा पोजिशन पर अटैक करने के लिए ग्रुप कैसा अटैच होना चाहिए. मेटा निर्देशी. मेटा निर्देशी तो CCl3 मेटा डायरेक्टिंग है ड्यू टू रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन. NO2 मेटा डायरेक्टिंग है ड्यू टू माइनस एम इफेक्ट. CHO मेटा डायरेक्टिंग है ड्यू टू माइनस एम इफेक्ट. और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है. ऑर्थो पैरा तो इसमें भी मेटा पर जा सकता है. इसमें भी मेटा पर और इसमें भी मेटा पर. फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा. सेकंड आ जाएगा. बात समझ में आ रही. CCl3 मेटा निर्देशी है व्युत्क्रम अति संयुग्मन रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण. NO2 माइनस एम के कारण. CHO माइनस एम. इसमें प्लस एम है तो ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग बनेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम इसमें. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक. सबसे कम क्षारीय कौन सा है. सबसे कम क्षारीय पूछा है. लीस्ट बेसिक पूछा है बेटा. तो लीस्ट बेसिक का मतलब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होनी चाहिए. नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होनी चाहिए. तो यहां देखो कौन सा इफेक्ट लग रहा है. माइनस एम माइनस आई. यहां पर माइनस आई वर्क कर रहा है. यहां पर प्लस एम माइनस आई वर्क कर रहा है. इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आई वर्क कर रहा है. तो आपका आंसर कौन सा चला जाएगा. फर्स्ट सबसे दुर्बल क्षारीय है. लीस्ट बेसिक है क्योंकि माइनस एम और माइनस आई दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है. द रिएक्शन सीएच थ्री सी एच बी आर सी एच टू बी आर. अभिक्रिया सी एच थ्री सी एच बी आर सी एच टू बी आर प्लस के ओ एच एल्कोहलिक के दे रखा है आपको. और ये प्रोडक्ट बन रहा है आपके पास. देखो ध्यान से इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए हो क्या रहा है. सी एच थ्री है सी एच है बी आर है सी एच टू है और बी आर है. और आपको आंसर मिल रहा है सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच आंसर मिल रहा है. तो आप देखें इसके अंदर क्या हुआ है. यहां से बी आर भी हट रहा है और एच भी हट रहा है. तो एच बी आर हट रहा है. एच बी आर हट रहा है बेटा. क्या हट रहा है. एच बी आर. उसके बाद यहां से ये हट जाएगा और यहां से ये हट जाए. एच बी आर हट रहा है. विलोपन अभिक्रिया एलिमिनेशन प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस हो रहा है. एलिमिनेशन प्रोसेस हो रहा है. विलोपन अभिक्रिया हो रही है. और विलोपन हो किसका रहा है. हाइड्रोजन और ब्रोमीन का. हाइड्रोजन और ब्रोमीन का विलोपन हो रहा है. आंसर क्या आएगा आपके पास. डी हाइड्रोहैलोजिनेशन वी हाइड्रोहैलोजनीकरण. बात समझ में आई. इस विलोपन अभिक्रिया एलिमिनेशन रिएक्शन में एलिमिनेशन किसका हो रहा है. हाइड्रोजन और ब्रोमीन का. तो आंसर क्या आया. डी हाइड्रोहैलोजिनेशन वी हाइड्रोहैलोजनीकरण. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम. कंपाउंड ए ओजोनोलाइसिस करवाया गया है और ये प्रोडक्ट आपके पास है. फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ ए. आपको देखना है इसमें कैसा स्ट्रक्चर आ सकता है. तो देखते हैं बेटा. ओजोनोलाइसिस है रिडक्टिव है. इसको यहां से ब्रेक करेंगे. इसको यहां से ब्रेक करेंगे तो आपके पास यहां से क्या रिजल्ट आएगा देखें जरा. इसके पास इस तरह से बॉन्ड आ जाएगा और प्लस में यहां पर कुछ इस तरह से बॉन्ड आ जाएगा. अब देखो ये प्रोडक्ट यहां है क्या देख लेते हैं एक बार. ये यहां पर एच अटैच है. यहां पर एच अटैच है. देखो ये इसमें कहीं प्रेजेंट हैगा. सी एस थ्री सी यू बिल्कुल सही है. ये रहा और ये रहा. तो इसका आंसर फर्स्ट ही आ गया. इसका आंसर फर्स्ट ही आ गया. हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है. ओजोनोलाइसिस करवाना है. ओजोनी अपघटन करवाना है और वो भी कैसा करवाना है. रिडक्टिव. ZN के साथ H2O दिया है. तो आपका आंसर कहां से आ गया. फर्स्ट से. सिंपल सा काम करना होता है. बॉन्ड ब्रेक करके दोनों साइड में ऑक्सीजन अटैच करने हैं. दोनों साइड में ऑक्सीजन अटैच करने हैं. आंसर फर्स्ट आ गया बेटा. एटी टू. क्यूमीन इज प्रिपेयर्ड बाई. क्यूमीन निम्न में से किस अभिक्रिया से बनाई जा सकती है. आपसे ये पूछा गया है. तो ये एक FCR अभिक्रिया है. FCR है तो ये इसके साथ अटैक करेगा. यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा.
तो ये इसके ऊपर अटैक कर जाएगा, क्यूमीन बन जाएगी, क्यूमीन बन जाएगी बेटा इसके अंदर, ठीक है। इसमें ये इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहां पर एक कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा तो कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा, रीअरेंज होकर के ऐसा कार्बोकैटायन बन जाएगा, तो इसमें भी आपको क्या मिल जाएगा बेटा जी, क्यूमीन मिल जाएगी। ये भी एफसीआर अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? एफसीआर, फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन है। इसमें इसका प्रोटोनेशन होगा, इसका प्रोटोनेशन होगा तो इसमें भी कार्बोकैटायन बनेगा, तो यहां पर भी आपको क्या मिलने वाला है, क्यूमीन ही मिलने वाला है। तीनों जगह से आपको क्या मिलेगा, क्यूमीन मिलेगा। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, फोर्थ आंसर आ जाएगा, ए सारे के सारे आ गए। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहां कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन में फिर उसके बाद हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, हाइड्राइड शिफ्ट होने से यह कार्बोकैटायन बन जाएगा और यह कार्बोकैटायन क्यूमीन की फॉर्मेशन करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट पी फॉर्म्ड इन फॉलोइंग रिएक्शन, इस अभिक्रिया में बनने वाला सर्वाधिक स्थायी उत्पाद कौन सा होगा? चलो देख लेते हैं इसके अंदर क्या होगा। सबसे पहले हमें इसका प्रोटोनेशन करवा के इसे रिमूव करना पड़ेगा, तो रिमूव करने से क्या मिलेगा बेटा, देखो ध्यान से, रिमूव करवाने से आपको यहां पर क्या मिलेगा, इस तरह का कैटायन मिलेगा। इस कैटायन में आप क्या कर सकते हैं, इस कैटायन में आप मिथाइल शिफ्ट कर सकते हैं, एक रीअरेंजमेंट प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हैं, यहां से शिफ्टिंग आपको करवानी चाहिए। उसका रीजन अभी समझ में आ जाएगा कि यहीं से क्यों करवानी चाहिए, क्योंकि यहां जो कार्बोकैटायन बनेगा वो अनुनाद रेजोनेंस के थ्रू अपने आप को क्या कर लेगा, स्टेबलाइज कर लेगा। अब हीट दिया हुआ है तो यहां से मैं क्या करूंगा, H प्लस को रिलीज कर दूंगा, ठीक है। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन जब आप करेंगे, विलोपन आप करेंगे, तो आपके पास बेटा जी कुछ ऐसा रिजल्ट आना चाहिए, इस तरह का रिजल्ट आपके पास कुछ आना चाहिए। तो ऐसा रिजल्ट कहां पर दिया हुआ है, सेकंड आंसर में दिया हुआ है। बात समझ में आ गई। सबसे पहले आप इसका प्रोटोनीकरण करवा करके इसको रिमूव कर दें, इसको रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा। अब इसमें क्या किया हमने, 1-2 मैथिल शिफ्ट कर दिया बेटा, क्या कर दिया, 1-2 मैथिल शिफ्ट, CH3 यहां से यहां ट्रांसफर हो गया, CH3 यहां से यहां ट्रांसफर होने से जो कार्बोकैटायन बनेगा वो अनुनाद रेजोनेंस के द्वारा अपने आप को स्टेबल करेगा। अब जब आप हीट करेंगे तो यहां से आप किसको हटा देंगे, H प्लस को हटा देंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर कौन सा होगा, सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which compound gives HVZ? किन कौन सा यौगिक HVZ अभिक्रिया देता है, आपसे पूछा है। HVZ अभिक्रिया वो ही कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन जीरो है, अल्फा कार्बन तो है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन आपके पास दो है और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन आपके पास एक है। HVZ अभिक्रिया के लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो आपका आंसर थर्ड भी सेकंड भी, यानी कि आपका आंसर ये हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ आंसर आ गया बेटा। बात समझ में, आंसर क्या आ रहा है, फोर्थ, बोथ सेकंड एंड थर्ड, बोथ सेकंड एंड सेकंड में भी और थर्ड में भी, तो आंसर क्या आएगा आपका, फोर्थ आंसर आएगा, फोर्थ आंसर आएगा, ये आपका आंसर है। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखिए। हम एक रिएक्शन दे रखी है आपको, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शन है, आपको इसके अंदर जो प्रोडक्ट है उनके नाम चेक करने हैं। तो पहले तो हम इसके अंदर प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं बेटा। तो जब आप इसकी अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे तो पहला आंसर आपके पास कुछ ऐसा आएगा, इस तरह का आंसर आपको मिलने वाला है। यह होगा आपके पास ए, ए के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है तो इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसको हीट करना है, जब आप इस अमोनियम लवण को हीट करेंगे तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे, दो वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर चले जाएंगे बेटा, दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले जाएंगे, तो आपका जो आंसर होगा ये बी है। और ये क्या है बी,
इसको क्या कहेंगे, थैलेमाइड। क्या कहेंगे? थैलेमाइड कहेंगे, एमाइड आना चाहिए, एमाइड किसमें, बी में, बी में थैलेमाइड। तो ये आंसर हो ही नहीं सकता है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। बी इज अमोनियम थैलेट, तो अमोनिकन थैलेट, तो बी तो अमोनिकन थैलेट नहीं है, बी तो क्या है, थैलेमाइड है। आपसे पूछा है इनकरेक्ट, क्या पूछा है, इनकरेक्ट, गलत पूछा है। तो ये लिखा है बी इज अमोनिकन थैलेट, तो क्या ये अमोनिकन थैलेट है, अमोनिकन थैलेट गलत है, ये नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बी इज थैलेमाइड, बी इज थैलेमाइड नहीं है, बी क्या है, बी क्या है बेटा, थैलेमाइड है, एमाइड है, तो ये भी गलत हो गया। अब सी को देख लेते हैं, सी को क्या कैसे करेंगे, इसको और ज्यादा हीट करेंगे, तो यहां से अमोनिया और यहां से वाटर, ये H2O बाहर से, ये इस पर अटैक करके इसको हटा देगा, ये इस पर अटैक करके और इसको हटा देगा, तो कुछ ऐसा आएगा बेटा। यहां पर ये कंपाउंड कैसा बना है, थैलीमाइड, क्या बना है, थैलीमाइड। तो सी जो कंपाउंड होगा वो थैलीमाइड होगा, सी थैलीमाइड, सी क्या है, थैलीमाइड है, बिल्कुल सही दिया गया है। तो आंसर क्या होगा बेटा जी, आंसर आपका आएगा फोर्थ, आंसर क्या आएगा आपके पास, फोर्थ आंसर आ जाएगा, बात क्लियर है, आंसर फोर्थ आ गया आपके पास। ठीक है, तो आपके सेक्शन ए में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट था वो मैंने आपको सेक्शन ए वाला पूरा करवा दिया है। अब हम सेक्शन बी में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो आप सॉल्यूशन को अच्छे से देखें, अच्छे से मेहनत करें बेटा, और देखते हैं हम आगे चलते हैं सेक्शन बी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनकी बात कर लेते हैं। यहां से ये सेक्शन बी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। अंडर वॉल्फ किशनर रिडक्शन कंडीशंस द कन्वर्जन विच मे बी ब्रॉट अबाउट, वॉल्फ किशनर अपचन के दौरान कौन सा परिवर्तन हो सकता है। वॉल्फ किशनर अपचन के लिए आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनाइल कंपाउंड होना चाहिए, और वो किस में कन्वर्ट होगा बेटा जी, CH2 में कन्वर्ट होगा। ये आंसर नहीं हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, ये भी सही नहीं है, यहां पर ये सही है। आंसर कौन सा आ गया, आंसर फोर्थ आ गया। वॉल्फ किशनर अपचन में ये इसमें कन्वर्ट होगा, किसकी उपस्थिति में होगा, NH2 और KOH साथ में हीट लिया जाता है। आंसर कौन सा आ गया, फोर्थ आंसर आ गया। ठीक है, A इज यूज्ड एज ए substitute for wool in the making of commercial fiber, here A refers to व्यावसायिक रेशों के निर्माण में A को ऊन के प्रतिस्थापी के रूप में प्रयोग में किया जाता है। A क्या है, ऐसा क्या होगा, polyacrylonitrile, क्या रहेगा, polyacrylonitrile। आंसर क्या आएगा बेटा जी, फर्स्ट आंसर आएगा, प्योर NCERT में लाइन लिखी हुई है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 98, प्रोटीन्स विच परफॉर्म द रोल ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इन द बॉडी आर कॉल्ड आई, हेयर आई रेफर्स टू, जो प्रोटीन जैव उत्प्रेरक की भूमिका अदा करते हैं आई कहलाते हैं, यहां आई क्या है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जैव उत्प्रेरक, अपनी बॉडी में कौन होते हैं, एंजाइम्स, कौन होते हैं बेटा, एंजाइम्स होते हैं, कौन होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 99, ग्लाइकोजन इज ए ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इन विच
chain is formed by C1-C4 glycoside linkage, where as branching occurs by the formation of C1-C6 glycosidic linkage, structure of glycogen. Glycogen की structure किससे match करती है? Branched इसमें से कौन सा है? Branched है amylopectin. Branched कौन सा है बेटा? Amylopectin. Amylopectin में C1-C4 से linear chain बनती है और C1-C6 से branch बनती है. Glycogen में भी same answer है. Answer second answer आ जाएगा आपके पास. लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक कंपाउंड है और ये कौन सी रिएक्शन है यहां पर? हॉफमान डिग्रेडेशन, हॉफमान निम्नीकरण. तो आपके पास हॉफमान डिग्रेडेशन से कंपाउंड ए ये बनेगा बेटा, यही बनेगा. अब हमें इसमें क्या करना है, ए टू बी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, आइसोसाइनाइड परीक्षण होगा, आइसोसाइनाइड टेस्ट होगा बेटा जी. और जब आइसोसाइनाइड टेस्ट आप करवाएंगे तो ये आपके पास कंपाउंड बी बनेगा. क्वेश्चन क्या है, वेयर व्हाट आर ए एंड बी, ए और बी क्रमशः क्या होंगे? ये दो ही होंगे. और ऐसा आंसर आपको कहां दिया गया है? फर्स्ट में दिया गया है. मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा. लगे रहें बेटा, जब तक जीत नहीं हो जाती तब तक लगे रहें. मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती. जय सीएलसी, थैंक यू. हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. हाँ भाई, सीएलसी एंड जय सीएलसी, क्या हाल चाल है? तो दंगल 4x15, 15 दंगल होने वाले हैं और इन 15 दंगल फुल सिलेबस नेट बेस्ड ये सारे पेपर आपसे कंडक्ट करवाए जाएंगे और अल्टीमेट एनसीईआरटी की अप्रोच आप तक पहुंच रही है इनके द्वारा. ओके, क्या करना है और ऐसा करके बाकियों से कैसे आगे होना है वो चीजें जरा सुन लीजिए आप. क्या विशेष करना है, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उस गलत हो रहे क्वेश्चन का सब टॉपिक घर पे जाकर जरूर पढ़ें. इस समय नोट्स नहीं उठाने हैं, कॉपियां दोबारा नहीं उठानी है. ओके, कोई क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो उसका सब टॉपिक एक बार जरूर देख लें, वो थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा बहुत पढ़ लें, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन अप्रोच करें, क्वेश्चन से थ्योरी पे जाएं. मैक्सिमम क्वेश्चन करोगे कहां अटकोगे, जहां अटक रहे हो, जहां ऑब्स्टेकल आ रहा है उस ऑब्स्टेकल वाले पॉइंट को थ्योरी में जरूर पढ़ लें. ठीक है, पूरे साल तैयारी की है और इस समय तो कॉन्फिडेंस ही सबसे बेटर है और सबसे बेटर वे यही हो सकता है. किसी पेपर में 20 नंबर 30 नंबर कम भी आ जाते हैं, जैसे एक पेपर में बच्चे के 590 आ गए, दूसरे में 565 आ जाते हैं, 60 आ जाते हैं, बौखलाना नहीं है, घबराना नहीं है. वेरिएशन 3-4 क्वेश्चन का हो सकता है. ओके, लेकिन आपको तो 720 में से जो है 610 तक या 600 तक नंबर लेके आने हैं. इजी कंसेप्ट आना है, नो डाउट नेट का इस बार भी है ना. और दिन की तैयारी के दिन मोहलत देती है दंगल दंगल, और ये दंगल वाली थीम, इसके लिए दो लाइनें आपके लिए क्या बेटर हो सकती हैं? कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है, भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे, दंगल दंगल. ठीक है, शुरुआत करते हैं, आ जाएं दंगल 4x15 सेक्शन ए सेक्शन बी. ये आपने नया पैटर्न देख ही लिया होगा, 35 क्वेश्चन सेक्शन ए के आएंगे, 30 और 15 क्वेश्चन सेक्शन बी के आएंगे. सेक्शन बी के जो 15 क्वेश्चन है उसमें एनटीए ने एक नया पॉइंट जो है वो डिक्लेयर भी कर दिया है. शुरुआत के स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करोगे सेक्शन बी के, शुरुआत के जो 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके जो है वो मान्य किए जाएंगे. आप अगर 15 क्वेश्चन के गोले भी भर के आ गए सबके तो भी आपके शुरुआत वाले 10 ही काउंट होंगे. ठीक है, बिना विलंब किए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर. मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड यहां पर दिया है, डायवर्सिटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, स्पेसिफिक करेक्टर यहां पर बताया गया है. कोएनोसाइट्स जिसे कोलर सेल के नाम से भी जाना जाता है, और कोलर सेल्स क्या है, जो स्पंजीज हैं उनमें जो स्पंजोसील कैविटी बनेगी उस कैविटी को लाइन करने वाली सेल्स क्या कहलाती हैं, कोलर सेल्स या कोएनोसाइट्स कहलाती हैं. तो कोएनोसाइट का ऑप्शन कौन सा मैच होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन मैच हो जाएगा. ठीक है, मैच द कॉलम ऐसे ही करना है आपको एग्जाम में भी.
नीडोब्लास्ट स्टिंगिंग सेल्स कहलाती हैं, ठीक है, इनको नीडोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, और इन नीडोसाइट के अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे नीमेटोब्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है, एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखना। तो नीडोब्लास्ट के लिए सिलेंट्रेट हो जाएगा, सिलेंट्रेटा में पाए जाते हैं, और डिफेंस के लिए, अटैक के लिए, और अपनी बॉडी को चिपकाने के लिए, एनकरेज के लिए ये हेल्प करता है नीडोब्लास्ट, ओके, सिलेंट्रेटा में हो जाएगा। ज्वाला कोशिकाएं या फ्लेम सेल्स किस में पाई जाती हैं? प्लेटिहेलमिंथ्स में पाई जाती हैं। क्या काम है? ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करती हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं, फंक्शन भी पता होना चाहिए। फ्लेम सेल हो जाएगी प्लेटिहेलमिंथ्स। कॉम्ब प्लेट्स ये क्या है? जो टीनोफोरा आप पढ़ोगे प्लेटिहेलमिंथ्स से पहले, सिलेंट्रेटा से बाद में, उस टीनोफोरा में बताया गया है 8 सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स बॉडी के ऊपर पाई जाती हैं, जो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। तो फंक्शन क्या हो गया इनका? लोकोमोशन हो गया। किस में पाया जाता है? टीनोफोरा में पाया जाता है, ये हो गया, ठीक है जी। तो ए बी सी डी का सीक्वेंस क्या बन गया? 3 4 1 2। तो 3 4 1 2 देखें, 3 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, 102। द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोलस्का, मोलस्का का अभिलाक्षणिक गुण, अभिलाक्षणिक गुण का मतलब होता है विशेषता उसी फाइला के अंदर पाया जाए, ठीक है जी। तो करेक्टरिस्टिक फीचर क्या बन जाएगा? प्रेजेंस ऑफ सेल ओवर द बॉडी, शरीर पर कवच की उपस्थिति। ये सेल तो फिशेज में भी देखने को मिल रही है अपने को, और रेप्टाइल्स जो है उनमें भी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक फीचर इसका नहीं होगा। बॉडी कवर्ड बाई फ्लैशी मेंटल, मेंटल केवल और केवल किस में पाया जाता है? मोलस्का में पाया जाता है, इसका करेक्टरिस्टिक फीचर बन जाएगा, बिल्कुल आंसर भी यही चला जाएगा। प्रेजेंस ऑफ टेंटिकल्स, सिलेंट्रेटा में भी देखने को मिल रहे हैं भैया, ठीक है। तो टेंटिकल्स की प्रेजेंस होना ये जरूरी नहीं है। प्रेजेंस ऑफ गिल्स, फिशेज में भी देखने को मिल रहे हैं, मोलस्क में भी देखने को मिल रहे हैं, ओके। तो करेक्टरिस्टिक फीचर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 103। सेलेक्ट द करेक्ट पॉइंट रिलेटेड विद कार्डियक मसल, जो हर्ट की मसल्स होती हैं उनको कार्डियक मसल कहा जाता है, और उन हृदय पेशी के संदर्भ में सही बिंदु को छांटना है अपने को। हर्ट मसल्स की अगर बात करें तो हर्ट की जो मसल्स हैं वो किस प्रकार की होंगी? इस प्रकार की, समवॉट ब्रांच्ड शेप कहलाती हैं, ठीक है, ब्रांच शेप मसल्स पाई जाती हैं भैया उसमें, और स्ट्रिप्स देखी जाती हैं, इसका मतलब स्ट्रेटेड मसल्स कहलाती हैं, ब्रांचिंग पैटर्न में होती है, मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा पाए जाने के कारण ये कभी भी फैटीग नहीं होती हैं, कभी भी इनमें थकान की अनुभूति नहीं होती है, थकती नहीं है, ठीक है। और मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसके साथ में ब्लड सप्लाई भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण ऑक्सीजन अवेबिलिटी लगातार बनी रहती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन दर्शाएंगी नहीं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, लैक्टिक एसिड जमा नहीं होगा, लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा, इसका मतलब फैटीग भी नहीं होंगी। तो क्या बोल दिया? दीज आर नॉन स्टेटेड, नहीं भैया कार्डियक मसल तो स्टेटेड है, ये बात गलत होगी। दीज आर इनवॉलेंट्री, अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती हैं, ऑटोनोमस वर्क करती हैं, ये बात सही है। दीज आर ब्रांच्ड, बिल्कुल ब्रांचिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है, और जबकि स्केलेटल मसल की अगर बात करते हैं तो सिलेंड्रिकल होती हैं, इस प्रकार की मसल कहलाती हैं जिसमें स्ट्रेशंस देखे जाते हैं, ये स्केलेटल है, तो ब्रांच्ड होती हैं, ये बात भी सही है। दे हैव हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है, बिल्कुल ठीक बात है, और ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है, ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन दर्शाएंगे ऑलवेज, और एरोबिक रेस्पिरेशन लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा। दीज हैव लेस ब्लड सप्लाई, नहीं मोर ब्लड सप्लाई, ये बात भी क्या हो गई? गलत। अपने को देखना क्या है? करेक्ट देखना है, करेक्ट हो गया बी सी एंड डी, बी सी एंड डी ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा, ओके। नेक्स्ट 104। एपिथेलियल टिश्यू इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर और नर्व टिश्यू, चार प्रकार के टिश्यू अपने पढ़े हैं, और एपिथीलियम बाकियों से डिफ्रेंशिएट किस रूप में किया जाएगा? लार्ज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, नहीं, यहां पर तो क्लोजली पैक्ड होती हैं सेल, टाइटली पैक्ड होती हैं, ठीक है जी, तो ये बात तो गलत होगी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ये फंक्शन होता है किसका? मसल्स का, एपिथीलियम का फंक्शन नहीं है। एबिलिटी टू कैरी एक्शन पोटेंशियल, नर्व सेल जो होती है, नर्व टिश्यू जो होंगे उनका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या लाएगा? इसका मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन, एपिथीलियम में बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, बाकियों में बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है। आंसर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। नेक्स्ट 105। डिफ्यूजन बाउंड्री ऑफ एयर सैक ऑफ लंग्स हैज, लंग्स के एयर सैक, एल्यूलाई की डिफ्यूजन बाउंड्री की अगर बात करें तो वहां पे कौन सी एपिथीलियम पाई जाती है? तो याद करें वहां पर एल्यूलाई की क्या होती है? स्क्वामस एपिथीलियम प्रेजेंट होती है, और जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनकी एंडोथीलियम पाई जाती है, बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट होता है। तो ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी ने बताया भी है, ये ब्लड कैपिलरी बताई है,
ब्लड कैपिलरी की ये एंडोथीलियम हो जाती है और इसकी ये स्क्वामस एपिथीलियम हो जाती है और बीच में इंटरस्टीशियल स्पेस हो जाता है। तो डिफ्यूजन बाउंड्री एल्वियोलाई की डिफ्यूजन बाउंड्री किससे बनेगी? सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम। आंसर नंबर 1 चला जाएगा। नेक्स्ट 106 स्फिंक्टर विच प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम कहां से? स्टमक से ईसोफेगस में। ये अपनी ईसोफेगस थी, ये अपना स्टमक बना था, ठीक है जी। और अपने को पता है ये कार्डियक पोर्शन बना था, ये वाला पार्ट स्टमक का क्या कहलाता है? कार्डियक कहलाता है। फिर फंडिक हो जाएगा, बॉडी हो जाएगा, पाइलोरिक हो जाएगा, ठीक है जी। ये फंडिक हो गया, ये बॉडी हो गया और ये इसका पाइलोरिक पार्ट कहला गया। कार्डियक और ईसोफेगस के बीच में क्या पाया जाता है? स्फिंक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। स्फिंक्चर जो ओपनिंग क्लोजिंग को रेगुलेट करने का काम करता है, और ये स्फिंक्चर क्या कहलाता है? इसको कार्डियो ईसोफेजियल स्फिंक्चर या फिर इसको सिंपली कार्डियक स्फिंक्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर क्या चला जाएगा? नंबर 2 चला जाएगा। पाइलोरिक जो स्फिंक्चर है वो किसके बीच? ड्यूडिनम और पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक के बीच पाया जाता है। फंडिक रीजन में कोई स्फिंक्चर नहीं होता है। इलियोसिकल वॉल्व जो पाया जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट इलियम जो ओपन होता है, किसमें? सीकम रीजन में, लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, वहां पर यह वॉल्व प्रेजेंट होता है। अपना आंसर चला जाएगा कार्डियक, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 107 इन द टिश्यू फैक्टर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन आर। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग हो रही है या हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग हो रही है? कहां? टिश्यू साइड पर। बंद कहां पे रही थी? एल्वियोलर रीजन पर, लंग्स साइड जो थी वहां पर तो ये बंद रही थी। और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग होती है कहां पर? टिश्यू साइड पर। तो टिश्यू साइड पर वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन करवाते हैं? वहां पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होती है, बिल्कुल ये ब्रेकडाउन करवाएगा। हाई PO2 नहीं होती, लो PCO2, वहां पर लो नहीं हाई PCO2 होता है, तो हाई PCO2 यह आंसर चला जाएगा। लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर का मतलब ठंडा, ठंडा नहीं, वहां पर ब्रेकडाउन मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, ब्रेकडाउन होते रहते हैं बॉन्ड्स, तो हायर टेम्परेचर की बात होगी, ये नहीं होगा लोअर, हायर टेम्परेचर हो जाएगा। लो pH या हाई pH, हाई pH का मतलब बेसिक और लो pH का मतलब एसिडिक, टिश्यू साइड पर एसिडिक pH होती है, तो आंसर ये चला जाएगा। तो फेवरेबल फैक्टर कौन से हो गए ब्रेकडाउन के लिए? ए, उसके बाद में डी, ADFG, ADFG, ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 चला जाता है। ओके, नेक्स्ट 108 लैक्टोज इज फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है जी, ये चैप्टर नंबर 16 डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वहां से लिया गया क्वेश्चन है। तो लैक्टोज जो है वो कौन सी यूनिट्स उसके ब्रेकडाउन से बनेंगी? तो लैक्टोज के ब्रेकडाउन से बनता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ऑप्शन नंबर कौन सा? 2 चला जाएगा। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज की अगर बात करें तो सुक्रोज बनता है, याद करो, और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज की बात करें तो इससे माल्टोज बनता है, इससे तो माल्टोज, या माल्टोज के ब्रेकडाउन से ये प्रोडक्ट बनते हैं। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज की बात करें तो सुक्रोज बन जाएगा, सुक्रोज। अपना आंसर कौन सा चला जाएगा? लैक्टोज के ब्रेकडाउन से ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनता है। नेक्स्ट 109 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी क्वेश्चन नेगेटिव अप्रोच का पूछे अंडरलाइन कर देना, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा? नॉट करेक्ट को मतलब इनकरेक्ट भी बोल सकते हैं अपन, इनकरेक्ट देखने अपने को। O2 कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन रिवर्जिबल मैनर, सब जानते हैं O2 प्लस हीमोग्लोबिन की अगर बात करें तो अपने को पता है ये HbO2, ये वाली रिएक्शन एनसीईआरटी ने दे भी रखी है। बाइंडिंग कहाँ होनी है? एल्वियोलाई, और ब्रेकडाउन कहाँ होना है? टिश्यू साइड पर, ठीक है जी। तो पहली बात तो क्या हो गई? करेक्ट हो गई, अपने को तो इनकरेक्ट देखना है, इसका मतलब आंसर में क्या नहीं आएगा? ए तो नहीं आएगा, ए नहीं आएगा तो पहला ऑप्शन नहीं आएगा, चौथा ऑप्शन नहीं आएगा, इन दो में से देखें आप। O2 गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन लंग्स एक्सटर्नल सरफेस, लंग्स की एक्सटर्नल सरफेस में नहीं, लंग्स में ये बाइंड होता है एल्वियोलाई की सरफेस पर, एंड गेट डिसोसिएटेड एट द टिश्यू। तो डिसोसिएट तो होगा टिश्यू पर, लेकिन ये एक्सटर्नल होने की वजह से ये गलत हो गया, इसका मतलब आंसर में बी आएगा ही आएगा, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पार्शियली रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, एनसीईआरटी की लाइन है, इंपॉर्टेंट, पार्शियली नहीं है, प्राइमरली मुख्य रूप से। तो रेस्पिरेशन की जो रिदम है उसका जो रेगुलेशन का सेंटर है मेडुला ओब्लोंगेटा में, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, तो ये प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल होता है, पार्शियली नहीं, यहां पर होना चाहिए प्राइमरीली, मुख्य रूप से यही करवाता है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया? रॉन्ग, इसका मतलब आंसर में सी आएगा, यहां भी सी आ रहा है, यहां भी सी आ रहा है।
चौथा देखें, रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर्क, जो एओर्टा है जहां वो आर्क बनाएगी, ठीक है, तो वहां पे रिसेप्टर पाए जाते हैं। और कोरोनरी आर्टरी ऑल्सो रिकॉग्नाइज द चेंज इन CO2 एंड H+ कंसेंट्रेशन। तो रिसेप्टर्स जो कहां पाए जा रहे हैं, रिदम सेंटर के पास में पाया जा रहा है, वो भी CO2 और H+ की कंसेंट्रेशन को डिटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, कीमो रिसेप्टर्स जिसे कहा जाता है। और ऐसे ही रिसेप्टर कहां पाए जाते हैं, जो हर्ट से निकलने वाली एओर्टा है उसके ब्रांचिंग वाले पॉइंट पर यहां प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी, ये रिसेप्टर्स हो जाएंगे, एओर्टिक आर्क के रिसेप्टर कहलाएंगे। इसके अलावा जो कैरोटिड आर्टरी होती है, उस कैरोटिड आर्टरी के जो रिसेप्टर होते हैं वो भी रिसीव करते हैं CO2 और H+ की कंसेंट्रेशन को, लेकिन यहाँ कैरोटिड नहीं, कोरोनरी आर्टरी दे रखा है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, B, C and D रॉन्ग हो गए, अपने से इनकरेक्ट पूछा है, ऑप्शन नंबर सेकंड चला जाएगा। ओके, कोरोनरी आर्टरी तो हर्ट के मस्कुलेचर को ब्लड सप्लाई करती है, कैरोटिड आर्टरी कौन सी कहलाएगी, ये वाली कैरोटिड है, ठीक है जी, तो कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच हो जाएगी, ये जो है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी बन जाती है, ये जो है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड बन जाएगी, ये राइट कॉमन कैरोटिड बन जाती है, ठीक है। आगे चलें, 1110 द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द सेम एज, एक इक्वेशन के रूप में अपने को दिया गया है, IRV, TV और ERV, क्या बोल रहा है, IRV प्लस TV प्लस ERV, IRV, TV, ERV ये तो वाइटल कैपेसिटी होता है भैया, क्या बोलते हैं इसको, वाइटल कैपेसिटी, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाइटल कैपेसिटी है, ठीक है। इसका मतलब ये किसके बराबर है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब IRV प्लस TV ये होता है, और फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, ERV प्लस RV, IRV, TV, ERV, RV, इसको मिलाऊं तो ये पहले वाला तो बनता है TLC, टोटल लंग कैपेसिटी, ये वाइटल कैपेसिटी नहीं बनेगा, ठीक है जी, तो ये तो रॉन्ग हो गया। टोटल लंग कैपेसिटी माइनस फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी मतलब चारों वॉल्यूम उसमें से ये दोनों माइनस कर दो तो IRV और TV बचेगा, जिसे IC कहेंगे, और IC और VC बराबर नहीं हो सकते, तो ये भी गलत हो गया। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, IRV और TV, IRV प्लस TV ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोले तो ERV, IRV, TV, ERV, IRV, TV, ERV, बिल्कुल ये भी VC है और ये भी VC है, इसका मतलब क्वेश्चन में जो बात कही है वो किसके इक्विवेलेंट है, ऑप्शन नंबर 3 के इक्विवेलेंट है, आंसर भी यही चला जाएगा, अंतः श्वसन क्षमता और निः श्वसन सुरक्षित आयतन। अगली बात, चौथा ऑप्शन है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी IRV प्लस TV हो गया और रेजिडुअल वॉल्यूम RV हो गया, तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं है, ये भी गलत हो गया, आंसर क्या चला जाएगा, 3। अब इन वॉल्यूम और कैपेसिटी के बारे में अपन यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि इनको बहुत बार आपको गुरुनीति के माध्यम से बता दिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से बता दिया गया है, DCM जो सॉल्व करवाया था आपको उसमें बता दिया गया है, बायोकेम के जो सॉल्यूशन आपको दिए गए हैं उसमें बता दिया गया है, और आपको ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि आपकी CLC ने सेशन 2020 और 21, मतलब ये जो एक साल गया है कोविड का, 30,000 क्वेश्चन वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से YouTube पर प्रोवाइड करवाए हैं, वो भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है, तो विद्यार्थी हित के लिए, पूरे हिंदुस्तान के विद्यार्थियों के लिए 30,000 क्वेश्चन शायद कोई दूसरी कोचिंग हिंदुस्तान में ऐसा नहीं कर पाई थी, इसीलिए तो सब CLCN प्यार से बोलते हैं, उनकी जुबान से निकलता है जय CLC। चले आगे जी, 111 टू ऑब्टेन स्टैंडर्ड ECG इलेक्ट्रोड्स ऑन द बॉडी ऑफ पेशेंट आर अप्लाइड ऑन। तो NCERT ने जो बात की है वो स्टैंडर्ड ECG की बात की है, डिटेल्ड ECG की बात नहीं की है, डिटेल्ड ECG में बहुत सारी इलेक्ट्रोड चेस्ट की वॉल पे लगाई जाती हैं, लेकिन स्टैंडर्ड ECG में दोनों कलाई के ऊपर, दोनों रिस्ट के ऊपर एक एक इलेक्ट्रोड लगाई जाती है, और इसके अलावा जो लेफ्ट एंकल है, जो लेफ्ट वाली AD है, वहां पर एक इलेक्ट्रोड लगाई जाती है। इसका मतलब मानक ECG में कहां कहां लगाया जाएगा, लेफ्ट रिस्ट, राइट रिस्ट और लेफ्ट एंकल, ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा, बाई कलाई, दाई कलाई और बायां टखना जो है वहां पर इलेक्ट्रोड लगाई जाती है, स्टैंडर्ड ECG का कॉन्फिगरेशन ये कहलाता है। नेक्स्ट, 112
एक डाइजेस्टिव सिस्टम की डाइजेस्टिव रिएक्शंस आपको दे रखी हैं और अपने को क्या पहचानना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन मैच्ड करेक्टली, करेक्ट कौन सी है वो बतानी है अपने को। स्टमक में फैट का डाइजेशन करवा रहे हैं, नहीं भैया गलत बात है, फैट का डाइजेशन तो कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, ठीक है जी। स्टीएप्सिन के द्वारा हो रहा है फैट का डाइजेशन, यहाँ पर ये बात आप याद रख लेना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एनसीईआरटी ने नहीं बताया है। स्टीएप्सिन जो है अनोदर नेम है किसका, लाइपेज का, ठीक है जी। तो ये तो गलत हो गया, स्टमक इसके साइड नहीं बनेगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का डाइजेशन होगा और कौन करेगा, ट्रिप्सिन करेगा, बात यहाँ पर पेप्सिन आ गया है, ये बात क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि पेप्सिन तो स्टमक का एंजाइम है, ठीक है जी। तो ये बात गलत हो गई, सेकंड भी गलत है, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्च का डाइजेशन होगा, अमाइलेज करेगा, डाइसेक्राइड में तोड़ेगा, और ये अमाइलेज कौन सा है, स्लेवरी ना, ये कौन सा है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज कहलाएगा, क्योंकि जो इंटेस्टाइनल जूस है सक्कस एंटेरिकस उसमें तो अमाइलेज नहीं पाया जाता है, तो ये कौन सा अमाइलेज है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। तो आंसर भी कौन सा चला जाएगा, थर्ड चला जाएगा, करेक्ट ही देखना था अपने को। ड्यूडेनम में ट्राइग्लिसराइड्स मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो प्रोटीन डाइजेशन डाइजेस्टिव एंजाइम का कोई काम नहीं है भैया यहाँ पर, क्योंकि ये तो फैट है, आंसर चला गया थर्ड। नेक्स्ट 113, कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मसल इज द पार्ट ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन, तो मसल का डायग्राम आपने देखा होगा और उसमें ये एक जेड लाइन है, ये दूसरी जेड लाइन है, इसको अपन ने नाम दे दिया, अज्यूम कर लो जेड वन, और इसको नाम दे दिया जेड टू, ठीक है जी। तो दो जेड लाइन के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, इज कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट, सार्कोमियर, सार्कोमियर। तो जेड वन लाइन एंड जेड टू लाइन के बीच की दूरी क्या कहला गई, यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन। नेक्स्ट 114, सैडल जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन, सैडल जॉइंट कहाँ पाया जाता है, जो थंब है उस थंब की कार्पल और किसके बीच मिलता है, मेटाकार्पल के बीच मिलता है, तो आंसर कौन सा चला जाएगा, थ्री चला जाता है, ठीक है जी। अल्ना और ह्यूमरस, अल्ना और ह्यूमरस की बात करें एल्बो जॉइंट हो जाता है, ठीक है जी। और ऐसे ही कार्पल्स के बीच की बात करें तो कौन सा, ग्लाइडिंग जॉइंट कहलाता है, कार्पल्स कलाई की जो बोन्स होती हैं, जो आठ होती हैं नंबर में, उनके बीच जॉइंट कौन सा कहलाता है, ग्लाइडिंग जॉइंट कहलाता है, ओके। तो ये अपनी बात होगी, आंसर चला गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, वही मैच करना है, रिब्स कितनी होती हैं, 24 होती हैं, वर्टिब्री कितनी होती हैं, 26 होती हैं, फेलेंजीज 14 होती हैं और स्टर्नम एक होती है, तो अपना ए बी सी डी का सीक्वेंस क्या बन गया, 4 1 2 3, 4 1 3 2, ये गलत है, 4 3 नहीं, 4 1 2 3, आंसर कौन सा चला जाएगा, थर्ड। आपको ऐसे ही मैच करना है, मैच दी फॉलोइंग को। नेक्स्ट 116, काउंटर करंट मैकेनिज्म प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोड्यूसिंग ए कंसंट्रेटेड यूरिन, हियर काउंटर करंट मीन्स, ठीक है जी। तो प्रतिधारा प्रवाह प्रक्रिया सांद्रित मूत्र का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यहाँ प्रतिधारा प्रवाह का मतलब क्या है, तो मैमल्स में एबिलिटी होती है सांद्रित यूरिन के उत्पादन की, कंसंट्रेटेड यूरिन के प्रोडक्शन की, ठीक है जी। तो काउंटर करंट के लिए कौन कौन सी बात ठीक है, काउंटर करंट का मतलब क्या था एक्चुअल में, याद करो वो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर अपने बताई थी, पीसीटी बताई थी, ये लूप ऑफ एनले बताई थी, ठीक है जी, ये डीसीटी अपनी बन गई थी, ये कलेक्टिंग डक्ट हो गई थी, और इसके एडिशन में इसके सराउंडिंग में ये लूप ऑफ एनले के पैरेलली एक और स्ट्रक्चर रन कर रही थी जिसे वासा रेक्टा कहा था, वासा रेक्टा में फ्लो जो है वो इस वाली लिंब में डाउनवर्ड था, इस वाली लिंब में अपवर्ड था, और यहाँ अगर बात करें लूप ऑफ एनले की तो यहाँ पर डाउनवर्ड है, यहाँ पर अपवर्ड है, आया ना। तो काउंटर करंट का मतलब हो गया लूप ऑफ हेनले में या हेनले की लूप में जो फिल्ट्रेट है वो दोनों लिंब में ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, ऐसा ही वासा रेक्टा की जो दोनों लिंब है उसमें भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, इसके अलावा लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा की पास पास पाई जाने वाली लिंब में ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म कहलाता है। इसका मतलब फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिंब्स ऑफ हेनले लूप इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों लिंब में ऑपोजिट डायरेक्शन में है, बात सही है, ठीक है, रेड ले लेते हैं इसको जी। फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा, वासा रेक्टा ये ब्लैक वाली, इसमें जो फ्लो ऑफ ब्लड हो रहा है वो भी क्या है, इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड ऑल्सो ऑपोजिट टू फिल्ट्रेट, तो इन दोनों लिम्ब में ब्लड का फ्लो ऑपोजिट है, और इसके अलावा जो प्रोक्सीमिटी में लिम्ब पाई जाती है लूम ऑफ एंड लेके, उन दोनों में भी फिल्ट्रेट के भी ऑपोजिट फ्लो ये कहलाता है, तो ये बात भी सही है। फ्लो ऑफ आइसोटोनिक नेफ्रिक फिल्ट्रेट इन पीसीटी,
यहां जो फ्लो हो रहा है वो एंड फ्लो ऑफ हाइपोटोनिक नेफ्रिक फिल्ट्रेट इन डीसीटी, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में, ये तो कॉर्टेक्स वाला पार्ट आ गया ऊपर वाला, और काउंटर करंट मैकेनिज्म तो किडनी के मेडुलर रीजन में चलता है जहां पर हाई ऑस्मोलरिटी 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर कंसंट्रेशन कहलाती है, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी, इसका मतलब वन और टू बहुत ही क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, अपने को करेक्ट ही बताना है। नेक्स्ट आ जाएं 117, सेलेक्ट करेक्ट मैचिंग पेयर, सेरिब्रम जो कि अपना फोर ब्रेन का पार्ट कहलाता है, ये सुनने के लिए, ऑडिटरी सेंटर यहां पर पाया जाता है विजन के लिए और मेमोरी के लिए, तो सेरिब्रम बिल्कुल सही बात है, करेक्ट मैच, पहला करेक्ट मैच है। हाइपोथैलेमस, बैलेंस ऑफ द बॉडी, बैलेंस ऑफ द बॉडी के लिए तो सेरिबेलम रेस्पॉन्सिबल होता है, ये गलत हो गया। मेडुला ओब्लोंगेटा, एक्साइटमेंट, प्लीजर, रेज एक्सप्रेशन, उत्तेजना, खुशी, गुस्से की अभिव्यक्ति, ये हाइपोथैलेमस कहलाता करवाता है, मेडुला ओब्लोंगेटा नहीं करवाता। पोन्स वेरोली, रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, प्राइमरली ब्रीथिंग को कौन रेगुलेट करता है, मेडुला ओब्लोंगेटा के रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ऐसा काम करते हैं, ठीक है जी, जो लय केंद्र होते हैं उनका प्रमुख कार्य कहलाता है। उसके अलावा मेडुला ओब्लोंगेटा के ऊपर पोन्स रीजन में भी एक सेंटर पाया जाता है, इसे न्यूमोटैक्सिक सेंटर के नाम से जाना जाता है, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर पोन्स रीजन में प्रेजेंट होता है, पूरा नाम पोन्स वेरोली है, रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, तो ये बात भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, करेक्ट मैच बताना है, फर्स्ट और फोर्थ जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन नंबर टू चला जाएगा, अरे इजी अप्रोच है, हाँ एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा। नेक्स्ट चलें 118, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, गलत बताना है अपने को, स्टीरॉइड हार्मोन एक्ट बाय पासिंग थ्रू द सेल मेम्ब्रेन एंड अफेक्टिंग जीन ट्रांसक्रिप्शन, जो प्रोटीनेशियस नेचर के हार्मोन होंगे वो तो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और उनके रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्टीरॉइड हार्मोन हो गए, आइडोथायरोनिन हो गया, ये सारे हार्मोन जो हैं इनके रिसेप्टर इंट्रासेलुलर कहलाते हैं, सेल के अंदर कहलाते हैं, इसका मतलब ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, यही बात ये कह रहे हैं कि एक्ट बाय पासिंग थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, तो स्टीरॉइड हार्मोन कोशिका झिल्ली को पार कर जीन अनुलेखन करवाता है, और अफेक्टिंग जीन ट्रांसक्रिप्शन उसको क्या करवाएगा, अफेक्ट करवा देगा, तो पहली बात क्या है, सही है, अपने को तो फॉल्स देखना है। अगली बात, एड्रीनेलिन जिसे एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, एमिनो एसिड का डेरिवेटिव है, इसका मतलब प्रोटीनेशियस नेचर हो गया, इसका रिसेप्टर कहां मिलेगा, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहलाएगा, एक्ट ऑन सेल मेम्ब्रेन, इसका रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे है, रिसेप्टर्स टू स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, तो ये सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अपने को तो फॉल्स देखना है। एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज सेवरल हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है बहुत सारे हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है जी, और विच एक्ट ऑन अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, इसीलिए इसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये बाकी की एंडोक्राइन ग्लैंड की कंट्रोलिंग को रेगुलेट करवाती है, तो ये बात भी सही होगी। इंसुलिन इज प्रोड्यूस इन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन द स्प्लीन, नहीं भैया पेनक्रियाज होना चाहिए था, ठीक है जी, तो पेनक्रियाज आ जाएगा। व्हेन द ब्लड शुगर लेवल फॉल्स, तो ये बात क्या हो गई, गलत, इसका मतलब गलत कौन सा है, ओनली डी, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो गलत है। नेक्स्ट 119, ह्यूमन मेल इजेकुलेट 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग कोइटस, एक बार इजेकुलेशन होगा तो कितने स्पर्म रिलीज आउट होंगे, स्खलन कितना होगा वीर्य का, एक बार के वीर्य में 200 से 300 मिलियन हो जाएगा। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी हाउ मेनी स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, एनसीईआरटी की लाइन है, 60% मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड आउट ऑफ विच, और इसमें से 40% कैसे होने चाहिए, वाइग्रस मोर्टेलिटी वाले होने चाहिए, जिनकी मोर्टेलिटी क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है जी, आंसर कौन सा चला जाएगा, 60%। नेक्स्ट 120, चार डायग्राम दिखा रखे हैं, कॉलम सेकंड में इंफॉर्मेशन दे रखी है, मैच करना है अपने को, अपने को पता है सेकेंडरी ओसाइट का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और ये कहाँ होता है, एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब में होता है, इसका मतलब ए का फोर आना चाहिए। ये एक मोरूला स्टेज है, सॉलिड मलबरी बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, तो मलबरी लाइक स्टेज मोरूला हो गया, तो बी हो जाएगा थर्ड। अगली बात, एक बार क्लीवेज हुआ तो दो टू सेल्ड स्टेज बनी, यहाँ पर चार सेल्ड स्टेज दिखाई दे रही है, इसका मतलब दो बार डिवीजन हुआ है, और स्टेज आफ्टर सेकंड क्लीवेज डिवीजन, तो सी का हो जाएगा सेकंड। और ये वाली वो स्टेज है जब इम्प्लांटेशन होता है, इसका मतलब ये वो स्टेज है जो सेवंथ डे कॉन्सेप्शन, जब फर्टिलाइजेशन हुआ था उसके सातवें दिन इम्प्लांटेशन जो होगा यूट्रस में, उस स्टेज को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये फर्स्ट आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया अपना, ए बी सी डी का 4, 3, 2, 1।
यहां पर देख लें, एबीसीडी सीक्वेंस में है। अब 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर सेकंड चला जाएगा। ओके नेक्स्ट 1-2-1 सेलेक्ट इनकरेक्ट, गलत को बताना है। एलएच ट्रिगर ओवुलेशन इन द ओवरी, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जस्ट बिफोर ओवुलेशन 14th डे के ठीक पहले 13th डे को एलएच का अमाउंट अचानक बॉडी में बढ़ता है, जिसे एलएच सर्ज के नाम से जाना जाता है, और वो एलएच ही क्या करवाता है, ओवुलेशन करवाता है, मैच्योर ग्राफियन फोलिकल को रप्चर करवाने का काम करता है। इनकरेक्ट देखना है, इसका मतलब पहला तो इनकरेक्ट नहीं है, सही है। एलएच एंड एफएचएच डिक्रीजेज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फोलिकुलर फेज, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी स्टार्टिंग के 3-5 डेज क्या कहलाता है, ब्लीडिंग फेज कहलाता है। उसके बाद प्रोलीफरेटिव या फोलिकुलर फेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, जो डे 6 से लेकर 14th डे तक की जो स्टेज है वो फोलिकुलर स्टेज या प्रोलीफरेटिव स्टेज कहलाती है। तो इसमें एलएच और एफएसएच डिक्रीजेज नहीं, इंक्रीजेज है, एनसीईआरटी की लाइन है, इंक्रीजेज ग्रेजुअली। इनकरेक्ट पूछ रहा है तो इनकरेक्ट तो ये हो गया, फिर भी बाकी के भी देखें। एलएच ट्रिगर्स सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम द लेडिंग सेल, मेल में अगर बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान, तो पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाला एलएच जो है वो लेडिंग सेल के ऊपर एक्ट करेगा और क्या सिक्रीट करवाएगा, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन वहां से करवाता है, और ये टेस्टोस्टेरोन फिर एक्ट करता है कहां पर, ये सर्टोली सेल्स के ऊपर, और स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं। उसके अलावा चौथा देखें, एफएसएच स्टिमुलेट सर्टोली सेल विच हेल्प इन द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो एक एफएसएच हो गया और एक एलएच हो गया, पिट्यूटरी से आए हैं। एफएसएच तो एक्ट करेगा किस पे, सर्टोली सेल के ऊपर, और ये एक्ट करेगा किसके ऊपर, लेडिग सेल के ऊपर, ये क्या करवाएगा, टेस्टोस्टेरोन करवाएगा, और ये टेस्टोस्टेरोन ये भी सर्टोली सेल के ऊपर, एफएसएच तो एक्ट कर रहा है, कर ही रहा है, ये टेस्टोस्टेरोन भी एक्ट करेगा और क्या करवाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। ये भी सही हो गया, ये भी सही है, इनकरेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 1-2-2 वही कॉलम, दो कॉलम दिए, मैच करना है आपको। पिल्स की अगर बात करें तो पिल्स में हार्मोनल कॉम्बिनेशन होता है, और पिल्स जब ली जाएगी तो उस दौरान बॉडी का एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो कॉम्बिनेशन है, जो लेवल है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसका मतलब क्या करवाएगा ये, कि पिल्स प्रिवेंट करती है किसको, ओवुलेशन को, बी हो गया। कॉन्डोम, मेल पेनिस, मेल कॉन्डोम की बात हो रही है यहाँ पर, और पेनिस के ऊपर वियर किया जाता है, इसको पहना जाता है, और ये जो इजेकुलेशन होगा, जो सेमन बाहर निकलेगा, उसको कॉन्टेक्ट में नहीं आने देगा सर्विक्स रीजन के। इसका मतलब कॉन्डोम का क्या चला जाएगा, प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम रीचिंग सर्विक्स, तो सी चला जाएगा। वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी फेलोपियन ट्यूब को कट डाउन कर देना, वैसेक्टोमी वास डिफरेंस को कट डाउन कर देना, और वास डिफरेंस अगर कट डाउन हो जाएगी तो स्पर्म नहीं पहुंच पाएंगे कहां पे, सेमन में। जो सेमन है उसका 99% के लगभग पार्ट अकेला कौन बनाता है, वो जो एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड थी, सेमिनल वेसिकल थी, प्रोस्टेट ग्लैंड थी, तो इनके सिक्रीशन के द्वारा बनता है। तो सेमन तो बनेगा वैसेक्टोमी में, लेकिन उस सेमन में क्या नहीं होगा, स्पर्म नहीं होंगे। इसका मतलब सेमन कंटेन नो स्पर्म, वैसेक्टोमी डी चला जाएगा। कॉपर्टी, जो कि एक्सपर्ट डॉक्टर की हेल्प से यूटेराइन कैविटी में लगाई जाती है, कॉपर आयन कंटिन्यूसली रिलीज होते रहते हैं, और ये कॉपर आयन क्या करते हैं, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करते हैं और अनसुटेबल बनाते हैं यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए। इसका मतलब कॉपर्टी का ए चला जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पहले तो ये देख लें, सेम सीक्वेंस है क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब में यही दी गई है। इसके बाद है बी सी डी ए, तो बी सी डी ए ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा, और कहीं भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है। नेक्स्ट 1-2-3 निम्नलिखित में से द्विसंकर क्रॉस के लिए सही है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक क्वेश्चन दिया है आपको, ठीक है जी, और उसमें कॉम्बिनेशन पूछ लिया है, जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन। उसके लिए पहले भी आपको एक ट्रिक बताई गई है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो 9-3-3-1 आता है, ठीक है जी, और ये जो 9-3-3-1 आ रही हैं, इसके लिए मैंने एक बात बताई थी, ये तो क्या था, राउंड एंड येल्लो, हाँ या ना, ये कैसा था, राउंड एंड ग्रीन कहलाया था, ये कैसा था, रिंकल्ड एंड येल्लो कहलाया था, ये कैसा था, रिंकल्ड एंड ग्रीन बन गया था। बोलो जी, ये जो 9 है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन जीनोटाइप के लिए रेशियो क्या याद रखना था, 1-2-2-4 तो जो 9 जीनोटाइप हैं उसके 4 प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे, और जो 3 फिनोटाइप हैं उसके 2 प्रकार के, 1-2, और ऐसे ही ये जो 3 फिनोटाइप हैं इसके भी 2 प्रकार के जीनो, 1-2 और यहाँ पर 1, तो 122,
412, 121, ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। ये जो चार जीनोटाइप बन रहे हैं उनका फिनोटाइप ये रहेगा राउंड और येलो। इसमें सबसे प्योरेस्ट फॉर्म, तो राउंड येलो की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म RRYY ये बनता है। उसके बाद पहले में कोई चेंज नहीं, दूसरे में चेंज करवाना है, तो दो ऐसे बनेंगे जिसमें पहले में तो कोई चेंज नहीं है, होमोजाइगस कैपिटल R आएगा, और यहाँ पर एक चेंज हो जाएगा, स्मॉल वाई आ जाएगा, लेकिन ये क्या रहेगा, येल्लो ही तो कहलाएगा क्योंकि ये डोमिनेंट है वाई। इसके बाद पहली पोजीशन में चेंज, दूसरे पर कोई चेंज नहीं, पहली पोजीशन में चेंज कैपिटल R स्मॉल R, दूसरी में कोई चेंज नहीं, वाई वाई आ जाएगा। और अगला जो चार इंडिविजुअल बनेंगे, चार जीनोटाइप बनेंगे, उसमें दोनों ही जगह चेंज आएगा, कैपिटल R स्मॉल R, कैपिटल Y स्मॉल Y, ये वाला बन जाएगा। तो नो फिनोटाइप के ये चार प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं। ऐसे ही ये जो फिनोटाइप है तीन, इसमें दो कॉम्बिनेशन बनेंगे। सबसे पहले प्योरेस्ट फॉर्म, ये क्या है, राउंड और क्या कहलाया, ग्रीन कहलाया। तो राउंड ग्रीन की प्योरेस्ट फॉर्म आर आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब एक ही चेंज हो सकता है, अगर यहाँ कैपिटल वाई आ जाएगा तो फिर ये येलो बन जाएगा, तो फिर फिनोटाइप चेंज हो जाएगा, तो यहाँ तो चेंज नहीं कर सकते। चेंज यहाँ पॉसिबल है, इसका मतलब कैपिटल आर के साथ क्या आ जाए, स्मॉल आर आ जाए, और दो कैपिटल वाई वो स्मॉल वाई, तो दो इंडिविजुअल ऐसे बन जाएंगे। बोलो जी। ठीक इसी प्रकार यहाँ बन जाएगा प्योरेस्ट फॉर्म, ये कैसा है, रिंकल्ड और येलो। रिंकल्ड और येलो की प्योरेस्ट फॉर्म ये वाली बन जाएगी। एक चेंज पॉसिबल है, वाई में चेंज आएगा तो क्या बन जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दो इंडिविजुअल, और ये रिसेसिव बनता ही है आर आर वाई वाई। ठीक है जी। अब अपने को देखना है कि डाई हाइब्रिड के लिए कौन सा ठीक है। एक पी पी क्यू क्यू बनता है, बिल्कुल पी पी क्यू क्यू, ये हो गया। दो कैपिटल पी स्मॉल पी क्यू क्यू, तो पहले में चेंज करवाया है, दूसरे में कोई चेंज नहीं, तो दो इंडिविजुअल ऐसे बन रहे हैं, बिल्कुल ये दो इंडिविजुअल ऐसे बन गए, ये भी सही है। इसके बाद दो इंडिविजुअल ऐसे बन रहे हैं जिसमें पहला रिसेसिव दूसरा हेटरोजाइगस, पहला रिसेसिव और दूसरा हेटरोजाइगस, बिल्कुल दो इंडिविजुअल ऐसे बन रहे हैं जो पहले आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये वाला भी ठीक हो गया। चार इंडिविजुअल ऐसे हैं जो दोनों ही हेटरोजाइगस हैं, चार इंडिविजुअल ऐसे हैं जो दोनों ही हेटरोजाइगस हैं, इसका मतलब आंसर कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट ही चला जाएगा। बाकी को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कहाँ गड़बड़ कर रखी है, ये गड़बड़ कर रखी है यहाँ पर। ठीक है जी। इसके बाद बात करें तो क्या हो जाएगा, थ्री पी पी क्यू क्यू, ऐसा तो क्या बन रहा था, एक ही बन रहा था, ये भी गलत हो गया। और ऐसे यहाँ बात करें, ये हेटरोजाइगस यहाँ बोल रहा है, गलत हो गया, फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट 124, मैरिज बिटवीन नॉर्मल विजेंड, कौन है नॉर्मल विजन वाला, मैन है, इसका मतलब एक्स वाई है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। कलर ब्लाइंड वुमेन के साथ मैरी होती है तो कलर ब्लाइंड वुमेन, तो ये वाली बनेगी। ठीक है जी। अब बेटियों की अगर बात करें तो ये वाला एक्स इन दोनों के साथ जाएगा, एक कॉम्बिनेशन तो एक्स एक्स सी ये बनेगा, दूसरा कॉम्बिनेशन एक्स एक्स सी ये बनेगा। इसका मतलब जितनी भी डॉटर बनेंगी सारी कैसी होंगी, कलर ब्लाइंड की कैरियर कहलाएंगी, अफेक्टेड नहीं है। और जितने भी बेटे बनेंगे, ये वाई इन दोनों के साथ जाएगा, तो वाई इसके साथ गया एक्स सी वाई, और ये वाई इसके साथ गया एक्स सी वाई, तो सारे बेटे कलर ब्लाइंड होंगे, सारी बेटियां कलर ब्लाइंड कैरियर कहलाएंगी। इसका मतलब कलर ब्लाइंड सन एंड कैरियर डॉटर, ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। नॉर्मल मेल, गलत बात, 50% कलर ब्लाइंड सन नहीं, 100% कलर ब्लाइंड सन है। अगर यहाँ पर दे देता 50% प्रोजेनी आर कलर ब्लाइंड एंड 50% प्रोजेनी आर कैरियर, तो फिर ये ऑप्शन भी ठीक हो जाता, लेकिन यहाँ सन और डॉटर की बात कर रहा है। कलर ब्लाइंड सन एंड 50% कैरियर डॉटर, ना सारी की सारी डॉटर ही कैसी होती हैं, कैरियर कहलाती हैं। नेक्स्ट 125, जीन कंट्रोलिंग 7p करेक्टर स्टडीड बाई मेंडल, मेंडल ने जो करेक्टर्स स्टडी किए थे उनको कंट्रोल करने वाली जो जीन थी वो चार क्रोमोजोम के ऊपर पाई जा रही थी, 1, 4, 5, 7, पहला चौथा पांचवा और सातवां। ठीक है जी। इसके ऊपर दो जीन थी, इसके ऊपर एक जीन, इसके ऊपर एक जीन, और इसके ऊपर तीन जीन, तो दो जीन इस पे थी, तीन जीन इस पे थी, एक इस पे थी, एक इस पे थी, तीन और दो पाँच छः सात, वो सात सात करेक्टर की वो बात कर रहे हैं। इसका मतलब कितने क्रोमोजोम के ऊपर पाए जा रहे थे, 4 क्रोमोजोम के ऊपर, और कौन कौन से हैं, 1, 4, 5, 7, याद रखना है। नेक्स्ट 126, ड्रोसोफिला वाज यूज्ड एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, ड्रोसोफिला को एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में काम में लिया गया। ठीक है जी। बिकॉज इट कैन नॉट बी रियर्ड और ब्रेड अंडर द लैब कंडीशन, कैन नॉट नहीं, ये इजिली रियर्ड किया जा सकता है, इसको आसानी से पाला जा सकता है लेबोरेटरी कंडीशन में, तो पहला वाला तो इसलिए गलत हो गया। सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस वेरी फ्यू, वेरी फ्यू नहीं, हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकता है, तो ये इसलिए गलत हो गया।
इट हैज हाई नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर क्रोमोजोम, ना हाई नंबर नहीं है, याद करो 2n बराबर कितना 80 कहलाया था यहाँ पर, तो यह बात भी गलत हो गया, हाई नंबर नहीं है, कम होता है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर क्रोमोजोम, इसीलिए इजीली स्टडी कहलाता है। इट हैज शॉर्टर लाइफ स्पान, बिल्कुल छोटा जीवन काल होता है, इसलिए इसको एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में चुना गया था, क्योंकि रिजल्ट आने में फिर ज्यादा वेट अपने को नहीं करना पड़ेगा, छोटा लाइफ स्पान होता है तो जल्दी रिजल्ट ऑब्टेन हो जाते हैं अपने को। मटर के पौधे में भी मेंडल ने ऐसा ही किया था, ठीक है जी, उसका भी शॉर्टर लाइफ स्पान था, इसलिए एक बेनिफिट था उसको चुने जाने का। नेक्स्ट 127, इन विच डिजीज फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड इज नॉट कन्वर्टेड इंटू टायरोसिन अमीनो एसिड, कौन सा है? फिनाइल कीटोन्यूरिया, एनसीईआरटी की लाइन है, याद करना है भैया, कुछ नहीं है। थैलेसीमिया में डिफेक्टिव फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है जी, वन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन जो है उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता, या अल्फा भी हो सकती है उसमें भी डिफेक्ट आ सकता है, इसलिए ये क्या कहलाया था? क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम कहलाती है, ठीक है जी। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी सिकल शेप्ड हो जाती है, कलर ब्लाइंडनेस का कोई रिलेशन यहाँ पर है नहीं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कौन सा बन गया? फिनाइल कीटोन्यूरिया। नेक्स्ट 128, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर बिफोर ओरिजिन ऑफ लाइफ फॉर इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जीवन की उत्पत्ति से पहले वातावरण में उपस्थित कार्बनिक यौगिकों के उद्विकास के लिए उपस्थित पदार्थों का सही समूह देखें, तो स्टेनले मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस स्टेनले मिलर एक्सपेरिमेंट में जो जो सब्सटेंस थे वही कहाँ पे प्रेजेंट थे? वो जीवन की उत्पत्ति से पहले के वातावरण में पाए जा रहे थे। इसका मतलब NH3 भी था, CH4 भी था, H2 भी था, और खास बात वाटर था तो सही, लेकिन वो वेपर की फॉर्म में था, ठीक है जी। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला है तो इसको वेपर ही मानना है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा चला जाएगा? H2O चला जाएगा। बाकी में देखो, फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन बता रहा है, ओजोन बता रहा है, ये तो थे ही नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, ये गलत हो गया, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है वो CH2 बता रहा है, ये भी गलत हो गया, मेथेन CH4 कंडीशन पाई जाती है, ठीक है जी। और CO2 के कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, तो CO2 भी नहीं थी यहाँ पर। नेक्स्ट 129, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इवॉल्व फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व नहीं हुआ है, तो याद करो एक इवोल्यूशनरी चार्ट NCERT में दिखा रखा है आपको, सोरोप्सिड और साइनेप्सिड दो बता रखे हैं, ठीक है जी। यहाँ पर जो है सोरोप्सिड बता रखा है, और यहीं से ही ये इसका कॉमन ओरिजिन कहलाएगा, यहाँ से साइनेप्सिड, इस साइनेप्सिड से आगे कौन बनता है? पेलिकोसोर्स, और इनसे फिर कौन बनते हैं? मैमल्स बनते हैं, ठीक है जी। इसका मतलब पेलिकोसोर्स का ओरिजिन कहां से है? पेलिकोसोर्स किससे बना है? साइनेप्सिड से बना है, तो फिर सोरोप्सिड से कौन बना है? याद करो सोरोप्सिड से एक तरफ तो बन गए क्रोकोडाइल, ठीक है जी, और क्या बन गई यहां पर बीच में? डायनासोर की बात आ जाती है, डायनासोर्स जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और इसके अलावा एक ब्रांच के रूप में यहाँ पर और भी बताया गया है, क्या? बर्ड्स भी बनती हैं। इसका मतलब डायनासोर, बर्ड्स और क्रोकोडाइल ये कहाँ से ओरिजिनेट हैं? सोरोप्सिड से ओरिजिनेट हैं, इनका कॉमन एंसेस्टर है, लेकिन इसका एंसेस्टर कौन सा है? साइनेप्सिड कहलाएगा, पेलिकोसोर्स का आंसर कौन सा चला जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट 130, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट बताना है अपने को। होमो इरेक्टस लिव्ड इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया एंड यूज द एनिमल हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, यहां पर नियंडरथल आना चाहिए, ठीक है जी, नियंडरथल मानव आ जाएगा, तो ये बात हो गई गलत, ठीक है, अपने को इनकरेक्ट देखना है। इसका मतलब आंसर में ए तो आएगा ही आएगा, ए आएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है। एग्रीकल्चर केम अराउंड 18,000 ईयर बैक, 10,000 ईयर बैक, NCERT की लाइन है, 10,000 ईयर बैक, 18,000 साल पहले NCERT ने बात तो की है, लेकिन वहां पर क्या था? जो गुफाएं थी उसके ऊपर चित्रकारी की बात की है, केव आर्ट की बात की गई 18,000 साल पहले, ठीक है जी, तो ये बात भी गलत होगी। ह्यूमन स्कल रिजेंबल मोर विद, तीन डायग्राम आपको दिखा रखे हैं, अडल्ट चिंपैंजी का है, बेबी चिंपैंजी का है, और ह्यूमन की स्कल का है, तो ह्यूमन की जो स्कल है वो किससे ज्यादा मैच करती है? जो बेबी चिंपांजी है उससे मैच करती है, तो ये बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। इसका मतलब अपने को इनकरेक्ट देखना है, तो ए और बी दोनों ही इनकरेक्ट हैं, लेकिन सी जो है वो क्या होता है? करेक्ट है, ठीक है, आंसर वन चला जाएगा। 131, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए वे ऑफ एस्केरिस इन्फेक्शन,
एस्केरियासिस डिजीज बता रखी है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपको, ठीक है जी। और ऐसा किसके कारण होता है? इंजेशन ऑफ कॉन्टामिनेटेड फ्रूट्स, जो संदूषित फल होते हैं उनके द्वारा फैल सकता है। इंजेशन ऑफ वेजिटेबल कुक्ड इन कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड वाटर से फैलता है, और जो वेजिटेबल से हैं कंटामिनेटेड उनसे भी फैलता है, लेकिन उन वेजिटेबल को कुक कर लिया है और पकाए जाने पर जो वेक्टर है इसका, जो एजेंट है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका मतलब कुक्ड आ जाने के कारण ये बात क्या हो गई? गलत हो गई। पकाए हुए से फिर नहीं फैलता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर पर एजेंट इसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इन्फेक्टेड सोइल से भी फैल सकता है बच्चों में, और ड्रिंकिंग ऑफ कंटामिनेटेड वाटर इससे भी फैल सकता है। किससे नहीं फैल सकता? पकी हुई जो भोजन होगा, पका हुआ भोजन, उससे नहीं फैलेगा। संक्रमित जल तो है, लेकिन उसमें पकी हुई सब्जियों को निगलने से, ठीक है जी, तो उसमें हाई टेम्परेचर पे पका लिया गया है, इसलिए ये नहीं फैलेगा वहां पर। 132, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टर ऑफ प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, जब कोई भी फॉरेन एंटीजन पहली बार बॉडी में प्रवेश किया है तो वो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स कहलाता है। बॉडी उसको धीरे धीरे आइडेंटिफाई करती है, कुछ एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस होती है, और जब ये अगली बार आएगा, जब सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स होगा, तो अपना इम्यून सिस्टम जल्दी से इसको पहचान लेगा, मैसिव एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा एक साथ, और जल्दी उसको डिस्ट्रॉय करेगा, वो क्विक कहलाएगा सेकेंड वाला, और प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स स्लो होता है। तो प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन, ये बात तो सही है अपने को, इज नॉट द करेक्टर, कौन सा रिलेटेड नहीं है प्राइमरी से वो बताना है। स्लो इंटेंसिटी का होता है, बिल्कुल ठीक बात है, सेकेंडरी वाला क्विक कहलाता है। इट कैन नॉट प्रिवेंट एंटीजन अफेक्टिवली, जब सेकेंड बार आएगा तो अफेक्टिवली प्रिवेंट करेगा बॉडी को, लेकिन पहली बार अफेक्टिवली प्रिवेंट नहीं करता, ये बात भी सही है। और वेरी फास्ट इन एक्शन नहीं, स्लो इन एक्शन कहलाता है, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा, इससे रिलेटेड नहीं है, वेरी फास्ट इन एक्शन सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है जी। तो तीव्रता से कार्य नहीं करता, ये क्या करता है? धीमे कार्य करता है। नेक्स्ट 133, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग का पर्पज नहीं है, ठीक है जी। तो इन ब्रीडिंग जो है वो प्योर लाइन ऑफ एनिमल, इन ब्रीडिंग का मतलब है कि रिलेटेड ब्रीड में ही क्या करवा दिया जाता है, 4 to 6 जनरेशन तक है, उसके एंसेस्टर सेम होने चाहिए। तो इन ब्रीडिंग में क्या हो जाएगा, डेवलप प्योर लाइन ऑफ एनिमल्स, बिल्कुल प्योर लाइन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक्सपोज हार्मफुल रिसेसिव जीन, एनसीईआरटी की लाइन है, कोई भी हार्मफुल रिसेसिव जीन होगी तो लगातार इन ब्रीडिंग के रिजल्टेंट वो एक्सपोज हो जाएगी और उसे फिर एलिमिनेट आउट कर दिया जाता है, ठीक है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा। टू ऑब्टेन इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन प्राप्त करना, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है उसकी प्रोडक्टिविटी घट जाना। तो ये इसका जो है वो पर्पज नहीं है, ये तो लगातार इन ब्रीडिंग से एक रिजल्ट जरूर बनता है, लेकिन ये पर्पज नहीं है, इस उद्देश्य से नहीं करवाई जाती है। इसका मतलब कौन सा नहीं है? नॉट ए पर्पज। तीसरा, इसका पर्पज नहीं है, ये तो अपने आप पैदा हो जाती है, अंतः प्रजनन अवसाद पैदा हो जाता है। टू ऑप्टेन सुपीरियर मेल एंड फीमेल, उसके लिए भी इनब्रीडिंग करवाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका पर्पज नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट 134, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टिश्यू ट्रांसप्लांट। जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किए जाते हैं, टिश्यू ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, उनसे रिगार्डिंग जो है अपने को स्टेटमेंट्स देखने हैं और फिर आंसर देखें, करेक्ट अपने को बताना है। ए ट्रांसप्लांट मे बी टेकन फ्रॉम एनी बॉडी विदाउट एनी प्रिकॉशन। नहीं भैया, प्रिकॉशन रखनी पड़ती है, ब्लड ग्रुप मैचिंग करवाई जाती है, ठीक है, HLA मैचिंग करवाई जाती है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन मैचिंग करवाई जाती है, तो ये बात गलत हो गई, ठीक है जी। इसका मतलब आंसर में ए तो नहीं आएगा, ए करेक्ट है, ये बात गलत है, ठीक है जी। अगली बात है, टिश्यू मैचिंग एंड ब्लड ग्रुप मैचिंग इज असेंशियल। बिल्कुल ये मैचिंग करवाई जाती है, उत्तक मिलान और रक्त समूह मिलान को आवश्यकता प्रदान की जाती है। साइक्लोस्पोरिन लाइक मेडिसिन आर कंटिन्यूअसली टेकन बाय डोनर टू इनिबिट द इम्यून रेस्पॉन्स। इम्यून रेस्पॉन्स को इनिबिट करने के लिए साइक्लोस्पोरिन, और ये साइक्लोस्पोरिन एनसीईआरटी ने वैसे बोला नहीं है, एनसीईआरटी ने इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग बोला है, तो साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग कहलाती है, वहां पर उसका नाम भी लिख लेना आप, ठीक है जी। तो जो इंडिविजुअल रिसीव कर रहा है ऑर्गन को, उसको लेनी होती है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, लेकिन यहाँ पर इन्होंने डोनर दे दिया है, डोनर की वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया भैया, ठीक है जी। तो अपने को क्या देखना है इसमें, करेक्ट, करेक्ट कौन सा है? केवल बी करेक्ट है, ओनली बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। ओके 135,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए जीनोम, ये एड्स जो पैराग्राफ आपका दिया गया है, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, वहां से उसके सीक्वेंस ली गई है, इस सीक्वेंस को अपने को अरेंज करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहला काम तो क्या होता है कि सबसे पहला काम होता है एंट्री ऑफ वायरल जीनोम इन मैक्रोफेज, मैक्रोफेज में एंट्री होगी, इसका मतलब सेकंड सबसे पहले आएगा, ठीक है जी। अब एंट्री होने के बाद क्या करेगा ये, रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए जीनोम टू फॉर्म दी वायरल डीएनए ये बनाता है, बिल्कुल एंट्री करने के बाद में रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए जीनोम का ही रेप्लिकेशन होगा, और जो मैक्रोफेज है उसमें क्या बनेगी, मैक्रोफेज में एंट्री होगी, अब मैक्रोफेज में वायरल डीएनए बन जाए, तो सेकंड के बाद फर्स्ट आएगा। अब क्या होगा, दो चीजें बची हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वायरस इन मैक्रोफेज हो जाएगा और वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेटेड विद होस्ट डीएनए, तो ये पहला काम होगा, वायरल डीएनए जो है होस्ट डीएनए के अंदर पहुंचेगा फर्स्ट के बाद में, थर्ड आएगा और लास्ट में क्या करेगा, ये वायरल डीएनए होस्ट डीएनए में जाकर अब मल्टीप्लीकेशन करेगा वायरस का, किसके अंदर, मैक्रोफेज के अंदर, तो ये फोर्थ हो जाएगा। तो आंसर अपना चला जाएगा 2, 1, 3, 4, और 2, 1, 3, 4 आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ओके। तो ये अपना सेक्शन ए यहाँ पर कंप्लीट होता है। हाँ जी, देखें आप सेक्शन बी 136 से चालू होगा, इसमें से कोई 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, लेकिन अपने को तो सोल्व तो सारे ही करने हैं। व्हाट इज द कॉमन बिटवीन व्हेल, एलिफेंट, टाइगर एंड हॉर्स, ठीक है, तो व्हेल, एलिफेंट, टाइगर, हॉर्स, इनमें कॉमन क्या है, वेल डेवलप्ड ईयर पिन्ना, तो व्हेल में ईयर पिन्ना नहीं होती है, तो इसका एक्सेप्शन बन जाएगा व्हेल। बॉडी कवर्ड विद हेयर, व्हेल में हेयर नहीं पाए जाते हैं। नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री, सब में जो है सर्वाइकल वर्टिब्री 7 ही पाई जाती हैं, तो ये सही हो जाएगा, तीनों में ही, चारों में ही कॉमन हो गया। गेस्टेशन पीरियड अलग अलग एनिमल का, गर्भावस्था का जो काल होता है, गर्भकाल जो होता है, वो भी अलग अलग होता है, सेम नहीं होता, आंसर 3 चला जाएगा। नेक्स्ट, एनसीईआरटी के 3 डायग्राम दिखा रखे हैं, हिपोकैम्पस हो गया, ये अपनी रोहू मछली लेबियो रोहू बता रखी है, ये सेलामेंडर बता रखा है, ठीक है जी, ये एम्फीबिया में आ गया, ये दोनों जो हैं ये बोनी फिशेज होगी, ओस्टिक्टीज कहला गई, ठीक है जी। अब एबीसी दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, अपने को बताना है, सोज एनिमल दैट रेगुलेट बायोनसी, जो बायोनसी को रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी, और ये बायोनसी मतलब उत्प्लावन, तो इनको तैरने की लगातार आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी, कंटिन्यूअस स्विमिंग की आवश्यकता नहीं है, जबकि कॉन्ट्रिक्थीज को लगातार तैरना होता है, क्योंकि उनमें एयर ब्लेडर नहीं पाया जाता है। एयर ब्लेडर किस में पाया जाता है, ओस्टिक्थीज में प्रेजेंट होता है, तो ओस्टिक्थीज कौन कौन सा है, ये भी ओस्टिक्थीज है, ये भी ओस्टिक्थीज है, ये एम्फीबिया हो गया, तो ए एंड बी आंसर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 138, स्टमक मैच करना है अपने को, शेप कैसी होती है, जे शेप कहलाती है, ए का 3 आ जाएगा। ड्यूडेनम कैसा होता है, सी शेप्ड का कहलाता है, ये 1 हो जाएगा। विलाई जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहलाती हैं। रगी जो है वो इरेगुलर फोल्ड ऑफ स्टमक कहलाते हैं। जो आमाशय है उसके अनियमित वलन क्या कहलाते हैं, रगी या रुज कहलाते हैं, तो इसका हो जाएगा नंबर 5। तो ABCD सीक्वेंस ही दिया है पहले, तो ये चेक कर लें, और उसके बाद 3, 1, 4, 5 देखें, 3, 1, 4, 5 ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 139 कैसे आ गया इतना जल्दी, हाँ बिल्कुल आ गया, तो 139 जी, मैक्सिमम वेंट्रिकुलर फीलिंग अकर्स व्हेन, हर्ट के 4 चैम्बर बताए गए थे भैया, ठीक है, और इस हर्ट के 4 चैम्बर की अगर बात करें तो अपने को पता है सबसे ज़्यादा वेंट्रिकल्स में ब्लड कब आएगा, जब ये भी रिलैक्स स्टेट में है और ये भी रिलैक्स स्टेट में है, ठीक है। वेंट्रिकल्स में जितना ब्लड आना होता है वो 100% फिलिंग अपन बोलते हैं, अब इसमें से 70% वेंट्रिकल्स कब फिल कर जाएंगे, जब ये रिलैक्स कंडीशन में है, और ये जो है ये रिलैक्स्ड कंडीशन को ही रिप्रेजेंट करेंगे, जो कस्पिड वॉल्व है यहाँ के वो ओपन हो जाएंगे, रैपिड इनफ्लो की स्टेज आएगी, और रैपिड इनफ्लो की जो स्टेज है वो 70% भरती है वेंट्रिकल्स को, रैपिड इनफ्लो, ठीक है जी। एनसीईआरटी में साफ दिया गया है रैपिड इनफ्लो जो है वो रिलैक्स स्टेट में एट्रिया भी है, रिलैक्स स्टेट में वेंट्रिकल्स भी है, 70% फिलिंग करवाते हैं, और बाकी का जो 30% वेंट्रिकल्स की फिलिंग है वो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, ठीक है। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन 30% बढ़ता है इसको, और एट्रियल रिलैक्सेशन
इसको 70% भरता है। उस एट्रियल रिलैक्सेशन के दौरान वेंट्रिकल्स ऑलरेडी रिलैक्स स्टेट में रहते हैं, तो वेंट्रिकल जो और एट्रिया दोनों ही क्या रहेंगे, रिलैक्स्ड। ऑप्शन नंबर 3, 140। ए सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज फॉर्म्ड बाई कैपिलरीज एंड एंड्स विद कैपिलरी। कैपिलरी से चालू होता है, कैपिलरी में एंड होता है, ऐसा सिस्टम तो पोर्टल सिस्टम कहलाता है। लेकिन यहाँ इसने सर्कुलेटरी सिस्टम दे दिया, अब इसका मतलब पहला ऑप्शन रीनल, तो इसका मतलब क्या होना है, रीनल सर्कुलेटरी सिस्टम, किडनी को ब्लड सप्लाई करने वाला सर्कुलेटरी सिस्टम, वो तो सिंपल ब्लड सर्कुलेशन हो गया, लेकिन रीनल पोर्टल सिस्टम वो अलग होता है, वो फिर कैपिलरी बन जाता है। पोर्टल नहीं लगाया, आंसर नहीं है, पोर्टल नहीं लगाया, नहीं है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात होनी नहीं है, तो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम ऐसा होता है जो कैपिलरी से चालू होता है, कैपिलरी में एंड हो जाता है, निवाहिका तंत्र बोलते हैं साहब इसको। नेक्स्ट 141, फॉल्स बताना है गलत कौन सा है। एक हेल्दी इंडिविजुअल की GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो 180 लीटर पर डे कहलाती है, बिल्कुल सही है, NCERT की लाइन है। 99% फिल्ट्रेट जो है वो रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है, पुनः अवशोषित हो जाता है 99% जो है, ये बात भी क्या हो गई, सही हो गई। सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+ और K+ आयन, इनका तो सेलेक्टिव सिक्रीशन किया जाता है, और किस लिए, मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूड, pH मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जाता है। और ये जो है ये कहाँ कहाँ होता है, PCT, DCT और कलेक्टिंग डक्ट, तीनों जगह ये प्रोग्राम होता है। NCERT ने PCT में भी बात की है pH बैलेंस की, और DCT में भी की है, कलेक्टिंग डक्ट में भी की है, तो ये बात भी क्या होगी, सही होगी अपनी, अपने को तो फॉल्स देखना है। इन यूरिन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडी, या इसको कीटोन्यूरिया कंडीशन भी कहते हैं, आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस नहीं, मेलाइटस होना चाहिए, मेलाइटस हो जाएगा तो गलत कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4, आंसर भी 4 ही चला जाएगा, ठीक है जी। डायबिटीज इंसिपिडस तो ADH डेफिशिएंसी के कारण, ठीक है जी, और ADH कहाँ से सिक्रेट हो रहा था, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन। नेक्स्ट 142, ये आपको सिनेप्टिक ट्रांसमिशन यहाँ पर दिखाया गया है, और इसको देखने से साफ पता लग रहा है ये क्या रहे होंगे, सी या तो हो सकता है सिनेप्टिक वेसिकल रहे हो, या उसमें भरा हुआ न्यूरोट्रांसमीटर, सिनेप्टिक वेसिकल, या इसको न्यूरोट्रांसमीटर भी कह सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जो अंदर भरा हुआ है, ठीक है जी। बी किसको दिखा रहा है, प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच की जगह को, इसका मतलब बी क्या होना चाहिए, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट होना चाहिए। ए जो है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर हो जाएंगे, ए रिसेप्टर कहलाएंगे, और डी क्या हो जाएगा, डी साफ दिखाई दे रहा है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है जी। पहला ऑप्शन कह रहा है ए रिसेप्टर हैं, सही है। सी सिनेप्टिक वेसिकल है, सी सिनेप्टिक वेसिकल है, ये भी सही है, तो आंसर फर्स्ट ही अपना चला जाएगा, फिर भी क्रॉस चेक करें। बी सिनेप्टिक कनेक्शन है, बी सिनेप्टिक कनेक्शन या सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, तो बात सही है ये। अगली बात, डी जो है वो K+ है, K+ नहीं होगा भैया, यहाँ पर कौन से चैनल्स पाए जाते हैं, कैल्शियम के चैनल्स पाए जाते हैं, ये गलत हो गया। ए न्यूरो ट्रांसमीटर है, ए कहाँ गया, न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं है, रिसेप्टर है, गलत हो गया। सी न्यूरो ट्रांसमीटर है, इसका मतलब हो सकता है ये सिनेप्टिक वेसिकल और इसके अंदर भरा हुआ न्यूरोट्रांसमीटर हो, ये तो ठीक है, लेकिन डी को रिसेप्टर बता रखा है, डी रिसेप्टर नहीं है, डी तो क्या है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, आंसर फर्स्ट चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट 143, यहाँ पर पैरासिम्पेथेटिक और सिंपेथेटिक नर्व सिस्टम, इनसे रिलेटेड बॉडी ऑर्गन्स पे एक्शन क्या क्या होगी वो बता रखी है, ठीक है जी। अब बात कर रहे हैं तो इसके लिए एक ट्रिक आप बना लेना, पैरासिम्पेथेटिक, पैसे चालू हो रहा है, पैसे मतलब पैर लगाना मतलब घटाना, तो पैरासिम्पेथेटिक बॉडी के फंक्शन को घटाने का काम करेगा, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड जो भी फंक्शन है उसको पैरासिम्पेथेटिक बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है जी, एक ट्रिक अपनी बन गई। और ये सिंपेथेटिक सैसे चालू हो रहा है, सैसे मतलब सिंपेथेटिक और सैसे मतलब साथ देना मतलब बढ़ाना, तो सिंपेथेटिक बॉडी के फंक्शंस को बढ़ाएगा, लेकिन जो एलिमेंट्री कैनाल है या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो कार्य हैं उनको ये घटाने का काम करेगा, वहाँ उल्टा काम करेगा, ठीक है जी। तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन, एलिमेंट्री कैनाल आ गया, पैरासिम्पेथेटिक को सामान्यतः पैर लगाना चाहिए था, घटाना चाहिए था, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल पे उल्टा काम करता है, इनहिबिट नहीं करेगा ये,
ठीक है जी, गलत हो गया। यूरिनरी ब्लेडर, ये पैर लगाएगा, यूरिनरी ब्लेडर पैर लगाना, पैर लगाना मतलब रिलैक्स करना ना, यूरिनरी ब्लेडर में कॉन्ट्रेक्शन होगा तो यूरिन रिलीज आउट होगा, इसका मतलब है वहां पैर लगाया जा रहा है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन अगर हो गई तो वहां पर साथ थोड़ी दिया बॉडी का, वो इमरजेंसी सिचुएशन में आपको जाना पड़ेगा वहां पर, तो एक ट्रिक अपने बना ली। तो यूरिनरी ब्लेडर को रिलैक्स नहीं कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है पैरासिम्पेथेटिक, ये गलत हो गया। हर्ट, पैरासिम्पेथेटिक पैर लगाता है घटाता है, यहां पर इंक्रीज बोल रहा है, गलत हो गया। पेरिस्टाल्सिस, एलिमेंट्री कैनाल पर जैसा नाम है वैसा काम नहीं करेगा, उल्टा काम करेगा, पैर लगाना चाहिए था लेकिन घटाने की बजाय ये बढ़ाता है, तो पेरिस्टाल्सिस को एक्सीलरेट करता है, बिल्कुल ठीक बात है। ये वाला साथ देने की बजाय घटाता है, डिक्रीज करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक बता दी मैंने, पैसे मतलब पैरासिम्पेथेटिक, पैसे पैर लगाना, बॉडी फंक्शन में पैर लगाएंगे मतलब घटाएंगे उसको, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल पर उल्टा काम करेंगे, पैर नहीं लगाएगा पैरासिम्पेथेटिक, वहां पर साथ देगा बढ़ाएगा। नेक्स्ट 144, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर हैप्लोइड स्ट्रक्चर, ये डिप्लोइड है, स्पर्मेटिड जो है वो हैप्लोइड होते हैं, प्राइमरी ओसाइट डिप्लोइड होती है, स्पर्मेटोगोनिया जो है वो डिप्लोइड होते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो हैप्लोइड होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी हैप्लोइड होता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इन सारी स्ट्रक्चर के बारे में, इनका एक साइक्लिक इवेंट आपको पढ़ा रखा है, डिप्लोइड कौन है हैप्लोइड कौन है, तीन स्ट्रक्चर हैप्लोइड हैं, और अपने से पूछा क्या है कि हैप्लोइड कितनी है, 3, ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। 145, चूज करेक्ट या इनकरेक्ट अपने को बताना है, ठीक है जी। तो ट्रू और फॉल्स, लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इंडिकेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, एनसीईआरटी की लाइन है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर नहीं आती है तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई हो, ठीक है जी। उसी के आगे एनसीईआरटी ने यह भी कहा है, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होने के कारण और दूसरे भी हो सकते हैं, ठीक है जी। वो कौन कौन से हो सकते हैं, पुअर हेल्थ, स्ट्रेस जो है उसके कारण भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो लैक हो सकती है, नहीं आएगी, ये बात भी सही है, ये भी सही है। ड्यूरिंग प्रोलीफ्रेटिव फेज, याद रखो प्रोलीफ्रेटिव फेज किसको बोला था, फोलिकुलर फेज को अपने कहा था, डे 6 से लेकर डे 14 तक कहलाया था, मैच्योर ग्राफियन फोलिकल इज फॉर्म्ड, तो प्रोलीफ्रेटिव फेज के दौरान मैच्योर ग्राफियन फोलिकल बनती है, बिल्कुल सही बात है। इन फोलिकुलर फेज, प्रोलीफ्रेटिव बोल दो या फोलिकुलर बोल दो एक ही बात है, LH एंड FSH सिक्रीशन ग्रेजुअली इंक्रीजेज, बिल्कुल बढ़ता है, और अभी पहले क्वेश्चन आया था उसमें LH FSH को घटा रखा था इसलिए वो गलत हो गया था, ये सही है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज द इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर इंटरवल में हर महीने आ रही है, इसका मतलब जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो इंडिविजुअल की नॉर्मल है, ये बात भी सही है। तो करेक्ट कौन से हो गए, सारे ही करेक्ट हो गए, ABCD और E जो है वो करेक्ट हो गए सारे। 146, यहाँ पर देखिए फिनोटिपिक सेक्स बता रखा है ऑर्गेनिज्म का ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स क्रोमोजोमल कंस्टिट्यूशन, अब ऑर्गेनिज्म बता रखा है और सेक्स क्रोमोजोमल कंस्टिट्यूशन बता रखा है, इसके बेसिस पर अपने को बताना है मेल है या फीमेल है, तो अपने को पता है ड्रोसोफिला में जेनिक बैलेंस थ्योरी लगती है, और जेनिक बैलेंस थ्योरी में क्या आता है, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम अपॉन ऑटोसोम के सेट की अपन बात करते हैं, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम यहाँ पर 1 है, ऑटोसोम 2 है, और 1/2 0.5 क्या आता है, मेल आता है, तो ये तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट तो मेल। ह्यूमन बींग X0 कंडीशन, याद करो टर्नर सिंड्रोम 44 प्लस X0 कंडीशन, यहाँ पर क्या बनती है, ये फीमेल बनती है, ठीक है जी। ड्रोसोफिला में 2A प्लस XXY, X कितने हैं, 2 हैं, ऑटोसोम कितने हैं, 2 हैं, 2/2 एक आता है, एक का मतलब फीमेल बनती है, तो थर्ड वाला फीमेल बन जाएगा। और ह्यूमन बींग में XXY क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल होता है, मेल में पाया जाता है, इसका मतलब मेल कौन हो गया, 1 और 4 तो मेल हो गए, तो मेल में 1 और 4 आना चाहिए, 1 और 4 ऑप्शन नंबर 3, तो फिर फीमेल 2 और 3 2 और 3 आ जाएगा, ठीक है जी, आंसर नंबर 3 चला जाएगा। 147, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इवोल्यूशन, यूनिवर्स ओरिजिनेट अबाउट 20 मिलियन नहीं बिलियन ईयर अगो होना चाहिए था, तो पहला तो गलत हो गया, अपने को तो करेक्ट बताना है। यूनिवर्स इज फॉर्म्ड बाई गैलेक्सी नॉन एज मिल्की वे, एनसीईआरटी की लाइन है, यूनिवर्स इज फॉर्म्ड बाई क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, गैलेक्सियों के गुच्छे से बना होता है, उसमें से अपनी जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे है, तो यूनिवर्स जो है वो एक गैलेक्सी से नहीं बनता है, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी होना चाहिए, गलत हो गया। कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स अर्थ इज इंडीड ए स्पैक, ब्रह्मांड के आकार की तुलना में पृथ्वी एक छोटा सा कण मात्र है, या माचिस की जो तिल्ली होती है उसके आगे जो रोगन लगा हुआ होता है उसके बराबर ही होती है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, सही है। बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन अस द ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, ना बिग बैंग यूनिवर्स के ओरिजिन को बताता है,
इसका मतलब ये बात क्या होगी, यहाँ पर यूनिवर्स होना चाहिए था, ये गलत होगी। आपने इसे करेक्ट पूछा है तो केवल सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 148, एक ग्राफ बता रखा है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन भी है ऐसा ही, ठीक है जी। और पॉपुलेशन डिटर्मिनेशन यहाँ पर देखना है अपने को, फॉलोइंग ग्राफ शोज दी रेंज ऑफ वेरिएशन अमंग दी पॉपुलेशन मेंबर फॉर ए ट्रेट डिटरमाइंड बाय मल्टीपल जीन, के लिए बता रखा है। इफ दिस पॉपुलेशन इज सब्जेक्टेड टू स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, तो स्पीशीज सिलेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शनल होता है, डिसरप्टिव होता है, स्टेबलाइजेशन होता है, ठीक है जी। अगर यहाँ स्टेबलाइजिंग की जगह डायरेक्शनल आ जाता तो डायरेक्शनल में जो मेन ग्राफ है उससे किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता। एक डायरेक्शन में शिफ्टिंग कहाँ दिखा रखी है, जैसे ये चौथा ऑप्शन है, ये किसको दिखा रहा है, डायरेक्शनल, डायरेक्शनल सिलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक डिसरप्टिव सिलेक्शन होता है, डिसरप्टिव सिलेक्शन का मतलब है जो मीन वैल्यू वाले जो मैक्सिमम थे वो तो कम हो जाते हैं और जो एक्सट्रीम पर पाए जा रहे थे उनका नंबर बढ़ जाता है, तो बीच में कम हो जाएगा, दोनों तरफ बढ़ जाएगा, ये डिसरप्टिव सिलेक्शन कहलाता है, ये डिसरप्टिव सिलेक्शन कहलाएगा, ठीक है जी। और अगली बात करें, इसने क्या बोला, स्टेबलाइजिंग, स्टेबलाइजिंग का मतलब है जो ज्यादा है ऑलरेडी वो आगे चलकर और ज्यादा हो जाएंगे, इसका मतलब यही पीक जो है ये और बढ़ जाएगी, तो यहां वाले इंडिविजुअल और कम होकर इस प्रकार का ग्राफ आएगा, तो मीन ही बढ़ जाएगा और बाकी के दोनों तरफ कम हो जाएंगे, आंसर क्या चला जाएगा, स्टेबलाइजिंग के लिए नंबर 1। नेक्स्ट 149, डार्विन थ्योरी के दो की कंसेप्ट क्या थे, याद रखना है, डायरेक्ट ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन, इसके बारे में उन्होंने बात की थी। एक डिसेंडेंट है और उनसे फिर आगे चलकर ब्रांचिंग पैटर्न में नई नई स्पीशीज बनती चली जाती हैं। 150, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन सीक्वेंस टू डिस्क्राइब द फिनोमिना ऑफ स्पीशिएशन, ठीक है जी। तो इसमें आपको ये जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए जो थ्योरीज दी गई हैं उसी में ये सीक्वेंस, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि क्या क्या होता है। सबसे देखें, ओवर प्रोडक्शन, सबसे पहली बात, बिल्कुल ओवर प्रोडक्शन होता है, बायोटिक पोटेंशियल की बात होती है यहाँ पर, ठीक है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी की बात होती है। अगली बात, ओवर प्रोडक्शन के बाद कहते हैं कि इंडिविजुअल तो ज़्यादा बन गए लेकिन फूड और स्पेस क्या है, लिमिटेड हैं, तो उसके बाद सेकेंड ही आना चाहिए, और फूड और स्पेस लिमिटेड हैं, इंडिविजुअल का नंबर बढ़ गया है तो अब इनमें आपस में क्या होगा, कंपटीशन होगा, स्ट्रगल होगा एग्जिस्टेंस के लिए, तो सेकंड के बाद में क्या आना चाहिए, थर्ड आना चाहिए भैया, ठीक है। अब थर्ड के बाद क्या होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इसके बाद में कुछ इंडिविजुअल में वेरिएशंस आती हैं, तो इसके बाद 7 आना चाहिए, थर्ड के बाद क्या आएगा, 7 आना चाहिए। कुछ इंडिविजुअल में क्या आती हैं, वेरिएशन, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन आ गया। अब वेरिएशन के बाद में नेचर कुछ को सेलेक्ट करती है और जो फिटेस्ट होता है वो सर्वाइव भी करता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा, सर्वाइवल ऑफ फिटनेस होगा, तो 7 के बाद क्या आ जाएगा, नंबर 6 आना चाहिए, ठीक है जी। और नंबर 6 के बाद में अब जो काम की वेरिएशन होती है वो अगली पीढ़ी में जाती हैं और इस प्रकार अनेकों जनरेशन तक वेरिएशन आने के कारण स्पीशिएशन हो जाता है, तो 4 के बाद क्या आ जाएगा, अगला 6 के बाद अगला क्या आ जाएगा अपना, नंबर 5, और सबसे लास्ट में स्पीशिएशन आ जाएगा नंबर 4। तो सबसे लास्ट में नंबर 4 आना चाहिए, ये रहा नंबर 4, ये रहा नंबर 4, सबसे पहले फर्स्ट आना चाहिए जो ऑलरेडी दे रखा है, तो 1, 2, 3 के बाद में 7, 1, 2, 3 के बाद में 5 गलत हो गया, 1, 2, 3 है ही नहीं, ये गलत हो गया, 1, 4 है, गलत हो गया, 1, 2, 3 के बाद में 7 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 4 आ गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना आज का दंगल जो 4 था, 15 में से चौथा दंगल यहाँ जूलॉजी का जो पोर्शन है वो उसका सॉल्यूशन आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। घबराना नहीं है, कूल होकर पढ़ें, और अब जो 11 पेपर और बचे हैं उसमें बस इंप्रूवमेंट करते रहें, कहाँ कहाँ सिली मिस्टेक हो रही हैं उनके ऊपर फोकस करते रहें, ठीक है बच्चों। ओके, JCLC, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, मायसेल्फ विवेक पवार, टीम बॉटनी, CLC सीकर। देखो बच्चों, आज आपका जो पेपर था दंगल 4, ठीक है, तो उसमें जो अपना बॉटनी का पोर्शन था वो आज अपन देखेंगे। पूरा का पूरा पेपर था वो टोटली NCERT बेस्ड था पेपर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप सबने बहुत अच्छा पेपर किया होगा और मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और मैक्सिमम बच्चों के क्वेश्चंस भी सही होंगे। कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है कि आप लोगों को दिक्कत आई होगी या कुछ और
छोटी मोटी आपके कंसेप्ट के अंदर कोई इशू आया होगा तो वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। और ये पूरा का पूरा पेपर अपना न्यू जो पैटर्न है उसके ऊपर बेस्ड था, तो इससे पहले भी आप लोगों ने 3 पेपर अटेम्प्ट किए हैं तो उसमें अपने सबने अच्छे किया होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 151 से अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर। सेलेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर। अब अपन को इसमें करेक्ट जो मैच है, करेक्ट मैचिंग करनी है। तो देखिए इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है क्लोरोफिल सी, ठीक है, और आगे दे रखा है ग्रीन एल्गी, जो कि बेटा जी ग्रीन नहीं होती बेटा जी, कैसा होता है, ब्राउन एल्गी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कैरागिन इज द रेड एल्गी, ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर दे रखा है टू लीव्स एंड रूट्स प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट में नहीं बेटा जी, ये टेरिडोफाइट्स के अंदर होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट दे रखा है वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेल डेवलप्ड टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं तो बेटा जी वो स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, अपना टेरिडोफाइट से स्टार्ट होता है, तो इसके अंदर अपना राइट आंसर जाएगा सेकेंड, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 152 नेक्स्ट, इसमें पूछा है एनाइसोगेमस रिप्रोडक्शन विद फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। तो देखो बेटा अपनी एनसीईआरटी के अंदर साफ लाइन स्टेटमेंट एज इट इज लिखा हुआ है, उसके अंदर कौन है आपका, यूलोथ्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो देखो बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 153, जिसके अंदर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द टेरिडोफाइट्स। तो देखो बेटा टेरिडोफाइट्स की बात कर रहा है, तो टेरिडोफाइट्स की कुछ आपको स्टेटमेंट दिए हैं जिनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको इसमें से फाइंड आउट करना है। शो द होमोस्पोरस इन मेजोरिटी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट, जो कि गलत बात है, गैमेटो नहीं होती बेटा जी, स्पोरोफाइट होती है, ठीक है। फ्यूनेरिया इज द एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइट, जो कि गलत बात है, ये ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल है बेटा, टेरिडो का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। फर्दर क्लासिफाइड इन द 3 क्लासेज, बेटा जी ये 3 में नहीं 4 के अंदर डिवाइड होता है, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, तो आपका इसके अंदर आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, ठीक है बेटा जी। मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन दे रखा है, फ्लोरल अपेंडिक्स की बात कर रहा है, तो इसके अंदर आपको पूछ रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अपने एनसीईआरटी के अंदर देखिए बेटा जी, अपने को वैसे तो 4 फैमिली दे रखी है, वैसे अपने को 3 का डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रखा है, फेबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। फेबेसी की बात करें तो वो पेंटामेरस होती है, ठीक है। सोलेनेसी की बात करें तो पेंटामेरस होती है, और लिलिएसी की बात करें तो ट्राइमेरस होती है, तो इसके अंदर देख लो लिलिएसी ट्राइमेरस सही है, सोलेनेसी टेट्रामेरस नहीं होती बेटा जी, पेंटामेरस होती है, सोलेनेसी पेंटामेरस बिल्कुल सही है, पेंटामेरस फेबेसी होती है, बिल्कुल सही है। तो आपका इसके अंदर इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट 155, ए रूट वॉज डिस्क्राइब्ड एज एडवेंटेशियस रूट बिकॉज। देखो बेटा एडवेंटेशियस रूट की बात करें तो एडवेंटेशियस रूट एक्चुअली होती क्या है कि वो रूट जो आपका जो डायरेक्टली जो रेडिकल पार्ट होता है उससे ओरिजिनेट न होके प्लांट के किसी अदर पार्ट से ओरिजिनेट होती है, उसको आप लोग कौन सी रूट बोलते हो, एडवेंटेशियस रूट, कौन सी रूट बोलते हैं, एडवेंटेशियस रूट। तो इसके अंदर अपन को ऑप्शन मैच करना है, कौन सा है, अराइज फ्रॉम द अनदर पार्ट ऑफ प्लांट एक्सेप्ट रेडिकल, रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी अदर पार्ट से अगर ओरिजिनेट हो रही है तो वो रूट कौन सी है बेटू, आपकी एडवेंटेजियस रूट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द राइट, वाज यूज्ड वेरियस स्टोरेज ऑफ फूड, कोई मतलब नहीं है, स्वेलन रॉन्ग, वॉज ग्रोइंग द मार्च एरिया, ये तो निमेटोफोर्स यानी कि रेस्पिरेटरी रूट्स की बात कर रहा है। तो आपका फर्स्ट आंसर जो एडवेंटेजेस रिगार्डिंग बात कर रहा है तो आपका कौन सा हो जाएगा, जो रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी अदर पार्ट से ओरिजिनेट हो रही है या निकल रही है उसको आप कौन सी बोलते हो, एडवेंटेजेस रूट, क्लियर है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, करेक्ट मैच करना आपको, तो इसके अंदर देखो बेटा जिंजर की बात करता है तो जो शक्कर नहीं होता वो क्या होता है, राइजोम होता है, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास आपका जूस पोर होता है, ठीक है। और आपके ईस्ट की बात करें तो ईस्ट आपका बडिंग शो करता है, ठीक है। अनियन आपका बल्ब, बिल्कुल सही बात है, तो ये आपका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट टेक प्लेस इन, ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन किसमें नहीं पाया जाता, तो देखो बेटा जी आपका फोटो रेस्पिरेशन क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, परोक्सीसोम में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, जबकि बंडल शीत होता है बेटा जी, बंडल शीत के अंदर आपका प्रेजेंट नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये तो बेटा जी वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है, बंडल शीत आपका जाइलम टू मेसोफिल सेल्स होती है उनके अंदर वाटर का कंडक्शन करने में हेल्प करता है, लेकिन जो फोटोरेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है आपका क्लोरोप्लास्ट, परोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, फर्स्ट नंबर क्लोरोप्लास्ट, देन परोक्सीसोम एंड लास्ट वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, आपको यही तो पूछा है, डज नॉट टेक प्लेस, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटू, फोर्थ। नेक्स्ट, देखिए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेरिस्टेम अकर्स इन ग्रासेस दैट रीजनरेट पार्ट रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोरस, ये पूछ रहा है कि बेटा जी जो ग्रेजिंग एनिमल्स है वो ग्रासेस को ईट करने के बाद में जो नया पार्ट रीजनरेट होता है वो किसकी हेल्प के रीजनरेट होता है, तो आपके एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट है, अपन पढ़ते हैं, इंटरकैलरी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो रीजनरेटिंग में पार्टिसिपेट करता है, एपिकल होता है वो तो ऊपर अपवर्ड में मूवमेंट करता है, ठीक है, हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 159 के अंदर पूछा है आपको, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पूछा है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट क्या है, तो देखो बेटा अपन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को अपन डिफाइन करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसको अपन ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं, और जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है उसको स्यूडो न्यूक्लियस, जो ट्रू न्यूक्लियस होता है बेटा आपका यूकैरियोटिक सेल में होता है, जबकि जो स्यूडो न्यूक्लियस होता है वो आपका प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, तो यहाँ पर देखो बेटा जी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या रहेगा बेटा, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट रहेगी, ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेगी इसके अंदर, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बात करें तो राइबोसोम आपका प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है ये भी प्रेजेंट रहता है, और सर्कुलर डीएनए ये भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है बेटा, तो इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वो आपका एब्सेंट हो जाएगा, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा इसके अंदर, फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर ऑर्गेनेल्स इज और आर बाउंडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेनस, तो बेटा जी ये पूछ रहा है कि सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, जो आपको परोक्सीसोम दिया है, एक लाइसोसोम दिया हुआ है और एक आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है, तो देखो बेटा जी आपको माइटोकॉन्ड्रिया आपका है डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, तो ये डबल मेम्ब्रेनस हो गया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल,
ठीक है। लाइसोसोम की बात करें तो देखो बेटा जी, आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है, तो ये भी कैसा हो गया, ये सिंगल मेम्ब्रेनस हो गया, इसके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन है। और पेरोक्सिसोम भी आपका कैसा हो गया, सिंगल मेम्ब्रेनस। तो आपको पूछा है बेटा सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल पूछा है, तो आपका कौन कौन हो गया, पेरोक्सिसोम और लाइसोसोम। अब इसके अंदर आपको मैच करना है, क्योंकि आपका माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस है, तो ये होगा नहीं। तो इसमें कह रहे हैं ओनली पेरोक्सिसोम, ठीक है, बट नॉट लाइसोसोम, तो ओनली तो नहीं होगा पेरोक्सिसोम, तो ये हो गया आपका रॉन्ग। ये कह रहे हैं नेक्स्ट सेकंड, बोथ पेरोक्सिसोम एंड लाइसोसोम, बिल्कुल सही है, पेरोक्सिसोम एंड लाइसोसोम, बट नॉट माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो कैसा है बेटा आपका, डबल मेम्ब्रेनस है, इसलिए ये सही बात है। अगला देख लो फिर, ओनली लाइसोसोम, ओनली आ गया तो गलत हो गया, बट नॉट पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, गलत हो गया ये, बोथ लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, बोथ लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया तो हो नहीं सकता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस है, ये सिंगल मेम्ब्रेनस है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो आपका इसके अंदर आंसर कौन सा आ जाएगा, आपका सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ बेटा जी, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 161, न्यूक्लियोलस इज यूजुअली एसोसिएटेड विद द क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स एट ए स्पेसिफिक साइट कॉल्ड, ठीक है। तो देखो बेटा, जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस की पहली बात अपन बात करें तो न्यूक्लियोलस है, ये एक स्पेसिफिक साइट से किससे जुड़ा होता है, तो आपकी बात ये जुड़ा रहता है आपका सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, या जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोलर ओरिजन, रीजन से अटैच रहता है डायरेक्टली, ठीक है। सेंट्रोमियर होता है, देखो बेटा सेंट्रोमियर तो ये हो गया क्रोमोसोम्स, ये आपका सेंट्रोमियर हो गया बीच में, ठीक है, ये सेंट्रोमियर है, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनसे तो अटैच बिल्कुल नहीं रहता, ठीक है। तो आपका आंसर इसके अंदर क्या जाएगा, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन या न्यूक्लियोलर ओरिजिन रीजन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब आपको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात कर रहा है, तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है बेटा जी, वो कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए, बिल्कुल सही बात है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, जीसी रिच। इसके अंदर जो ग्वानिन और साइटोसिन की जो अमाउंट होती है वो इसके अंदर ज्यादा होती है, तो ये जीसी रिच होता है। और इसके अंदर जो पैक्ड विद हिस्टोन प्रोटीन, देखो बेटा जी हिस्टोन प्रोटीन की पैकेजिंग होती है वो क्रोमोसोमल डीएनए के साथ ही प्रेजेंट होती है, जबकि ऑर्गेनेल या साइटोप्लाज्मिक जो डीएनए होते हैं या तो किसी सेल ऑर्गेनेल के अंदर प्रेजेंट होता है या फिर साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, तो वहां पे हिस्टोन प्रोटीन की पैकेजिंग नहीं होती, एब्सेंट होती है, ठीक है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ आपके कहां प्रेजेंट होती है, क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है, वहां पैकेजिंग करती है। न्यूक्लियोसोम वाला डायग्राम अगर आपको याद होगा 12th क्लास के अंदर, तो वो वहां से, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटू, फोर्थ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है बेटा। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर देखो क्या क्या दिया हुआ है, कैरोटीनॉइड्स, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, ठीक है, मॉर्फिन ये भी सेकेंडरी है आपका, विनब्लास्टिन ये भी सेकेंडरी है, ग्लूकोज, ग्लूकोज की बात करें तो बेटा जी आपका क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका थर्ड। नेक्स्ट, देखो बेटा जी आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन 64, इन गिवन स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई द ए, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। देखो बेटा जी आपको ये न्यूक्लियोटाइड्स का एक डायग्राम दिया हुआ है, ये नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, ये आपका पेंटोज शुगर है, ठीक है, ये आपका फॉस्फेट ग्रुप है, तो तीनों है, ये एन टू बेस है आपका, नाइट्रोजन बेस बोले, तो तीनों क्या हो गए बेटा जी, ये आपके
न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। अब इस न्यूक्लियोटाइड का आपको एक डायग्राम दे रखा है और आपको पता है सब एक दूसरे से अटैच रहते हैं एक बॉन्ड की हेल्प से। अगर नाइट्रोजन और पेंटोज आपस में अटैच हैं तो वो किसी ना किसी बॉन्ड की हेल्प से अटैच हैं, तो उस बॉन्ड का नाम पूछा है। जब आपका नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर अटैच रहता है, ये किससे किसकी हेल्प से अटैच रहता है? आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से अटैच रहता है। कौन से बॉन्ड से? ग्लाइकोसाइडिक। ठीक है, आपका एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है ये, और आपका ये जो पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहता है, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से अटैच रहता है। ठीक है बेटा, किस बॉन्ड की हेल्प से अटैच रहता है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड की हेल्प से अटैच रहता है। तो आपको ये पूछा है तो ये आपका कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो आप इसके अंदर देख लो, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो आपका इसके अंदर आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा? थर्ड, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आपको ए पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ तो बेटा जी देखो, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 165, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल सेलुलर मास। तो बेटा जी देखो, मैक्सिमम की बात कर रहा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन प्रोटीन पे जाएंगे, क्योंकि देखो बेटा जी सबसे ज़्यादा तो वाटर होता है, ठीक है, सेल के अंदर, लेकिन आपका वाटर ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो आपका प्रोटीन दिया हुआ है सबसे ज़्यादा, प्रोटीन, देन आपका न्यूक्लिक एसिड, देन आपका कार्बोहाइड्रेट एंड देन लिपिड, ये आपका इसका सीक्वेंस रहता है। तो आपका इसका आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट। तो देखो बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 166, इसके अंदर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। तो इसके अपन को एग्जांपल्स की बात करें तो इसके जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करता है आपका, इसके अकॉर्डिंग देखो फ्रेंकिया, और डीनाइट्रिफिकेशन में आपका सुडोमोनास हो जाता है। तो इसके अंदर देखो तो इसका आपका आंसर आ जाएगा सेकेंड। ठीक है, इसके अंदर आपका ये नहीं है, ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एटीपी एंड एनएडीपी एच टू मॉलिक्यूल्स आर रेस्पेक्टिवली रिक्वायर्ड टू मेक वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू द केल्विन साइकिल। तो देखो बेटा जी, आपके एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्टली लिखा हुआ है, ठीक है, तो वहीं से ये अपना क्वेश्चन पुट किया हुआ है। तो इसके अंदर के अंदर जो अपन को एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है वो 18 की रिक्वायरमेंट होती है, और एनएडीपी एच टू अपने 12 की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट, पाइरुवेट में फॉर्म, ठीक है, तो पाइरुवेट बन सकता है। तो देखो बेटा जी, एथेनॉल भी है, लैक्टिक एसिड भी आपका, एसिटाइल कोएंजाइम भी है, तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा? मोर देन वन इज करेक्ट, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। हाँ बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिकल डोमिनेंस इज कॉज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ। तो देखो बेटा, एपिकल डोमिनेंस के लिए आपको एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है, जो आपका ऑक्सिन का जो टिप पार्ट होता है, तो इसके अंदर जो ऑक्सिन स्टेम पार्ट होता है, ठीक है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सिन इन स्टेम टिप, डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन उठाई हुई है यहाँ से, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। जिंजर रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव मेनली बाय। तो देखो बेटा, जिंजर होता है वो जो रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्शन शो करता है मेनली राइजोम के थ्रू करता है। ठीक है, ये देखो बेटा जी, डायरेक्ट एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है 171 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम डिड नॉट इफेक्ट, ये पूछ रहा है, डिड नॉट इफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट। तो देखो बेटा, एवरी मैक्लियोड मैकार्टी का जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक्सपेरिमेंट था उसको इफेक्ट नहीं करने वाले कौन कौन है आपका? एक तो आरएनएज है और एक प्रोटीएज है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, ये इफेक्ट करने वाले में आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट 72 विच ऑफ द सॉरी इन ट्रांसलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप यूटिलाइज एनर्जी, देखो बेटा यूटिलाइज एनर्जी की बात कर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो इसमें बात करेंगे तो बेटा जी एमिनो एसिड्स का एक्टिवेशन हो जाता है, क्या हो जाता है एमिनो एसिड्स का एक्टिवेशन, तो इसके अंदर आपका सेकंड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा जी, फाइंड द ऑड वन आउट विद रेस्पेक्ट टू द चारगाफ रूल, तो देखो बेटा जी चारगाफ रूल होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या कहते हैं, जो प्यूरीन होता है, प्यूरीन इज इक्वल टू पायरिमिडीन, ठीक है, तो यहां पे ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी, ठीक है, तो ए प्लस जी बाय टी प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू आपका आ जाएगा वन, ठीक है। बेस रेशियो की बात करें तो बेस रेशियो क्या आ जाएगा आपका ए प्लस टी बाय जी प्लस सी, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा बेस रेशियो, ठीक है। अब इसके अंदर आपको ऑड मैच करना है, ठीक है, ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी, तो आपका देखो ये तो नहीं है, तो ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी ये है, ठीक है, ए प्लस जी बाय टी प्लस सी इज इक्वल टू वन, ये भी है आपका, ठीक है, चारगाफ रूल को फॉलो करता है, ठीक है। ये कह रहा है कि ए बाय टी बेस रेशियो ए बाय टी, ठीक है, ये रहा ए बाय टी इज क्लोज ऑल्सो क्लोज सॉरी अच्छा इधर चला गया, बेस रेशियो ए बाय टी इज क्लोज टू द, ये क्या है, क्लोज टू द यूनिटी एंड जी बाय सी इज ऑल्सो क्लोज टू यूनिटी, तो देखो बेटा ये रहा आपका आ गया ए प्लस जी बाय टी प्लस सी, तो ये और ये आपस में देखो बेटा जी क्लोज है कि नहीं है, ये स्टेटमेंट भी आपका सही स्टेटमेंट है, लेकिन ये ए प्लस टी ये इसमें क्या हो गया ओड हो गया, ठीक है, इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये इसके अंदर आ जाएगा आपका फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। ये फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, लेकिन ये फॉलो नहीं कर रहा है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है देखो बेटा जी आपको, विच ऑफ द विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ हाई यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज रेजिस्ट टू वाटर स्ट्रेस डेवलप्ड इन द इंडिया, डायरेक्ट एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन उठाई हुई है, इसके अंदर आपका ज्वार मेज और बाजरा दिया होता है, इसके एग्जाम्पल तो आप इसके अंदर देख लो, ज्वार मेज बाजरा जो कि इसमें नहीं है, ज्वार मेज दिया हुआ है, ठीक है, बाजरा दिया हुआ है, ज्वार नहीं दिया हुआ है, रॉन्ग, ज्वार वीट तो ये भी रॉन्ग, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहलिक ब्रीवर्स प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रॉथ, ठीक है, तो फर्मेंटेशन से जो बनते हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपका विस्की होता है ये भी फर्मेंटेड होता है, ठीक है, आपका ब्रांडी होता है ये भी फर्मेंटेड होता है, दूसरी बात करें आप रम की तो ये भी आपका फर्मेंटेड होता है, तो ये ऑल ऑफ दीज है, तो इसके अंदर आपका आंसर क्या आ जाएगा मोर देन वन इज करेक्ट, ठीक है, इसका फोर्थ आंसर आ गया। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है द केमिकल रिलीज्ड बाय द पेनिसिलियम नोटेटम इनहिबिट द ग्रोथ
ऑफ विच माइक्रोब्स, कौन से माइक्रोब्स की ये ग्रोथ को इनिबिट करता है, तो आपको एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट एग्जांपल है, ये लिखा हुआ है कौन, स्ट्रेप्टोफाइलोकोकाई, तो जो स्ट्रेप्टोफाइलोकोकाई होता है उसकी ग्रोथ को क्या करता है, पेनिसिलियम है वो इनिबिट करता है, ठीक है। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट, स्लाइसिंग ऑफ जीन वुड बी अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ, ठीक है, जीन अभिव्यक्ति रोकने में किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको पता है, देखो बेटा जी, जीन अभिव्यक्ति को रोकने के लिए डायरेक्ट स्टेटमेंट एनसीईआरटी की जो डायरेक्ट लाइन है बेटा जी, वो वहीं से एज इट इज, जो नीट के अंदर आपको एज इट इज लाइनें पुट होती है, वैसे ही अपन ने क्वेश्चन पेपर को फ्रेम करने की कोशिश की है। तो इसके अंदर क्या कह रहा है, देखो, स्लाइसिंग ऑफ जीन कुड बी अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ, तो इसके अंदर आपका जो डीएनए, सॉरी आरएनएआई और एंटीसेंस आरएनए होता है वो इसके अंदर यूज होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, थर्ड, ठीक है बेटा जी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 178, जिसमें पूछ रहा है कि द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिपोर्टेड वाज, तो इसके अंदर देखो बेटा जी, आपको हिंड सेकेंड है आपका, ठीक है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ट्रिगर्स एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन टू एक्टिव बीटी टॉक्सिन ऑफ बैसिलस थुरोजेंसिस इन वॉलवर्म, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। तो देखो बेटा जी, जो बीटी इनएक्टिव फॉर्म, सॉरी प्रोटॉक्सिन के रूप में जो होता है, इसके अंदर कह रहा है गोलवर्म कृमि में बेसिलस थ्यूरोजेंसिस के बीटी एविस की सक्रियता किससे प्रेरित होती है, तो देखो बेटा जी, ये इसके अंदर दिया हुआ है एल्केलाइन पीएच ऑफ गट, एसिडिक पीएच ऑफ स्टमक, बॉडी टेम्परेचर का तो कोई इफेक्ट ही नहीं है यहाँ पे, मोस्ट सरफेस ऑफ ये भी नहीं होगा, तो इसके अंदर आपका एल्केलाइन पीएच ऑफ गट दे रखा है, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्टली आपकी लाइन लिखी हुई है, एज इट इज लाइन लिखी हुई है, जिसके अंदर आप लोगों को ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द पॉपुलेशन रीचेस कैरिंग कैपेसिटी, तो देखो बेटा कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंचती है, जैसे मान लो आपने ये अपना कर्व है, ठीक है, ये अपन ने कैरिंग कैपेसिटी बना दी, जिसको अपन ने के बोल दिया, ठीक है, ये अपने एनसीईआरटी के जो ग्राफ है वो मेंशन किया हुआ है, ये तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है आपकी और ये लॉजिस्टिक ग्रोथ है, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है आपकी, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो बेटा जी आपकी कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसके ऊपर कैरिंग कैपेसिटी का कोई रोल नहीं होता, लेकिन जो लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है बेटा जी, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर। तो इसके अंदर पूछ रहा है कि पॉपुलेशन रीचेज कैरिंग कैपेसिटी, जब ये पॉपुलेशन है ये कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच गई, देखो पहले तो लॉग ग्रोथ कर रही थी, अब उसके बाद में ये इसकी क्या हो गई, सिग्मोइड ग्रोथ शो कर रही है, तो ये इसकी बेटा जी क्या हो गई, इक्वल हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर्टेलिटी और बर्थ रेट है वो बेटा जी क्या हो जाएंगे, इक्वल, हालांकि ये इक्वल नहीं होती, बर्थ रेट क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, ठीक है, तो इसके अंदर आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। देखो बेटा जी, आपके नेक्स्ट 181 में दे रखा है, जो आपके एनसीईआरटी का पाई चार्ट दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको पूछा हुआ है, आपका ए पूछा है और आपका क्या पूछा है, पी पूछा है, ठीक है, तो पी ए की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, इंसेक्ट, क्या हो जाएगा बेटू, इंसेक्ट, और दूसरी बात करेंगे आप तो पी की बात करेंगे तो पी हो जाएगा आपका फिशेज हो जाएगा, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट इसका एग्जांपल या सॉरी डायरेक्ट डायग्राम दिया हुआ है, तो इसके अंदर आप देख लो कौन सा आंसर जाएगा आपका, फोर्थ, इंसेक्ट एंड फिशेज, इसका आंसर आ जाएगा आपका फोर्थ। ठीक है, देखो बेटा जी, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 182, ए स्क्रबर इन एग्जॉस्ट ऑफ ए केमिकल इंडस्ट्रियल प्लांट रिमूव्स,
ठीक है। तो देखो बेटा जी, जो स्क्रबर की बात करें अपन, तो स्क्रबर होता है, ठीक है, वो जो केमिकल इंडस्ट्रियल प्लांट होते हैं उनके अंदर किसको रिमूव करता है, तो वहां पर देखो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है उसको वो रिमूव करता है, ठीक है, जो कि क्या होता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो सल्फर होती है उसको डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में जाने से वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, मतलब वहीं पर रोक लेता है उसको। तो इसके अंदर देख लो क्या लिखा हुआ है, एसओ टू को गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसको ये रोक लेगा, सही बात है। पार्टिकुलेट मैटर ऑफ द साइज 5 माइक्रोमीटर अबव और अबव, ठीक है, जो कि ये हार्म करती है, लेकिन ये पॉइंट सॉरी 5 माइक्रोमीटर की बजाय 2.5 माइक्रोमीटर होता है, जो कि हार्मफुल मैटर होते हैं। गैसेस लाइक ओजोन, मैथेन, गलत बात है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसके अंदर कौन सा जाएगा आपका, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो बेटा जी, अपना बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर आपको पूछ रहे हैं कि इसके अंदर ए क्या है और आपका बी क्या है, ठीक है। तो ए की बात करेंगे तो ये आपका डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है, ठीक है, और बी की बात करेंगे तो ये क्या है बेटा जी, आपका बी और डी है, ठीक है। यहां पर देखो डिसॉल्व ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा थी जो फिर धीरे धीरे कम हो गई जब बी और डी, ये बी और डी है, तो यहां पर बीओडी की अमाउंट कम थी जब डिसॉल्व ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा थी, तो ये धीरे धीरे ऐसे करके यहां पे ये हो जाएगी, तो ए आपका हो जाएगा डिसॉल्व ऑक्सीजन और बी हो जाएगा आपका बीओडी, ठीक है। आपका आंसर क्या जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट, विच वन इज अ वे फॉर XC2 कंजर्वेशन। तो XC2 कंजर्वेशन का एग्जाम्पल पूछ रहा है। XC2 का मतलब क्या होता है कि बेटा जी, बाहर से कहीं आपको उसको ला के अंदर प्रिजर्व कर रहे हो, उसको आप कंजर्व कर रहे हो, उसको आप XC2 बोलते हो। तो देखो बेटा जी, नेशनल पार्क होते हैं वहां पर वहीं के जो एनिमल्स या वहीं की जो भी स्पीसीज होती है वहीं पर उनको क्या कर देते हो, कंजर्व होते हो। तो ये XC2 का एग्जाम्पल नहीं, इन सीटू का एग्जाम्पल है। बायोस्फीयर, ये भी इन सीटू का एग्जाम्पल है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी इन सीटू का एग्जाम्पल है। लेकिन जूलॉजिकल पार्क होता है बेटा जी, उसको अपन कहीं पर भी स्टेबल कर सकते हैं, कहीं पर से भी अपन कोई भी स्पीसीज ला के वहाँ पर उसको प्रिजर्व या कंजर्व कर सकते हैं। तो ये XC2 का एग्जाम्पल हो गया, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप कंसेप्ट वाज प्रपोज, तो आपका अलेक्जेंडर वॉन हेल्महोल्ट्ज़, ठीक है। अब देखो बेटा जी, आपके वो 35 क्वेश्चंस थे, वो जो फर्स्ट पैटर्न है अपना 35 स्टार्ट के होते हैं, फिर 15 जो लास्ट में होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अपना नेक्स्ट जो है अपना सेकंड जो बी सेक्शन है, जिसमें आपको इसमें से आपको आप कोई भी 10 क्वेश्चंस है वो करने होते हैं वो वाला। तो इसमें देखो आपका 186 का है क्वेश्चन दे रखा है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सॉरी हाँ भाई, तो इसमें 186 का क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब इसमें से अपन को इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखना आपका कह रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इन्वॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जो भी लिविंग्स होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेशन एंड रेगुलेटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, अडेप्टेशन एंड होम्योस्टेसिस आर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लिविंग्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि होम्योस्टेसिस का एग्जाम्पल तो अपन खुद अपन को ह्यूमन बींग्स को अपन बताते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, ब्रेन डेड कोमा पेशेंट हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। जो बेटा जी ब्रेन डेड हो चुका है उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया।
ऑल लिविंग्स आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, बिल्कुल सही बात है। तो आपको रॉन्ग इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका कौन सा है? थर्ड। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखो बेटा जी, अपन को कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से कुछ करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट किया दिया हुआ है, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स आर नॉट प्रेजेंट इन मोनोकॉट स्टेम। ठीक है, तो मोनोकॉट स्टेम के अंदर तो देखो बेटा जी कौन सा होता है, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज टाइप का सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। कैस्पेरियन स्ट्रिप एंड एंडोडर्मिस आर मेड अप ऑफ क्यूटीन, जो क्यूटीन की नहीं बनी होती, सुबेरेन की बनी होती है। ठीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। पिथ इज लार्जर एंड वेल डेवलप्ड इन मोनोकॉट रूट्स, बिल्कुल सही बात है। ट्राइकोम हेल्प्स इज प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन, बिल्कुल सही बात है। तो आपके दो स्टेटमेंट रॉन्ग है, दो स्टेटमेंट आपके राइट है। तो आपको करेक्ट पूछना है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। ठीक है, अब इसमें देखो आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, अब इनमें से अपन को मैच करना है। तो आपको देखो बेटा जी सेंट्रियोल दिया हुआ है, सेंट्रियोल देखो बेटा जी किसके अंदर प्रेजेंट है, सेंट्रियोल अपन बोलते हैं सीलिया फ्लेजिला के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर अपन को दिया हुआ है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल आपका थाइलेकॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट का पार्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकॉइड होता है। ठीक है, सिस्टर्नी की बात करते हैं तो अपना कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इनफोल्ड्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन के इनफोल्ड से बनता है। और आपका जो राइबोजाइम होता है बेटा जी आपका वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। तो इसके अकॉर्डिंग आप मैच कर लो, ए के साथ आपका जा रहा है फोर्थ, तो फोर्थ जा रहा है आपका फर्स्ट में और फोर्थ में। ठीक है, फिर सेकेंड जा रहा है इसके साथ, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट आंसर ही हो जाएगा इसके अंदर। देख लो फिर थर्ड के साथ फर्स्ट जा रहा है, हाँ, तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है फॉर द स्टेजेस ऑफ द सेल साइकिल सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इसके अंदर भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट द इक्वेटर, आगे मेटाफेज दिया हुआ है, बिल्कुल सही बात है। मेटाफेज के अंदर क्या आते हैं कि बेटा जी जो क्रोमोसोम्स आते हैं वो सारे के सारे इक्वेटर प्लेट के ऊपर आके अटैच हो जाते हैं, जिसको अपन मेटाफेज को अपन बोलते हैं। क्रोमोसोमल के स्टडी के लिए बेस्ट स्टेज होती है, क्योंकि सारे के सारे क्रोमोसोम एक ही प्लेट पे आ जाते हैं। ठीक है, जिसको अपन इक्वेटर बोलते हैं। तो राइट स्टेटमेंट हो गया। सेकेंड कह रहा है सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड एनाफेज फर्स्ट, तो भाई एनाफेज फर्स्ट नहीं होगा, ये एनाफेज सेकेंड के अंदर होता है। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया आपका स्टेटमेंट। थर्ड कह रहा है द पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक प्लेस, ठीक है, तो पेयरिंग होती है जो होमोलोगस क्रोमोसोम की, वो जायगोटीन के अंदर होती है, बिल्कुल सही बात है। तो आपका स्टेटमेंट करेक्ट पूछ रहा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है, तो आपका ए सही है और आपका सी सही है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड, ए एंड सी, ठीक है, आर करेक्ट। तो आपका सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, इमर्सन इनहांसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ, तो देखो बेटा इमर्सन ये एग्जाम के अंदर हालांकि आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके अंदर जब अपन बात करते हैं इमर्सन इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप इफेक्ट की, तो इसके अंदर रेड ड्रॉप इफेक्ट के अंदर बात करते हैं अपन,
670 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है दो होती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं तो इसके अंदर दो टाइप के फोटो सिस्टम होते हैं, वो साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। तो इसके अंदर आप देख लो टू फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, तो आपका इसके अंदर थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अंदर भी देखो आपको क्या करना है बेटा, मैच करना है लिस्ट ए और बी को आपको मैच करना है। इसके अंदर देखो बेटा जी आपको कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, ठीक है, और कुछ माइटोकॉन्ड्रियल कंपोनेंट है जिनको आपको कॉम्प्लेक्सेस के साथ में मैच करना है। तो देखो बेटा जी आपका ए माइटोकॉन्ड्रियल जो कंपोनेंट है एटीपी सिंथेसिस, वो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है, ठीक है। फिर आप देखो एफएमएन डीहाइड्रोजिनेज, एफएमएन NADH2 डीहाइड्रोजिनेज जो कि आपका कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, ठीक है। फिर आप बात करोगे सी की तो ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेकंड, साइटोक्रोम आप ए की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ, और आपका साइटोक्रोम बी और सी हो जाएगा आपका थर्ड। तो इसके अंदर देखो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ए में फर्स्ट दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, ठीक है। फिर आपका दे रखा है बी के साथ फर्स्ट, तो ये आपका ये तो गया एक बार। फिर आ जाओ आप सी के अंदर, आप किस सी के अंदर आपका दिया हुआ है सेकंड, तो आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर थर्ड। क्यों? क्योंकि अपन ने देखो ये यहाँ पे अलग हो गया ना, तो डी के साथ देख लो आपका डी के साथ फोर्थ है, और ये सही, ठीक है। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आपको लेवलिंग करनी है, तो सबसे पहले देखो ये दिया हुआ है जो कि क्या है बेटा आरयूबीपी, ठीक है, और बी की बात करें तो आपका ये क्या हो जाएगा पीजीए, ठीक है। और अगला आपको सी दे रखा है वो ट्रायोज फॉस्फेट, ये अगला आपको क्या दिया हुआ है ट्रायोज फॉस्फेट। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन मैच करना है, तो इसके अंदर फर्स्ट ए देख लो आपका आरयूबीपी, इसमें दिया हुआ है, इनमें नहीं दिया ये भी, तो इसके अंदर फोर्थ में दिया हुआ है, थर्ड दिया हुआ है आपका पीजीए, तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा जी फोर्थ। देखो ए आपका आरयूबीपी हो गया, बी हो गया पीजीए, और सी हो गया आपका ट्रायोज फॉस्फेट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। हाँ देखो बेटा जी इसके अंदर ये जो क्वेश्चन दिया है 193, इसके अंदर अपन को कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिनके अंदर से अपन को करेक्ट ऑप्शन को फाइंड करना है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है द नॉन कोडिंग डीएनए इज अबंडेंट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मोर देन 98% जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन के लिए नहीं होते, रॉन्ग स्टेटमेंट है। 98% से ज़्यादा ये कह रहा है कि जो किसको कोड करते हैं प्रोटीन को, बट ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। टोटल नंबर ऑफ जीन्स आर 3000 जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। द फंक्शन ऑफ मोर देन 50% जीन आर अननोन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आपका राइट स्टेटमेंट कौन से हो गए, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो आपका देखो फर्स्ट एंड फोर्थ किसमें है, सेकंड के अंदर, तो आपका इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। अपन नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्ड सेवरल स्टेप इन द स्पेसिफिक सीक्वेंस, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर आर डीएनए टेक्नोलॉजी। अब देखो बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अगर आपको पता है तो आप ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, उस अकॉर्डिंग आप स्टेटमेंट को रीड आउट करके इसका सीक्वेंस प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखो आप सबसे पहले सीक्वेंस देखना है डाउन स्ट्रीम, ये तो आ जाएगा आपका डाउन स्ट्रीम, तो अभी नहीं आएगा। सबसे पहले देखो आपका आ जाएगा इसके अंदर कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, आइसोलेशन ऑफ द डीएनए मटेरियल,
इंसर्शन ऑफ, तो सबसे पहले देखो आप क्या करोगे, डीएनए को आइसोलेट करोगे, तो सबसे पहला आपका आ जाएगा ये डी आ जाएगा, ठीक है। फिर आप करोगे इसके अंदर से बी कटिंग, अब आप लोगों ने डीएनए को आइसोलेट किया, फिर उसको एक स्पेसिफिक साइड से आप क्या कर दोगे, कट कर लोगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे इसके अंदर, आप कोई फॉरेन डीएनए जो भी है जो इंसर्ट कर दोगे, ठीक है, इंसर्ट ऑफ आर डीएनए इनटू द होस्ट सेल, आप जो आर डीएनए उसको होस्ट सेल के अंदर एंटर कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर इसके अंदर देखो ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोड्यूस, ठीक है, फिर ये आ जाएगा आपका, फिर लास्ट में आ जाएगा आपका ये वाला। तो आपका सीक्वेंस देख लो, एक नंबर पे आपका डी है, इसके अंदर ये बी है, ये डी है, ये डी है, तो ये तो आपका ये और ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, तो आपका कौन सा जाएगा इसके अंदर, दो और तीन में से राइट है, तो डी आ गया फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे आपका बी है, तो सेकंड नंबर पे आपका बी ये है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सेकंड, ठीक है बेटा। ये आपको सीक्वेंस का थोड़ा सा रीड करके, आपको आर डी एन ए टेक्नोलॉजी का अच्छे से सीक्वेंस आपको पता होगा तो आप लोग इसको क्रैक कर पाओगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, सीक्वेंस का थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो बेटा जी, क्वेश्चन 195 में दे रखा है, देर आर फोर मेजर कॉजेस द इविल क्वाड्रेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात कर रहा है, विद रेस्पेक्ट टू देम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो अपन को रॉन्ग स्टेटमेंट की बात करनी है, तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन डिक्रीज बायोडाइवर्सिटी, बिल्कुल सही बात है, ये जो हैबिटेट लॉस है और फ्रेगमेंटेशन है ये बायोडाइवर्सिटी को क्या कर देता है बेटा, ये डिक्रीज कर देता है, क्योंकि अगर मान लो कोई कोई स्पीसीज है जो अपने हैबिटेट के अंदर रह रही, किसी जंगल के अंदर सर्वाइव कर रही है, फॉरेस्ट के अंदर सर्वाइव कर रही है, वहाँ फॉरेस्ट अगर कट हो जाएंगे तो वहाँ पर जो स्पीसीज सर्वाइव कर रही थी वो स्पीसीज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इसलिए स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कह रहा है ओवर एक्सप्लोटेशन कॉजेज सम फिशेज टू गेट एंडर जेनर्ड, ठीक है, इनकी बात कर रहा है, तो इसके अंदर जब ओवर एक्सप्लोटेशन होगा तो जो स्पीसीज है, जो फिशेज की स्पीसीज है वो क्या हो जाएगी, उनको नुकसान होगा, नुकसान होगा तो वो स्पीसीज भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, जिसकी वजह से वो उनको संकट उत्पन्न हो सकता है, ठीक है, तो इसका ये भी सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट कह रहा है एलियन स्पीसीज इन्वेजन डिक्रीजेस द थ्रेट टू नेटिव स्पीसीज, ठीक है, तो जो एलियन स्पीसीज की बात करें यानी कि जो बाहर से जो स्पीसीज आ रही है, ठीक है, उनकी वजह से जो मतलब अपने जो हैबिटेट के अंदर सर्वाइव करने वाली स्पीसीज है उनको जो खतरा है वो कम होता है, ये कह रहा है, जबकि ये गलत बात है, जबकि जब अपन किसी फॉरेन स्पीसीज को लेकर आते हैं तो वो फॉरेन स्पीसीज उस इकोसिस्टम के ऊपर क्या कर लेती है, पूरे को अपने कंट्रोल कर लेती है, जिसकी वजह से जो अपने यहाँ पर जो सर्वाइव करने वाली स्पीसीज थी उसको नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये कह रहा है इसको कम नुकसान होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है को एक्सटेंशन लीड टू द एक्सटेंशन ऑफ ए स्पीसीज एज वेल एज एसोसिएटेड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सहविलुप्तता से एक जाति के लुप्त होने से दूसरी जाति अपने आप विलुप्त हो जाएगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है, अगर मान लो एक खत्म हुई तो दूसरी जिसके ऊपर जो डिपेंड कर रही है वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है, तो इसका आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन, फ्लोरल फॉर्मूला पूछा है, ठीक है, तो फ्लोरल फॉर्मूला किसका पूछा है, ल्यूपिन का, और ल्यूपिन आपका बेटा जी कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, फैबेसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो पहली बात देखो बेटा जी, फैबेसी फैमिली के आप देखो फॉर्मूले को क्रैक करने के लिए आप पहला सीध आपको तीन फैमिली एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, तो आप सबसे पहले गाइनोशियम को देख लीजिए, तो गाइनोशियम होता है फैबेसी का एक होता है, सोलेनेसी में दो गाइनोशियम होते हैं, लिलिएसी में तीन गाइनोशियम होते हैं,
तो यहाँ से आप गाइनोशियम देखिए, इसके अंदर ल्यूपिन है वो कौन सी फैमिली का है, फैबेसी फैमिली का है। तो इसके अंदर गाइनोशियम एक इसके अंदर है, एक इसके अंदर है, बाकी इसके अंदर दो और तीन है जो कि अपना फैबेसी फैमिली नहीं हो सकता। इसलिए आपके जो फैबेसी फैमिली का फॉर्मूला है वो आपका ई हो जाएगा, ठीक है। फैबेसी फैमिली का राइट फॉर्मूले की बात करें तो ये आपका करेक्ट फॉर्मूला है जो ल्यूपिन के लिए सही है, ठीक है। इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है इफ ए सेल ऑफ एल्यूरोन लेयर कंटेन 48 क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो देखो बेटा जी, एल्यूरोन लेयर होती है वो आपकी कैसी होती है, 3N होती है, कैसी होती है, 3N। और इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात कर रहा है तो कितने बेटा, 48 क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ये बोल रहा है ना क्रोमोसोम्स। देन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन मियोसाइट, तो मियोसाइट का मतलब हो गया बेटा जी आपको 2N यानी कि डिप्लॉइड कंडीशन में पूछ रहा है कि आपको कह रहा है एल्यूरोन लेयर में 48 क्रोमोसोम है और आपको पूछ रहा है कि डिप्लॉइड के अंदर कितने होंगे। तो अब देखो एल्यूरोन लेयर होती है बेटा जी ट्रिप्लॉइड यानी कि 3N कंडीशन, तो अपन इससे क्या निकाल लेंगे, N निकाल लेंगे, N इज इक्वल टू 48/3, तो कितना है आपका 16, तो N इज इक्वल टू आपका क्या आ गया बेटा 16 आ गया। तो 2N निकालने हैं तो 2N कंडीशन में आपके क्या हो जाएंगे, 2 × 16 इज इक्वल टू 32, तो आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाएंगे मियोसाइट यानी कि 2N कंडीशन में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3rd, ठीक है, आंसर आ गया आपका 3rd। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 198, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। तो देखो बेटा जी पोलन ट्यूब के लिए बोरॉन एसेंशियल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ बेटा जी देखो क्वेश्चन नंबर 199 जिसमें पूछ रहे हैं आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटो कॉपरेशन, ठीक है। प्रोटो कॉपरेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ, आप बोल सकते हैं टाइप बोल सकते हैं बेटा किसका, म्यूचुअलिज्म का, लेकिन ये बेटा जी डिपेंडेंसी शो नहीं करता, जरूरी नहीं है कि डिपेंडेबल हो, लेकिन म्यूचुअलिज्म के अंदर डिपेंडेंसी जरूरी होती है। तो देखो बेटा जी एनिमोन हार्बिट क्रैब ये दोनों क्या है, म्यूचुअलिज्म शो करते हैं, ठीक है। ग्रेजिंग एनिमल्स एंड ऑक्स पीकर ये भी क्या करते हैं, म्यूचुअलिज्म शो करते हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल एंड क्रोकोडाइल बर्ड ये भी म्यूचुअलिज्म शो करते हैं, बट जो सी एनिमोन है ये आपका देखो ये शो करता है आपका कॉमन सेलिज्म शो करता है, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है प्रोटो कॉपरेशन का एग्जाम्पल नहीं है, प्रोटो कॉपरेशन का मतलब अपन ने क्या बोला, म्यूचुअलिज्म ही बोला, लेकिन म्यूचुअलिज्म क्या नहीं है, डिपेंडेबल नहीं है, डिपेंडेंसी शो नहीं कर रहा, इसलिए ये तो नहीं हो सकते, इसलिए इसका आंसर कौन सा जाएगा, ये 4th, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर लास्ट जो क्वेश्चन है आपका 200, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केट ग्रुप्स ऑफ इंडिया इज इन राजस्थान, राजस्थान का नाम आते ही आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए बेटा, अपने सबसे बड़ी जो पहाड़ों की या जो पर्वत श्रृंखला बोलते हैं जिसको अपन अरावली हिल्स के नाम से जानते हैं, तो आपका 4th आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा। देखो बेटा आपका सिंपल सा और टोटली एनसीईआरटी की लाइनों के ऊपर डिपेंड पेपर था, एनसीईआरटी की लाइनों को उठाया गया था, जैसे कि नीट के अंदर जो एनसीईआरटी की लाइनों को उठाते हैं, और एकदम सिंपल सा स्वीट सा पेपर था। आई होप आप लोगों ने सबने इस पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है, और आगे भी जो अपने सीएलसी के जो पेपर हो रहे हैं दंगल, उनमें आप लोग अच्छा परफॉर्म कीजिए, एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, और सारे के सारे पेपर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, और आपकी नीट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, फोड़ के आना बेटा, ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।